अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सल्तनत उस्मानिया के बारे में। वो सल्तनत उस्मानिया जो सालों पहले अनातोलिया यानी आज के तुर्की के अलावा भी दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर फैली हुई थी। उत्तर में हंगेरी और क्रीमिया, दक्षिण में मक्का मदीना से लेकर अदान तक, पूरब में आर्मेनिया से बगदाद तक और पश्चिम में अलजायर्स यानी अल्जीरिया तक इस सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत हुआ करती थी। दुनिया के बड़े बड़े शहर और देश जैसे मोरक्को, ट्यूनिस, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, लीबिया, ईरान, कुवैत, यमन, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, इराक, लेबनान, मुल्क शाम, तुर्की, ग्रीस, बल्गेरिया, अल्बानिया, मैसेडोनिया, रोमानिया, सर्बिया, कोसोवो, त्रिपोली और पूरे हंगेरी पर सल्तनत उस्मानिया मजबूती के साथ फैली हुई थी। इसी सल्तनत को अंग्रेज द ऑटोमन एम्पायर कहते थे और कहते हैं। तीन बर्रे आजम यानी दुनिया के तीन बड़े बड़े खंडों पर 600 साल तक हुकूमत करने वाली यह सल्तनत कैसे वजूद में आई, कैसे दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर सल्तनत बनी और फिर कैसे इस सल्तनत को साजिशों में घेर कर इसकी जड़ों को काट कर कैसे इसे तबाह करके बिखेर दिया गया कि आज इसकी तारीख तलाश करना भी एक मुश्किल काम है। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया पे बनाया गया ये पहला एपिसोड है, इसे पूरा जरूर देखें। दोस्तों, आज के दौर का तुर्की जहां मौजूद है, इसी तुर्की को सालों पहले अनातोलिया कहा जाता था। इसी अनातोलिया के मशरिक में यानी पूरब में एक बड़ी तुर्किश सल्तनत आबाद थी जिसे सल्जुक सल्तनत के नाम से जाना जाता था। लेकिन अनातोलिया का ये पूरा इलाका तो रोमियों के कब्जे में था। रोमन सल्तनत अनातोलिया और यूरोप के मशरिकी इलाकों तक फैली हुई थी। ये रोमन लोग वही है जिन्हें अर्तुरुल गाजी और कोरोलस उस्मान ड्रामा सीरीज में बिजेंतुनियों के तौर पर दिखाया गया है और इसी वजह से इसे बिजेंतिन एम्पायर या ईस्टर्न रोमन एम्पायर भी कहा जाता था। इस रोमन एम्पायर का मरकज था कॉन्स्टेंटिनोपल या कंस्तनतुनिया जो इसकी राजधानी था, जो बड़े बड़े किलों की तीन दीवारों के बीच में महफूज था, जिसे दुनिया आज इस्तांबुल के नाम से जानती है और आज ये तुर्की का एक बहुत बड़ा शहर है। अनातोलिया में एक खूबसूरत झील है जिसका नाम लेक वॉन है। इसी झील के किनारे एक बहुत पुराना और कदीम चर्च है जिस पर बाइबल की एक मुकम्मल दास्तान तराशी गई है और इसी झील के किनारे तकरीबन 1000 साल पहले एक तारीखी और बहुत बड़ी जंग हुई थी जिस जंग ने दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतों की किस्मत पलट के रख दी। इसी तारीखी जंग की याद में यहाँ पर हर साल अगस्त में एक प्रोग्राम रखा जाता है जिसमें तुर्क के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान भी शामिल होते हैं। इस प्रोग्राम में एक खेल दिखाया जाता है जिसमें तुर्क घोड़सवार बिना लगाम पकड़े घोड़ा दौड़ाते हैं और भागते हुए घोड़े से अपने जिस्म को पीछे की तरफ मोड़कर तीर चलाते हैं और एकदम सटीक निशाना लगाते हैं। आज के दौर में भले ही ये खेल नजर आता है लेकिन आज से 950 साल पहले इन्हीं के बाप दादाओं ने यही सब करके रोमियो से ये पूरा इलाका छीन लिया था। दोस्तों, हुआ कुछ यूं था कि 11वीं सदी में अनातोलिया के हिस्से पर हुकूमत करने के लिए सल्जुगियों और रोमियो के बीच लड़ाइयाँ और जंगें होती रहती थी, लेकिन बुनियादी तौर पर अनातोलिया का ये सारा हिस्सा रोमियो का यानी बिजंतीनी सल्तनत का था। रोमियो ने अपनी सल्तनत को तुर्कों से बचाने के लिए सरहदों के साथ साथ छोटे छोटे किलों की लंबी कतारें भी बना रखी थी। ये किले रोमी सरहदों पर पहरा देने का काम अंजाम देते थे और इन किलों में मौजूद फौजी दस्ते तुर्क हमलावरों का मुकाबला किया करते थे। लेकिन तुर्कों के ये हमले इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि इन्हें रोकना अब सरहदी किलों के बस की बात नहीं थी और इन्हीं हमलों से तंग आकर रोमी बादशाह रोमनोस ने तुर्कों को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए एक बहुत बड़ी फौज तैयार की जिसकी तादाद 1 लाख से भी ज़्यादा थी। जब रोमनोस सल्जुगियों के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा था उस वक्त सल्जुगी तुर्कों के सबसे बड़े सुल्तान अल्प अरसलान मिस्र की फातिमी खिलाफत से जंग में उलझे हुए थे। फातिमी खिलाफत की हुक्मरानी में बैतुल मुकद्दस और सीरिया के शहरी इलाके शामिल थे। अल्प अरसलान ये इलाके छीनना चाहते थे और इन इलाकों को अपने कंट्रोल में लेने का इरादा रखते थे, लेकिन अब उनके सामने रोमनोस नाम का नया फितना 1 लाख की सेना लेकर खड़ा हो चुका था। अब अल्प अरसलान के एक तरफ मिस्र की फातिमी खिलाफत और दूसरी तरफ रोमी शहंशाह रोमनोस था।
अब दोस्तों अल्प अरसलान एक साथ इन दोनों से अलग अलग मुआस पर नहीं लड़ सकते थे, इसलिए उन्होंने रोमन शहनशाह को एक पैगाम भेजा कि अगर रोमनोस हमारे खिलाफ जंग ना करे तो तुर्क उसके इलाकों पर हमले करना बंद कर देंगे और बदले में रोमन फौज को भी तुर्क इलाकों में छापामार कार्यवाही करने से तुम्हें रोकना होगा। रोमनोस इस पैगाम को मान तो जाता, लेकिन मुसीबत यहाँ पर यह खड़ी हो गई कि दोनों सल्तनतों की दरमियानी सरहद का पक्के तौर पर किसी को पता नहीं था और सरहदी इलाकों पर दोनों का कंट्रोल भी कुछ खास नहीं था, इसीलिए ये मुआहदा तय नहीं हो सका और रोमी शहनशाह रोमनोस ने अपनी फौज के साथ सल्जोगी सल्तनत की बॉर्डर की तरफ पेशकदमी जारी रखी। सन 1071 में रोमनोस अपनी 100,000 की फौज के साथ अनातोलिया के मांसकरत के मुकाम पर पहुंच चुका था। यहां से सल्जोगी सल्तनत का इलाका अब ज्यादा दूर नहीं था और अब अल्प अरसलान के पास एक मास छोड़कर रोमनोस के साथ लड़ने के सिवाय कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए अल्प अरसलान ने फातिमी खिलाफत से जंग रोक दी और रोमनोस के लश्कर से मुकाबले की तैयारी करने के लिए वो अपने मरकज ईरान चले आए। ईरान आकर उन्होंने एक ऐसा खतरनाक लश्कर तैयार किया जिस लश्कर में कमाल के घोड़ेसवार और तीरंदाजी में अच्छे अच्छों को मात देने वाले सिपाहियों को शामिल कर लिया। इस लश्कर की तादाद 20,000 से लेकर 30,000 तक मुश्तमिल थी और इस लश्कर में अक्सर सिपाही ऐसे थे जो बिना लगाम पकड़े ही दौड़ते घोड़े से सटीक निशाना लगाने की काबिलियत रखते थे। अब दोस्तों अल्प अरसलान अपनी फौज को लेकर एक लंबे रास्ते से वॉन लेक के किनारे जा पहुंचे और उन्होंने रोमी फौज पर अचानक ही पीछे से हमला कर दिया, जिसकी वजह से रोमी फौज में भगदड़ मच गई और उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। रोमियों पर दूसरी कयामत ये टूट पड़ी कि उनकी फौज में जो तुर्क सिपाही किराए पर सिपाही बनकर लड़ रहे थे, ऐन वक्त पर वो सारे सिपाही अल्प अरसलान की फौज से जा मिले, जिससे रोमियों पर हैबतदारी हो गई और वो मैदान जंग छोड़कर भागने लगे। इस पेश आने वाले वाकये की वजह से रोमी फौज के उस बड़े हिस्से के हौसले भी टूट गए जिसकी कमांडरी खुद रोमन शहनशाह रोमनोस कर रहा था। जब इस बड़ी फौज से अल्प अरसलान की बकायदा जंग शुरू हुई तो मैदान जंग के अंदर ही अफवाह फैल गई कि रोमन शहनशाह रोमनोस मारा जा चुका है। अपने कमांडर और शहनशाह की मौत की खबर सुनकर इन बेवकूफ बिजंतीनियों की कमर टूट गई और कुछ देर तक बेसहारा लड़ने के बाद रोमी फौज के हौसले भी पस्त होने लगे थे और धीरे धीरे ये लोग अल्प अरसलान के सामने घुटने टेकने लगे थे। वो रोमी जो बड़े लश्कर और लोहे के हथियारों से लैस होकर आए थे, सिर्फ एक ही दिन के अंदर जंग पूरी तरह से हार चुके थे और सल्जुगी सुल्तान अल्प अरसलान जंग में फाते हुए। लेकिन दोस्तों ये तो सिर्फ जंग की शुरुआत थी। जंग के खत्म होने पर एक आम सल्जुगी सिपाही अल्प अरसलान के सामने आया। उसने एक रोमी सिपाही को अल्प अरसलान के कदमों में पेश किया जो जख्मी हालत में धूल और मट्टी से अटा हुआ था। सुल्तान ने पूछा, बताओ ये कौन है? उस सल्जुगी सिपाही ने बताया कि ये रोमी शहनशाह रोमनोस है। अल्प अरसलान को यकीन नहीं आया कि रोमी शहनशाह उसके कदमों में पड़ा है। उन्होंने रोमनोस की गर्दन पे पांव रखा और पूछा कि बताओ अगर मैं तुम्हारे सामने इसी तरह से लाया जाता तो तुम मेरे साथ क्या करते? रोमनोस ने जवाब दिया कि मैं तुम्हें कत्ल कर देता या जंजीरों में बांधकर कंस्टेंटिनोपल के बाजार में जानवरों की तरह घुमाता। रोमनोस की ये बातें सुनकर अल्प अरसलान ने जवाब दिया कि रोमनोस तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि मेरा इंतकाम कितना भयानक होने वाला है। तुम मुझे कत्ल करने की बात करते हो, ए रोमनोस जाओ मैं तुम्हें माफ करता हूँ। इतना कहने के बाद अल्प अरसलान ने रोमनोस से अच्छा सलूक किया, उसकी देखभाल और जख्मों का इलाज करवाया और उसे महंगा लिबास पहनाया और खास तौर पर एक दावत का अहतमाम भी किया। अल्प अरसलान ने रोमनोस के साथ एक बड़ा मुआहदा यानी करार भी कर लिया, जिस मुआहदे के तहत अनातोलिया के बहुत से इलाके सल्जुगियों की हुक्मरानी में आ गए। रोमी शहनशाह रोमनोस ने 15,00,000 सोने के सिक्के, सालाना अनाज और अपनी बेटी की शादी अल्प अरसलान के बेटे से करने का वादा कर लिया। इसके बाद रोमी शहनशाह रोमनोस को आज़ाद कर दिया गया, लेकिन हुआ वही जो अल्प अरसलान ने कहा था कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि मेरा इंतकाम कितना भयानक होगा। सल्जुगियों से आजाद होने के बाद रोमी शहनशाह अपने मरकज यानी कंस्टेंटिनोपल पहुंचा भी नहीं था कि उसे अपने ही बागी फौजियों ने घेर लिया, क्योंकि कंस्टेंटिनोपल में उसके खिलाफ बड़ी बगावत हो चुकी थी और उसकी जगह रोमियो ने नया शहनशाह भी चुन लिया था। इन बागी सिपाहियों ने रोमनोस को गिरफ्तार कर लिया, यहाँ तक कि उसकी आंखें निकाल दी और उसे कैद में डाल दिया।
जहां पर वो तड़प तड़प के मौत का शिकार हो गया। हुआ हूबहू वैसा ही जैसा कि अल्प अरसलान ने उससे कहा था। दोस्तों, उस दिन से लेकर आज तक अनातोलिया का यह हिस्सा दोबारा कभी भी रोमियो या ईसाइयों के कब्जे में नहीं गया। रोमियो ने इस इलाके को वापस लेने की बहुत कोशिशें की, लेकिन वो कभी भी कामयाब न हो सके। जिस जगह के लिए रोमी हमेशा मशक्कतें करते रहते थे, वो जगह तारीख में एक अजीम मर्तबा रखती थी, क्योंकि यहीं कहीं अनातोलिया के खित्तों पे वो खानाबदोश कबीला भी आबाद हुआ करता था, जो अपने जानवरों के रेवड़ों को लंबे लंबे घास के मैदानों में हांक कर अपना गुजर बसर चलाया करता था। ये वही कबीला है जिसे आज पूरी दुनिया उस्मानी तुर्कों के नाम से जानती है। इनका असल नाम क्या था, ये अनातोलिया में आखिर किस जगह बसा करते थे, शुरुआत में इनका मजहब कौन सा था, ये सारी बातें सही से किसी को नहीं मालूम, क्योंकि उस्मानी तुर्कों के बारे में जो कुछ भी लिखा गया वो सल्तनत उस्मानिया के कयाम के 100 साल बाद लिखा गया। इसीलिए इसमें बहुत कुछ अफसानवी ख्यालात या मिलावटी भी हो सकता है, या ये सब सच भी हो सकता है। तो दोस्तों, सल्जुक तुर्कों के अनातोलिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने के बाद तुर्कों के दूसरे कबीलों की तरह ये कबीला भी इसी हरी भरी और सरसब्ज जमीन पर घूम फिर कर अपनी जिंदगी गुजर बसर करने लगा। सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखने से पहले ये कबीला काई कबीले के नाम से जाना जाता था। यही काई कबीला सल्जुक सल्तनत की हिफाजत में बहुत बड़ी अहमियत रखता था। सरदार सुलेमान शाह ने सल्जुक सल्तनत के साथ मिलकर बिजिंतीनियों, मंगोलों और सलीबियों के खिलाफ बहुत सारे मुआवजों पर जंगें लड़ी थी। उनकी वफात के बाद काई कबीले की तकसीम हुई और असल सरदारी अर्तुरुल साहब को दे दी गई, और उनके बाद इस कबीले के सरदार बने उस्मान गाजी, जिन्होंने आगे चलकर एक बहुत बड़ी सल्तनत की नींव खींच डाली, जिसे आज हम और आप सल्तनत उस्मानिया के नाम से जानते हैं। तुर्क के ये कबीले बहादुर, जंगजू, सख्त तबीयत के मालिक और जुल्म के सामने डट जाने वाले लोग थे। ये लोग हजार बार मरने को तो तैयार हो जाते थे, लेकिन अपनी जमीन का टुकड़ा किसी जालिम के हवाले करना गवारा नहीं करते थे। दोस्तों, सल्जुकी सल्तनत की हुक्मरानी में जितने भी कबीले अनातोलिया में बसा करते थे, उनका असल काम ये था कि वो सल्जुकी सल्तनत की रोमियों से हिफाजत करते थे। बदले में सल्जुक सल्तनत अनातोलिया और दीगर खित्तों के हरे भरे मैदानों में इनको बसने और इनके रेवड़ों को चराने का परवाना दिया करती थी, और ये तुर्क कबीले अपने जानवरों को चराने के साथ साथ सल्जुक सल्तनत की हिफाजत और सरहदों पे पहरा दिया करते थे। लेकिन वक्त के गुजरते सल्जुकियों को सबसे बड़ी तबाही का सामना रोमियों से नहीं, बल्कि पूरब की तरफ से आने वाले मंगोलों और जंगेज खान से करना पड़ा। जंगेज खान ने खाकान आजम बनने के बाद मुसलमानों की एक बड़ी और कदीम सल्तनत, जिसे ख्वारज्म सल्तनत के नाम से जाना जाता था, इस ख्वारज्मी सल्तनत की हुकूमत ईरान और मध्य एशिया पर फैली हुई थी। जंगेज खान ने ख्वारज्मी सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज्म शाह को एक पैगाम भिजवाया और कहा कि मैं तुम्हारी सल्तनत से तिजारत करना चाहता हूँ। और दोस्तों, जंगेज खान अच्छे और खूबसूरत कपड़ों का भी शौकीन था। अलाउद्दीन ख्वारज्म शाह ने जंगेज खान के तिजारती पैगाम को कबूल कर लिया, और इस तरफ से जंगेज खान ने भी एक काफिला ख्वारज्मी सल्तनत की तरफ रवाना कर दिया। लेकिन ख्वारज्मी सल्तनत की बॉर्डर के एक शहर और तरार के करीब इस मंगोल काफिले पर हमला हो गया, जिसके बाद गुस्साए हुए जंगेज खान ने दो मंगोल और एक मुस्लिम सफीर ख्वारज्म शाह के दरबार में भेजे। लेकिन अलाउद्दीन ख्वारज्म शाह ने मुस्लिम सफीर की गर्दन कटवा दी और उन दो मंगोलों के सर मुंडवा दिए और उनको वापस जंगेज खान की तरफ भेज दिए। दोस्तों, इस पूरे वाकये को समझने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए। दोस्तों, अलाउद्दीन ख्वारज्म शाह की सरकत के बाद जंगेज खान बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया और चीन की सरहद से लेकर बगदाद तक मौजूद सारी मुस्लिम सल्तनतों पर कहर बनकर बरस पड़ा। जंगेज खान ने ख्वारज्मी सल्तनत को जड़ से निस्तो नाबूद कर दिया, साथ ही साथ अब्बासी खिलाफत को भी अपने पैरों तले रौंद डाला। यहाँ तक कि जंगेज खान की फौज अनातोलिया तक भी आ पहुँची और अनातोलिया पे हुकूमत रखने वाली सल्जुगी सल्तनत को भी यहाँ से उखाड़ फेंकी, और अब छोटी सी सल्जुगी सल्तनत बच गई, जिसे सलाजगाए रोम कहा जाता था। ये छोटी छोटी सल्जुक सल्तनतों का एक गिरोह था, जिस पर अल्प अरसलान के रिश्तेदारों की औलादे हुकूमत किया करती थी। इसी सलाजगाए रोम और रोमी सल्तनत के बीच उस्मानी तुर्कों का कबीला अपने सरदार उस्मान गाजी की कयादत में आहिस्ता आहिस्ता मजबूत हो रहा था। उस्मान गाजी हकीकी तौर पे कहां पर पैदा हुए थे, उनकी शुरुआत की जिंदगी कैसी गुजरी थी, इसके बारे में किसी को भी ज्यादा मालूमात नहीं है। यहाँ तक कि उनके नाम के बारे में भी
इतिहासकारों के बीच काफ़ी दोराय है कि इनका नाम वाकई उस्मान था या फिर उत्तमान या फिर ओटोमन था, क्योंकि अरबी जबान का ये नाम उस्मान उन्हें बहुत सालों बाद दिया गया था। उस्मान के बारे में इतिहास में कहा गया है कि वो एक बहादुर और दिलेर इंसान थे और उनके जंगजू भी कमाल के तलवारबाज और गजब के घोड़सवार थे। ये घोड़सवार इतने ज्यादा हुनरमंद थे कि वो बगैर लगामे पकड़े दौड़ते घोड़े से अपने शिकार को निशाना बनाने की सलाहियत रखते थे। कहा जाता है कि सरदार उस्मान अपने सारे सिपाहियों से घुल मिल कर रहा करते थे और हर एक सिपाही को बराबर एहतराम दिया करते थे। उनके इसी रवैये की वजह से वो अपने हर एक सिपाही के दिल में अपनी अलग इज्जत और ऊंचा मकाम बना चुके थे। उस्मान गाजी ने घोड़ेसवार तुर्कों की एक बहुत बड़ी फौज तैयार कर ली थी। अपने इंसाफ और बहादुरी का लोहा मनवा कर उन्होंने इर्द गिर्द में मौजूद बहुत सारे तुर्क सरदारों को भी अपने साथ मिला लिया था। अपनी इन्हीं सलाहियतों के दम पर उस्मान अब इतने ताकतवर हो चुके थे कि जो मंगोल उनके दादा सुलेमान शाह और वालिद अर्तुरुल साहब को मुसीबतों और जुल्म से दोचार किया करते थे, वो अब उस्मान गाजी से मुकाबला करने के बजाय छुपकर भाग जाया करते थे। उस्मान रोमियों की बेजिंतनी सल्तनत पे हमला करना चाहते थे ताकि वो अपनी रियासत की बुनियाद का पहला बीज बो सके और बाकी तुर्कों को ये मनवा सके कि हम भी अपनी अलग रियासत की बुनियाद रखने की ताकत रखते हैं। लेकिन बिजंतीनी सल्तनत और उस्मान गाजी के बीच में दरियाए संगरेन या सकारिया नदी बहा करती थी, जो उस्मान गाजी के लिए एक कुदरती रुकावट बन रही थी। इस नदी के उस पार बिजंतीनी सल्तनत हुआ करती थी, जिन्होंने नदी के साथ साथ सैकड़ों मजबूत चौकियां बना रखी थी। इन्हीं चौकियों पर मौजूद तीरंदाज उस्मान गाजी की फौजों को आगे नहीं आने देते थे। जैसे ही तुर्क सिपाही बिजंतीन की तरफ बढ़ने की कोशिश करते तो इन चौकियों पर मौजूद रोमी तीरंदाज इन तुर्क सिपाहियों पर तीर बरसाना शुरू कर देते थे, जिसकी वजह से उस्मान गाजी को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन दोस्तों, उसी दौर में सन 1300 या 1302 में एक कुदरती घटना घटी। वो कुदरती घटना ये थी कि दरियाए संगरेन ने अपने बहाव का रुख बदल लिया और इसी वजह से बिजंतीन की मजबूत चौकियां दरिया के बहाव में आकर बहने लगी। उस्मान को इसी मौके का इंतजार था। उन्होंने दरियाए संगरेन को पार किया और रूमी इलाकों पर हमले करना शुरू कर दिया। इन बिजंतीनियों ने जब सुना कि उस्मान दरियाए संगरेन पार करके हमारी सरहदों में घुस आया है और हमारी सल्तनत के लिए बड़ी मुसीबत बनने वाला है, तो उन्होंने उस्मान साहब के मुकाबले के लिए एक बड़ी फौज भेजी। लेकिन यहाँ उस्मान गाजी ने वो जंगी महारत दिखाई जो उन्होंने मंगोलों से सीखी थी और जो बाद में उस्मानी तुर्कों की आदत बन गई थी। दोस्तों, वो जंगी महारत ये थी कि उस्मान ने पहले अपना छोटा सा फौजी दस्ता दुश्मन के मुकाबले के लिए भेजा। जब जंग शुरू हुई तो इस छोटे से फौजी दस्ते ने वापस उल्टी तरफ भागना शुरू कर दिया। अब बिजंतीनी दुश्मन ने इस लश्कर का पीछा करना शुरू कर दिया और पीछा करते करते ये लोग ऐन उस जगह पर आकर फंस गए जहाँ उस्मान और उनका असल लश्कर कात लगा कर बैठे थे। जब बिजंतीनी लश्कर जाल के बीचों बीच आकर ठहर गया तो गाद लगाए बैठे उस्मान ने अपने पूरे लश्कर के साथ पूरी ताकत से इन पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में रूमी फौज को बुरी तरह से शिकस्त खानी पड़ी और उस्मान इस जंग में गाजी बनकर लौटे। इस फतह के बाद उस्मान साहब ने रूमियों के कई किले और शहर फतह कर लिए, जिनमें येनी शहर सबसे अहम था। इसी येनी शहर को उस्मान साहब ने अपना दारुल हुकूमत बना लिया था। दोस्तों, इन्हीं सारी शानदार फतुहात ने उस्मान गाजी को इस इलाके में रहने वाले तुर्कों का हीरो बना दिया और अब अनातोलिया के सारे तुर्क कबीले एक एक करके उस्मान गाजी के परचम के नीचे जमा होने लगे थे। उस्मान गाजी का लश्कर बड़ा हो रहा था लेकिन रोमियों की बिजंतीनी एम्पायर से बहुत छोटा था। लेकिन छोटे लश्कर के साथ भी उस्मान ने बिजंतीनी सल्तनत पे हमले करना जारी रखा था, जिसकी वजह से उसके दुश्मनों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उस्मान के चचा दुनदार ने उन्हें इस मुहिम जोई से मना करना चाहा तो उस्मान बहुत नाराज हुए कि उनके लिए फैसलों को चैलेंज ना किया जाए। लेकिन फिर भी चचा दुनदार अपनी हरकतों से बाज ना आए और उल्टा बिजंतीनियों के साथ मिलकर अपने भतीजे उस्मान के खिलाफ ही साजिश करने लगे, जिसके नतीजे में उस्मान ने अपने चचा को तीर का निशाना बनाकर पूरे कबीले के सामने इबरत का निशान बना दिया। अपने चचा को तो उन्होंने उनकी गद्दारी की सजा दे दी, लेकिन अपने अहम मामलात में वो एक शेख अदबाली से जरूर मशवरा लिया करते थे। उस्मान शेख अदबाली को अपना राहगीर मानते थे और इसी शेख की बेटी से उस्मान शादी भी करना चाहते थे।
लेकिन शेख अदबाली शुरू में इस बात पर राजी नहीं थे। एक तुर्की रिवायत के मुताबिक उस्मान ने ख्वाब देखा था जिसमें उन्होंने देखा कि एक चांद शेख अदबाली के सीने में से निकलकर उस्मान के सीने में आकर समा जाता है। फिर उस्मान के जिस्म से एक बड़ा दरख्त निकलता है जिसकी शाखें और जड़ें मशरिक से लेकर मगरिब तक फैल जाती है। फिर उसी दरख्त की जड़ों से चार बड़े दरिया निकलते हैं और चार बड़े पहाड़ दरख्त की इन फैलती हुई शाखाओं को सहारा देते हैं। फिर अचानक तेज हवा चलती है और दरख्त के पत्ते उड़ते हुए एक अजीमुशान शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। ख्वाब के मुताबिक ही अजीमुशान शहर ऐसी जगह था जहां दो समंदर और दो बर्रे आजम यानी भूमि खंड मिलते हैं। ये शहर एक अंगूठी की तरह था और उस्मान ये अंगूठी पहनना चाहते थे, लेकिन इतने में ही उनकी आंख खुल गई। उस्मान ने जब अपना ये पूरा ख्वाब शेख अदबाली को सुनाया तो उन्होंने इस पर कहा कि मुबारक हो, खुदा ने तुम्हें एक बहुत बड़ी सल्तनत की बशारत दी है और तुम अब मेरी बेटी से शादी करोगे। दोस्तों, तारीख इस बात की गवाही देती है कि इस ख्वाब की ताबीर पूरी हुई, जिसका आगाज कुछ इस तरह से हुआ कि उस्मान साहब की शेख अदबाली की बेटी राबिया से शादी हो गई। ये वही राबिया खातून है जिसे आज हम और आप कोरोलस उस्मान में राबिया बाला खातून के नाम से जानते हैं। शेख अदबाली की बताई हुई ताबीर और कमजोर होती बिजंतीनी सल्तनत को देखकर उस्मान साहब के हौसले अब और भी बुलंद हो रहे थे। उन्होंने 1317 में बिजंतीनी एम्पायर के एक अहम शहर कंस्तुनतुनिया, जिसे आज इस्तांबुल कहते हैं, उसके करीब ही एक और बहुत ही अहम शहर ब्रूसा का मुहासरा कर लिया। रोमियों के इस शहर ब्रूसा को फतह करने के लिए उस्मान साहब को 10 साल तक जंग लड़नी पड़ी थी और 10 साल तक जंग लड़ने के बाद आखिरकार फतेह उस्मानी तुर्कों के हिस्से में आ गई। और सन 1326 में ब्रूसा के गवर्नर ने उस्मान साहब की फौज के सामने हथियार डाल दिए। लेकिन जब ब्रूसा शहर फतेह हुआ तब उस्मान साहब मौत के करीब पहुंच चुके थे। उस्मान साहब के बेटे ओरहान ने फतेह की खुशखबरी बीमार और बूढ़े बाप तक पहुंचाई तो वो ये सुनकर खुश हो गए। उस्मान ने अपने बेटे ओरहान की तारीफें की और उन्हें अपना जानशीन भी मुकर्रर कर दिया और साथ ही ये वसीयत भी कर डाली कि मौत के बाद उन्हें ब्रूसा शहर में ही दफन किया जाए और ब्रूसा को उस्मानी तुर्कों का नया दारुल हुकूमत यानी राजधानी बना दी जाए। इसके ठीक कुछ ही दिनों बाद ही उस्मान साहब की वफात हो गई तो उन्हें ब्रूसा शहर में ही दफन कर दिया गया, जहाँ उनकी कब्र आज भी मौजूद है। और उनके बेटे ओरहान साहब ने अपने बाबा की वसीयत के मुताबिक ब्रूसा शहर को अपना नया दारुल हुकूमत यानी राजधानी बना ली और यूं उस्मानी तुर्कों के पास एक ऐसी रियासत आ चुकी थी जिसे वो सल्तनत का नाम दे सकते थे और ये नाम दे दिया गया। ओरहान ने सबसे पहली बार सुल्तान का लकब इख्तियार किया, यानी अब लोग उन्हें सुल्तान ओरहान के नाम से जानने लगे। इससे पहले इनके यहाँ सरदार का लकब इख्तियार किया जाता था जिसे तुर्की में बे कहकर पुकारा जाता है, जैसे अर्तुरुल बे, उस्मान बे वगैरह। और अब तो ये ओरहान बे नहीं रहे बल्कि सल्तनत उस्मानिया के पहले सुल्तान सुल्तान ओरहान बन चुके थे और उस सल्तनत की बुनियाद रखी जा चुकी थी जो उस्मान साहब ने अपने ख्वाब में देखी थी। लेकिन नई सल्तनत की बुनियाद रखते ही खतरे भी नए नए उभरने लगे थे और ये खतरा सिर्फ रोमियो से नहीं बल्कि तुर्कों की एक और सल्तनत से भी था। तुर्कों की एक और सल्तनत जो केरासी सल्तनत के नाम से जानी जाती थी, ये केरासी सल्तनत उस्मानी तुर्कों के मगरबी इलाके में धीरे धीरे ताकतवर हो रही थी और ये बात मुमकिन थी कि रोमी और केरासी तुर्क कभी भी एक दूसरे से हाथ मिला सकते हैं और उस्मानी तुर्कों को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए हमलावर हो सकते हैं। और इसी वजह से सुल्तान ओरहान बहुत परेशान रहा करते थे, लेकिन फिर कुदरत ने ओरहान सुल्तान को एक ऐसा मौका दिया जो किसी भी सुल्तान को सदियों में सिर्फ एक ही बार मिला करता है। ये मौका क्या था और ये कैसे मुमकिन हुआ कि सल्तनत उस्मानिया जो कभी रोमियों के करीब एक छोटी सी रियासत थी, वो एक ही सुल्तान की हुक्मरानी में यूं फैली कि रोमियों के मगरिब और मशरिक सब जगह इसके परचम लहराने लगे थे। ये सब आपको बताएंगे सल्तनत उस्मानिया के दूसरे एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान में रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया पे बनाया गया ये दूसरा एपिसोड है, इसे पूरा जरूर देखे। दोस्तों, ब्रूसा में सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान गाजी के बेटे ओरहान गाजी तख्त नशीन हो चुके थे और सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी जा चुकी थी। 14th century यानी 14वीं सदी में अनातोलिया में सूरत हाल ये थी कि बहुत सारी छोटी बड़ी रियासतें एक दूसरे के खिलाफ मुकाबले पे खड़ी हो चुकी थी। इन सारी रियासतों के पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, एक ये
कि वो अपनी इर्द गिर्द की रियासतों पे हमला करके उन पर कब्जा कर ले, दूसरा ये कि वो खुद किसी बड़ी रियासत के कब्जे में आकर खत्म हो जाए। यही चुनौती ओरहान सुल्तान के भी सामने आकर खड़ी हो गई, और वो भी एक नहीं बल्कि दोनों तरफ से। एक चुनौती मशरिक में यानी पूरब की तरफ से अपने ही धर्म के यानी अपनी ही कौम मुसलमान तुर्कों से, जिनकी दो ताकतवर सल्तनतें केरासी और किरमानिया वजूद में आ चुकी थी, और इन्हीं दो रियासतों को, खास तौर पर किरमानिया रियासत को, मुसलमानों की उस वक्त की सबसे बड़ी हुकूमत ममलूक सल्तनत की भी हिमायत और मदद हासिल थी। दोस्तों, ममलूक सल्तनत उस वक्त आज के इसराइल, फिलिस्तीन, सऊदी अरेबिया और मिस्र तक फैली हुई थी। तो ओरहान सुल्तान की एक चुनौती थी मुस्लिम तुर्क रियासतें जो पूरब और दक्षिण में मौजूद थी, और दूसरी चुनौती रोमियो की बिजेंटाइन एम्पायर से जो मगरिब में यानी पश्चिम में थी। यूरोप की कई रियासतें और ईसाई इन बिजेंटाइनियों के साथ खड़े होते थे। तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि जो सल्तनतें उस्मानिया दोनों तरफ से दुश्मनों से घिरी हुई थी, उसी ने रोमियो को दोनों तरफ से घेर लिया? तो दोस्तों, अनातोलिया से बिजेंटिनी सल्तनत की हुकूमत बड़ी हद तक खत्म हो चुकी थी, लेकिन अनातोलिया के शुमाली इलाके यानी उत्तरी इलाके बिथिनिया में कई छोटे छोटे शहर और किले अब भी बिजेंटिनियों के कब्जे में थे। ओरहान सुल्तान बिथिनिया के इन शहरों पर भी कब्जा करना चाहते थे, ताकि रोमियो का अनातोलिया से मुकम्मल यानी पूरी तरह से सफाया करके अपनी सल्तनत उस्मानिया को ज्यादा महफूज और मजबूत बनाया जा सके। तो अब सुल्तान ओरहान ने बिथिनिया के इन शहरों को घेरना शुरू कर दिया। अनातोलिया के इस इलाके बिथिनिया में रूमी किलों पर उस्मानी तुर्कों के मुहासरे शुरू हो गए। जब बिजेंटिनी शहंशाह को ये खबर मिली कि अनातोलिया में उसके बचे कुचे किले भी उस्मानी तुर्क हथिया रहे हैं, तो उसने अपने बचे कुचे शहरों की हिफाजत के लिए एक लश्कर तैयार करना शुरू कर दिया। और सन 1328 में यह बिजेंटिनी बादशाह, जिसका नाम एंड्रोनिकस III था, ये बादशाह 4000 सिपाहियों की एक फौज लेकर बिथिनिया में मौजूद बिजेंटिनी सल्तनत के बचे कुचे शहरों और किलों की हिफाजत के लिए निकल पड़ा। जब ये रोमी शहंशाह फौज लेकर निकला, चारों तरफ ये खबर फैल गई कि बिजेंटिनी शहंशाह खुद फौज लेकर उस्मानी तुर्कों के मुकाबले के लिए आ रहा है, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई रोमी शहंशाह उस्मानी तुर्कों का मुकाबला करने के लिए फौज लेकर खुद आ रहा हो। और इसी वजह से ये खबर तेजी से चारों ओर फैल गई। इस बात की खबर जब ओरहान सुल्तान तक पहुंची, तो वो भी रोमी शहंशाह को रास्ते ही में रोकने के लिए एक फौज लेकर निकल पड़े। सुल्तान ओरहान अपनी फौज के साथ निकोमेडिया शहर, जिसे आज अजमित या अजमत भी कहा जाता है, इस शहर के करीब एक इलाका है जो इलाका माल्टेपे के नाम से जाना जाता है, वहां पर अपनी फौज के साथ पहुंच गए। ये माल्टेपे नाम का इलाका ओरहान सुल्तान के लिए जंगी लिहाज से फायदे वाला इलाका था। ये एक ऊंची पहाड़ी थी जहां से रोमी शहंशाह का लश्कर आते हुए दूर से देखा जा सकता था। तुर्की घोड़सवार जो दौड़ते घोड़ों से तीरंदाजी में माहिर थे, रोमी शहंशाह के रास्ते में एक जगह छुपकर बैठ गए। जब रोमी लश्कर अपने शहंशाह की कमांडरी में उस जगह पर पहुंचा, तो घात लगाए बैठे तुर्क घोड़सवार तीरंदाजों ने रोमियों पर खौफनाक हमला कर दिया, जिसकी वजह से रोमी फौज में भगदड़ मच गई। लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि एक बार फिर वही हुआ जो इससे पहले एक रोमी शहंशाह के साथ हो चुका था। फिर से एक बार मैदान जंग के अंदर ही रोमी शहंशाह के मरने की अफवाह फैल गई या फैला दी गई। ये खबर सच नहीं थी, लेकिन इसी की वजह से रोमियों के हौसले टूट गए और उनका ये लश्कर कंस्टेंटिनोपल के किले की तरफ वापस भाग गया। उनका शहंशाह भी, जो मरा नहीं बल्कि जिंदा था, किसी न किसी तरह अपनी जान बचाकर वापस कंस्टेंटिनोपल पहुंच गया। अगर आम नजरिए से देखा जाए तो ये सिर्फ एक झड़प की शिकस्त थी, कोई बकायदा मुहिमजोई या बड़ी जंग नहीं थी। लेकिन इस हार ने रोमियों पर खौफनाक नफसियाती असर डाला और उनके दिल और दिमाग पर उस्मानी तुर्कों का खौफ बैठ गया। रोमी फौज और आवाम के लोग उस्मानी तुर्कों को एक मामूली कबाइली गिरोह और बकरियां चराने वालों से ज्यादा अहमियत नहीं देते थे, और खुद को वो दुनिया की बेहतरीन और ताकतवर फौज समझते थे, जो कि वो थे भी। और ये बात वाजह है कि सल्तनत रोम की हजार साल की शानदार और फतुहा से बड़ी तारीख इस बात की गवाह भी थी। सो इतने बड़े जोम से आने वाला रोमी लश्कर अपने शहंशाह की मौजूदगी में उस्मानी तुर्कों से हार गया। इस हार ने उनको शर्मसार करके रख दिया और उनके हौसलों को पस्त कर दिया। इस हार से वो इतने दिलबर्दाश्ता हुए
कि उन्होंने अनातोलिया में मौजूद अपने ही उन शहरों और किलों को राशन और अनाज पहुंचाना भी बंद कर दिया जिन किलों के अंदर खुद उनकी अपनी ही फौज मौजूद थी, और इन्हीं सारे किलों को उस्मानी तुर्कों ने अपने घेरे में ले रखा था। अब ये बात तो जाहिर है कि तुर्कों के घेरे में आ चुकी रोमी फौज, जिसे बाहर से भी किसी मदद की उम्मीद ना हो, वो आखिर कब तक मुकाबला कर सकती थी। और इसी वजह से बिथिनिया शहर के सारे बड़े बड़े काबिले जिक्र इलाके एक एक करके उस्मानी तुर्कों के कब्जे में आ गए। उस्मानियों की इस जीत ने जहां रोमियों के हौसले तोड़े, वहीं उसने एक और काम भी किया। वो काम ये कि रोमियों के एक और बड़े जनरल कैंटा कुजेनोस ने अपनी आंखों से देख लिया कि उस्मानी फौज कितनी जबरदस्त और लड़ाकू फौज है। उसने एक शातिर इंसान की तरह उस्मानियों से लड़ने के बजाय उन्हें अपनी ताकत बनाने का फैसला किया, क्योंकि रोमियों का ये जनरल कैंटा कुजेनोस खुद बादशाह बनना चाहता था, लेकिन ना तो वो बादशाह का बेटा था और ना ही भाई, और खुद शहंशाह बनने के लिए उसे रोमियों से बगावत करनी ही पड़ सकती थी, जिसके लिए उसे कंस्तनतुनिया के किले के अंदर भी अपनी हिमायत करने वाली फौज चाहिए थी, जो कि उसके पास मौजूद थी, और बाहर से भी मदद चाहिए थी ताकि जब अंदर लड़ाई हो रही हो तो बाहर से कोई उसके खिलाफ लश्कर लेकर ना जाए। और ये मददगार उसकी नज़र में उस्मानी तुर्कों से बेहतर कोई और नहीं हो सकते थे। इसी वजह से उसने उस्मानी सुल्तान ओरहान से खुफिया राब्ते शुरू कर दिए, यानी अब तुर्कों के सबसे बड़े दुश्मन रोमन बेजेंटाइन के सबसे अहम जनरल तुर्क सुल्तान से मिल चुके थे। इसीलिए कैंटा कुजेनस ने सुल्तान ओरहान से मिलने की दरख्वास्त की और बदले में बहुत से अहम फायदे देने का वादा भी किया। उनमें से एक वादा ये भी था कि अगर सुल्तान ओरहान उसकी मदद करने का वादा करे तो अपनी बेटी से उसकी शादी कर देगा। अब सुल्तान ओरहान ने भी ये पेशकश कबूल कर ली और इस गठजोड़ का इम्तिहान भी कुछ वक्त में शुरू हो गया। हुआ कुछ यूं कि जब 1341 में रोमी शहंशाह का इंतकाल हुआ और उसकी जगह उसका 9 साल का बेटा जॉन 5 तख्त पर बिठाया गया, तो उसी जनरल कैंटा कुजेनस ने बगावत कर दी। उसने मुतालिबा किया कि उसे भी सल्तनत का बराबर शहंशाह बनाया जाए, वरना वो अपनी रियासत से जंग करेगा। उधर 9 साल शहंशाह जॉन 5 को तो कुछ समझ नहीं थी, लेकिन उसकी माँ जो महारानी थी और जो उसकी सरपरस्ती कर रही थी, वो ये बात समझ गई कि जनरल किस बलबूते पर ये बगावत कर रहा है। सो इसी वजह से महारानी ने भी तुर्कों की एक दूसरी सल्तनत केरासी से मदद मांगी। ये और बात है कि केरासी तुर्कों से उन्हें कुछ ज्यादा मदद नहीं मिल सकी। अब रोमी सल्तनत में खुल के खाना जंगी शुरू हो गई, जिसमें एक तरफ उस्मानी तुर्क और रोमी जनरल कैंटा कुजेनस एक साथ थे, जबकि दूसरी तरफ रोमी शहंशाह सर्बिया और बल्गेरिया एक साथ थे, और इनके साथ केरासी सल्तनत भी शामिल थी। ये खाना जंगी 6 साल तक चली थी, और 6 साल तक चलने वाली खाना जंगी के बाद कैंटा कुजेनस को कंस्तनतुनिया का बराबर शहंशाह बना लिया गया, यानी वो जंग जीत गया। लेकिन इस खाना जंगी ने रोमियों की इस बिजंतीनी सल्तनत को और ज्यादा टुकड़ों में बिखेर दिया। सर्बिया आजाद हो गया, बल्गेरिया ने थ्रेस के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया, और बिजंतीनी सल्तनत सिर्फ कुछ साहिली शहरों तक ही महदूद होकर रह गई। इस जंग का अमली नतीजा ये निकला कि उस्मानियों का असर और रसूख अपनी सबसे बड़ी दुश्मन सल्तनत के अंदर तक हो गया, बल्कि उस्मानी सुल्तान ओरहान का ससुर रोमियों का बराबर शहंशाह बन गया। यानी उस्मानी तुर्कों के हाथ अब बिजेंटिनी सल्तनत की जड़ों तक पहुंच चुके थे। उस्मानियों के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इस फतह के बाद उस्मानी तुर्क अपने मगरिब में मौजूद केरासी तुर्कों पर भी हावी हो चुके थे, जो उनके दूसरे बड़े दुश्मन थे। केरासी सल्तनत उस्मानियों के आगे घुटने टेकते टेकते आखिरकार खत्म हो गई, क्योंकि उनके साथ अब कोई मदद करने वाला इत्तेहादी नहीं रहा था, और केरासी सल्तनत पर कब्जा करने की वजह से उस्मानी तुर्क समंदर के इस हिस्से दरियाए दानियाल के करीब आ गए थे, जहां से वो यूरोप में दाखिल हो सकते थे, क्योंकि अनातोलिया से यूरोप में दाखिल होने के सिर्फ दो ही रास्ते थे। एक ये कि रोमी सल्तनत का सबसे बड़ा और मजबूत किला कंस्तनतुनिया फतेह करके इस रास्ते से यूरोप में दाखिल हुआ जाए, जो कि उस वक्त बहुत मुश्किल था, और दूसरा रास्ता यही दरियाए दानियाल से होकर जाता था, जहां तक उस्मानी तुर्क पहुंच चुके थे। और वैसे भी यूरोप में दाखिल होना और उसे फतेह करना तुर्कों के लिए एक ख्वाब था। ये ख्वाब सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान साहब ने देखा था, और अब उस्मानी तुर्क इस ख्वाब के किनारे तक पहुंच चुके थे। लेकिन उनके और यूरोप के बीच में एक समंदर हायल था, छोटा सा और कम चौड़ाई वाला समंदर, लेकिन था तो वो समंदर ही। और दूसरी तरफ यूरोप की ताकतवर फौज थी, जो उस्मानी तुर्कों को किसी भी सूरत दर्राए दानियाल के पार आता नहीं देखना चाहती थी।
लेकिन नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए कुदरत की तरफ से करिश्मे होते रहते हैं और इन्हीं करिश्मों का इंतजार करना चाहिए। 14वीं सदी के बीच में केंटा कुजेनोस ने अपने बेटे को अपनी जगह बादशाह बनाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ भी बगावत शुरू हो गई। इसीलिए केंटा कुजेनोस ने फिर एक बार वही किया जो पहले किया था, यानी सुल्तान ओरहान से मदद मांगी। और अब तो वैसे भी वो सुल्तान ओरहान का सुसर बन चुका था, लेकिन सुल्तान ओरहान ने अपने सुसर केंटा कुजेनोस के सामने एक शर्त रखी। वो शर्त ये थी कि अगर मैं तुम्हारी मदद करता हूँ तो मुझे यूरोप और एशिया के बीच में मौजूद पतला सा समंदर दर्राए दानियाल पार करके दूसरी तरफ यूरोप में गैलीपोली में फौजी अड्डा कायम करने की इजाजत दी जाए। केंटा कुजेनोस को सुल्तान ओरहान से फौजी मदद चाहिए थी, इसीलिए वो ये शर्त मान गया और यूं उस्मानी तुर्क बगैर खून का एक कतरा बहाए यूरोप में दाखिल हो गए। आरजी तौर पर ही सही, लेकिन यूरोप में दाखिल तो हो ही गए। उसके बाद सुल्तान ओरहान ने अपने बेटे सुलेमान को एक बड़ी फौज के साथ यूरोप के गैलीपोली में भेज दिया। अब उस्मानी फौज के मदद को आ जाने से केंटा कुजेनोस की पोजीशन मजबूत हो गई, लेकिन साथ ही उसके लिए एक बड़ा मसला भी खड़ा हो गया। वो ये कि तुर्कों की एक रिवायत थी कि वो गाजा करते थे, यानी ईसाई इलाकों को अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाने के लिए जिहाद करते थे, जिसे वो गाजा का नाम देते थे, और गाजा करने वालों को गाजी कहा जाता था। यही वजह है कि तुर्क हुक्मरानों के पीछे गाजी लिखा जाता है, जैसे कि अर्तुरुल गाजी और उस्मान गाजी। तो ओरहान गाजी के बेटे सुलेमान गाजी ने यूरोप में सिर्फ फौजी अड्डा बनाने पर ही बस नहीं किया, बल्कि उसने जिहाद के लिए पेशकदमी शुरू कर दी और यूरोप में रोमी सल्तनत के किले कंस्टेंटिनिया के मगरिब में एक इलाके थ्रेस पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ये कब्जा शुरू हुआ तो रोमियो के दिलो दिमाग पर खतरे की घंटियां बजने लगी। और अब ताकतवर उस्मानी तुर्क जो रोमियो के मशरिक यानी पूरब में तो थे ही, वो अब मगरिब यानी पश्चिम में भी फैल रहे थे, और ये सब रोमी शहंशाह केंटा कुजेनोस की वजह से हो रहा था। और इसी वजह से केंटा कुजेनोस को रोमियो की तरफ से शदीद तनकीद और नफरत का सामना करना पड़ा। केंटा कुजेनोस ने अपनी इज्जत बचाने के लिए फौरी तौर पर सुल्तान ओरहान को पैगाम भिजवाया कि वो यूरोपी इलाकों पर कब्जे ना करे, सिर्फ अपने फौजी अड्डे की हद तक महदूद रहे या फिर यूरोप से वापस चले जाए। लेकिन सुल्तान ओरहान की तरफ से उसे जवाब मिला कि कुफार के जो इलाके मुसलमानों की रियासत का हिस्सा बन चुके हैं वो वापस नहीं किए जाएंगे। तो इसी वजह से गैलीपोली और थ्रेस का मशरिकी यानी पूरबी इलाका, जहां उस्मानी तुर्कों ने रोमी शहंशाह की मदद के लिए आरजी तौर पर फौजी अड्डा बनाया था, वो पूरी तरह से सल्तनत उस्मानिया में शामिल हो गया और ये इलाका आज भी तुर्की का हिस्सा है। बहरहाल केंटा कुजेनोस की वजह से ये सारे मसले खड़े हुए थे, इसी वजह से कंस्टेंटिनिया में उसकी बादशाहत का तख्ता उलट दिया गया। रोमी सल्तनत को नया शहंशाह मिल गया जो अब सुल्तान ओरहान गाजी का साथी नहीं बल्कि खुला दुश्मन था, जैसा कि माजी में यानी पुराने दौर में होता आया था। इस तरफ केंटा कुजेनोस की बादशाहत खत्म हुई तो दूसरी तरफ 1362 ईस्वी में सुल्तान ओरहान गाजी का भी इंतकाल हो गया। लेकिन अपने इंतकाल तक सुल्तान ओरहान अपने बाबा उस्मान साहब से मिली रियासत को एक सल्तनत बना चुके थे जो पहले से दुगनी हो चुकी थी और अनातोलिया से निकलकर यूरोप तक फैल गई थी। लेकिन अब मसला ये खड़ा हो गया था कि सुल्तान ओरहान के 3 बेटे थे और सल्तनत सिर्फ किसी एक को ही मिलनी थी, सुलेमान, खलील या मुराद, इन तीनों में से किसी एक को, या फिर सल्तनत के 3 टुकड़े किए जाने थे। तो इन्हीं तीनों में से एक सुलेमान, जिन्होंने अपने बाबा ओरहान के हुक्म पर यूरोप में फौजी अड्डा बनाया था, वो नया सुल्तान बनने के मुकाबले से बाहर थे क्योंकि वो पहले ही दुनिया से रुखसत हो चुके थे। बाकी बचे 2 मुराद गाजी और खलील गाजी, इनके बीच मसला खड़ा हो गया, जिसका रद्देमल कुछ यूं निकला कि सुल्तान बनने की हार में मुराद गाजी ने अपने भाई खलील गाजी को कत्ल कर दिया। और अब अपने भाई को कत्ल करने के बाद सुल्तान मुराद अव्वल सल्तनत उस्मानिया के नए सुल्तान बन चुके थे। तो सुल्तान मुराद अव्वल ने तख्त पर बैठते ही तुर्कों की गाजा रिवायत के मिशन को आगे बढ़ाया, लेकिन उन्होंने फौज में एक नई बढ़ोतरी की। ये नई बढ़ोतरी थी गुलामों की फौज की। ये गुलामों की फौज क्या थी और ये तारीख में इतनी ज्यादा मशहूर क्यों है, ये सब आपको बताएंगे सल्तनत उस्मानिया के 3rd एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह की आमान में रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया पे बनाया गया ये 3rd एपिसोड है, इसे पूरा जरूर देखें। गैलीपोली और थ्रेस का मगरबी इलाका, जहाँ पर उस्मानी तुर्कों ने अपना फौजी अड्डा बनाया था, उस पर उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया और अपनी सल्तनत उस्मानिया में मिला लिया, जिसकी वजह से ओरहान सुल्तान के ससुर और रोमियो के बादशाह केंटा कुजेनोस की बादशाहत का तख्ता पलट दिया गया
और उसकी जगह नया सुल्तान चुन लिया गया। भले ही रोमियो का सुल्तान बदल दिया गया था, लेकिन उस्मानी तुर्क यूरोप में अपने कदम जमा चुके थे और धीरे धीरे मजबूती के साथ खड़े हो रहे थे। अब दोस्तों, यूरोप में एक पहाड़ी सिलसिला है जो तकरीबन 530 किलोमीटर तक लंबा है। इसे बलकान माउंटेन रेंज या सिलसिला कोहे बलकान कहा जाता है। इस बलकान माउंटेन के रेंज के नीचे वाला हिस्सा एक त्रिकोण की तरह बनता है, जिसके तीनों किनारों पर समंदर है। इस त्रिकोण को बलकान पेनिनसुला कहते हैं। सन 1370 के करीब उस्मानी तुर्कों ने इसी इलाके से गुलामों की एक ऐसी फौज तैयार करना शुरू की जो अगले 500 सालों तक उस्मानी फौज का सबसे ताकतवर हिस्सा बनकर रही। ये फौज कैसे तैयार की गई और तारीख की सबसे अजीबोगरीब जंग कौन सी थी, जिसमें एक 800 सिपाहियों के छोटे से दस्ते ने 50,000 से लेकर 70,000 सिपाहियों के लश्कर को शिकस्त देकर हरा दिया था, मगर कैसे हरा दिया था, यही सब आज के इस तीसरे एपिसोड में हम आपको बताएंगे। सल्तनत उस्मानिया का मुकाबला जिस रोमन और यूरोपियन आर्मी से था, वो बहुत तरबियत याफ्ता और मुनज्जम फौज थी, जबकि तुर्कों के पास इसके मुकाबले के लिए ताकत और जज्बा तो था, लेकिन वो जंगी तरीका और डिसिप्लिन नहीं था जो उन्हें देर तक यूरोप की ताकत और रियासतों और बेजेंटाइन एम्पायर के मुकाबले में खड़ा रख सके। सो सुल्तान को अपनी फौज को मजबूत बनानी थी और साथ में एक ऐसी खतरनाक फौज भी तैयार करनी थी जो उसके जाती मुहाफिज यानी हिफाजत करने वाले हो, और इस हद तक खतरनाक हो कि कोई दूसरी फौज उनका मुकाबला ना कर सके। ये फौज तुर्कों के अंदर से बेहतरीन मुसलमान नौजवान जमा करके भी तैयार की जा सकती थी, लेकिन यहाँ एक मसला था। वो मसला ये कि सल्तनत उस्मानिया में मौजूद तुर्कों पर उस्मानी तुर्क एतबार यानी पूरा यकीन नहीं करते थे, क्योंकि तुर्कों की पहली वफादारी अपने कबीले और खानदान के साथ होती थी और ये किसी भी वक्त पुरानी वफादारी पर वापस जा सकते थे, सुल्तान के फैसलों के खिलाफ खड़े हो सकते थे, अपने कबीले के लिए खबरें भी लीक कर सकते थे। तो उस्मानी सुल्तान को नई फौज बनाने के लिए ऐसे नौजवान चाहिए थे जो हर तरह के शक और शुबे से बालातर हो, यानी जो उस्मानियों से गद्दारी का इरादा ना रखते हो। तो सुल्तान मुराद ने बलकान के इसी इलाके से ईसाई बच्चों को अपनी खास फौज के लिए भर्ती करना शुरू कर दिया। हुआ कुछ यूं कि यहाँ पर मौजूद ईसाई खानदान जो अब उस्मानी तुर्कों की रियाया थे, उन पर लाजिम था कि वो परिवार का एक बच्चा सुल्तान मुराद की खास फौज के लिए वक्फ करे। तो सालाना मुआहदे के तौर पर 8 से 18 साल की उम्र के बच्चों को बलकान के ईसाई घरों से लिया जाता, इन्हें समंदर पार अनातोलिया के इलाके में लाकर पाला जाता, इन्हें तुर्क जुबान और रहन सहन के तरीके सिखाए जाते, इन्हें इस्लाम भी कबूल करवाया जाता और इनको 8 साल तक जबरदस्त जंगी तरबियत दी जाती। इस दौरान ये बच्चे जबरदस्त और खतरनाक जंगजू के रूप में डल चुके होते। फिर इन्हें मुख्तलिफ हथियारों और दाव पेच में माहिर बनाया जाता, जैसे तीरंदाजी, घुड़सवारी और मौसीकी वगैरह। इनकी तनख्वाह और इज्जत फौज में किसी भी दूसरे अहदेदार से बेहतर होती थी। इस फौज को येनिचेरी या जेनिसेरी के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है नई फौज। ये इंतहाई मुनज्जम और एक खूंखार फौज थी, और क्यों ना होती, क्योंकि इसमें किसी भी छोटी से छोटी गलती की कम से कम सजाए मौत होती थी। जेनिसरी सुल्तान के जाती गुलामों की फौज थी, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि गुलामों की जो शक्लो सूरत हमारे दिमाग में आती है ये उसी तरह के गुलाम थे, बल्कि दर हकीकत इनके हुकूक आम गुलामों से कहीं ज्यादा थे। यहाँ तक कि इन्हें इनकी खिदमत यानी काम का मुआवजा भी बाकियों से कहीं ज्यादा दिया जाता था। दोस्तों, यही वो फौज थी जिसे उस्मानियों के लश्कर की सबसे बड़ी ताकत बनना था, जिसने कंस्टेंटिनोपल फतह करना था, जिसने आने वाले दिनों में कई सुल्तानों की किस्मत का फैसला भी करना था, और यही वो फौज थी जिसने सदियों बाद एक तारीखी बगावत भी करनी थी। शुरू में ईसाई वालदेन बहुत दुखी होते थे कि उनके बच्चों को उनसे छीना जा रहा है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे जेनिसरी फौज का असर रसूख और शानो शौकत सामने आती गई, वैसे ही ईसाई लोग खुशी से अपने बच्चों को इस फौज का हिस्सा बनाने के लिए भेजने लगे, क्योंकि शाही दरबार में और सल्तनत के इंतहाई मरकज में उनका असर रसूख और इज्जत बढ़ जाती थी। अब 1370 में सल्तनत उस्मानिया में एक ताकतवर फौज भी बन रही थी और साथ में सुल्तान मुराद अव्वल उस्मानियों की गाजा रिवायत को भी आगे बढ़ा रहे थे। गाजा यानी ईसाई इलाकों पर कब्जे के लिए जिहाद करना और इस्लामी सल्तनत को आगे बढ़ाना, ये जिहाद अब समंदर पार यूरोप में होना
करना था, लेकिन सल्तनत उस्मानिया का मरकज अभी भी ब्रूसा ही में था, यानी अनातोलिया से समंदर के उस पार लश्करों की रहनुमाई के लिए ये जरूरी था कि अब वहाँ भी एक फौजी मरकज हो, एक मिलिट्री बेस हो जहाँ सुल्तान मुराद ठहरे और यूरोप में गाजा करने वाली फौज की खुद कमांडरी करे। सो उसके बाद सुल्तान मुराद अव्वल ने यूरोप का अहम शहर एड्रिन फतह कर लिया। सुल्तान मुराद खुद कभी अनातोलिया में होते तो कभी यूरोप में होते, लेकिन एड्रिन शहर पर उनके उस्ताद लाला शाहिन पाशा गवर्नर के तौर पर खिदमत सर अंजाम देते रहते थे। लाला का लफ्ज तुर्की लोग अपने तालिब या ट्यूटर को इज्जत देने के लिए इस्तेमाल करते थे, और लाला शाहिन पाशा सुल्तान मुराद के ट्यूटर रहे थे। उस्मानी तुर्कों के यूरोप में दाखिल होने और एड्रिन पर कब्जा करने की वजह से यूरोपीय ईसाई बहुत परेशान रहते थे, और क्यों न होते, आखिर उनकी आज़ादी जो ख़त्म हो रही थी, और ख़ास तौर पर सर्बियन एम्पायर का शहंशाह बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि एड्रिन शहर उसके शहर सर्बिया की सरहद के बिल्कुल करीब था, जिसकी वजह से उसे खतरा महसूस हो रहा था। उसे इस बात का अंदेशा था कि अगर उस्मानी तुर्क यहाँ तक आ गए है तो अब उन्हें आगे आने से कौन रोक सकेगा। तो उसने इस खतरे को शुरू में ही खत्म करने का इरादा किया और मौके की तलाश में रहने लगा। दोस्तों, आपने कहावत तो सुनी ही होगी कि जहां चाह वहां राह। सर्बियन शहंशाह उस्मानी तुर्कों को खत्म करने का मौका ही ढूंढ रहा था, और उसे जल्द ही मौका मिल भी गया। हुआ कुछ यूं कि 1371 में सुल्तान मुराद अव्वल नए दारुल हुकूमत एड्रिन शहर में मौजूद नहीं थे। वो अपनी ज्यादातर फौज और जाती गुलामों यानी जनिसरी आर्मी के साथ दरियाए दानियाल के उस पार अनातोलिया में मौजूद थे, जहां पर वो उस्मानी सल्तनत के अंदर मौजूद छोटी छोटी बगावतों को कुचलने में मसरूफ थे, और दरियाए दानियाल के दूसरी तरफ एड्रिन शहर में गवर्नर लाला शाहिन पाशा और 1000 के लगभग फौज मौजूद थी। और इसी वजह से सर्बियन शहंशाह ने इस मौके को गनीमत जाना और 50,000 से 70,000 सिपाहियों का एक बड़ा लश्कर मुकाबले के लिए तैयार कर लिया। और सन 1371 में मरित्सा नदी के किनारे सर्बियन जनरल ने अपनी फौज के साथ यहीं पर पड़ाव डाला हुआ था। पड़ाव डाले हुए इन खेमों में 50,000 से लेकर 70,000 तक सर्बियन फौजी मौजूद थे। ये फौज उस्मानी तुर्कों पर कारी वार करने के लिए तैयार थी, लेकिन लाला शाहिन पाशा जो तुर्कों का गवर्नर ही नहीं बल्कि माहिर तरीन फौजी कमांडर भी था, उन्हें ये खबर मिल गई कि सर्बियन लश्कर तैयारी करके एड्रिन शहर पर हमला करने आ रहा है। दोस्तों, एक बात बताइए कि जंगों में सबसे ताकतवर हथियार कौन सा होता है, तो फौज की ज्यादा तादाद या फिर खतरनाक हथियार? जी नहीं दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। जंगों में असल ताकतवर हथियार इंफॉर्मेशन यानी खबर होती है, खुफिया मालूमात जो फौज के जासूस सिपाही लेकर आते हैं, और लाला शाहिन पाशा के जासूसों ने उन्हें बता दिया था कि रात में सर्बियन फौज एक जश्न मना रही है, जिसके बाद ठीक दूसरे दिन उस्मानियों पे हमला कर दिया जाएगा। लाला शाहिन पाशा ने इस मौके को गनीमत जाना और खामोशी से 800 जाबाज फौजियों के साथ नदी के करीब आकर छुप कर बैठ गए। रात के वक्त जब सर्बियन लश्कर जश्न मनाने के बाद थकन उतार रहा था, तो अचानक 800 तुर्कों ने सर्बियन फौज पर हमला कर दिया। अब आधे सोए और आधे जश्न के नशे में दुत सर्बियन फौज के फरिश्तों को भी ये खबर नहीं थी कि हमलावरों की तादाद 1000 से भी कम है। बेखबर सर्बियन लश्कर ने तुर्कों के इस हमले को एक बड़ा हमला समझ लिया, और जिसको जहाँ जगह दिखाई दी उधर भाग निकला। अब हालात कुछ ऐसे थे कि सर्बियन फौज के एक तरफ बहती हुई नदी और दूसरी तरफ उस्मानी तुर्कों की शक्ल में मौत थी। ये सर्बियन लश्कर नदी की तरफ भागा, लेकिन इसी भागदौड़ में भी हजारों सर्बियन कत्ल हो गए। ये जंग चूंकि दरियाए मरिस्सा के किनारे पे हुई थी, इसीलिए इसे बैटल ऑफ मरिस्सा के नाम से याद किया जाता है, और इसी जंग को तारीख की सबसे ज्यादा अजीब जंग मानी जाती है। मरिस्सा की इस तारीखी जंग में सर्बियन इतनी बड़ी तादाद में कत्ल हुए थे कि उनके खून से मरिस्सा नदी का पानी लाल हो गया था। तुर्कों के लिए ये एक अजीम फतह थी, और दुनिया की उन हैरान कुन जंगों में से एक थी जिनमें एक इंतहाई छोटे से लश्कर ने खुद से बहुत बड़े लश्कर को सिर्फ जंगी महारत की बुनियाद पर शिकस्ते फास दी। और इसी बैटल ऑफ मरिस्सा को सर्बों की अजीम तबाही के नाम से भी याद किया जाता है। अब जंग का नतीजा ये निकला कि वो सर्बियन जो उस्मानियों को खत्म करने के लिए आए थे, वो अब अपना इलाका भी हार बैठे। सर्बियन एम्पायर जो एक बड़ी सल्तनत थी, कई टुकड़ों में बट गई, और ये टुकड़े सल्तनत उस्मानिया के कब्जे में आते चले गए, और फिर यही इलाके सल्तनत उस्मानियों को खिराज यानी टैक्स देने लगे। सर्बिया की इतनी बड़ी तबाही और उस्मानी तुर्कों का यूरोप की अहम तरीन
ऑटोमैन सल्तनत सर्बिया को शिकस्त फास देना यूरोप की ईसाई रियासतों के लिए मौत का पैगाम था, क्योंकि उन्होंने यूरोपीय मुल्क स्पेन में मुसलमानों की 8 सदियों तक फैली सल्तनत ग्रानाता और अंदलुस देखी थी। स्पेन की इस मुस्लिम सल्तनत को यूरोपीय मुल्क पूरी ताकत लगाने के बावजूद बैटल ऑफ मरिसा के वक्त तक पूरी तरह खत्म नहीं कर सके थे, और स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत थोड़े से इलाके तक उस वक्त भी कायम थी। यानी ईसाइयों के नज़दीक यूरोप में मुसलमानों की एक सल्तनत खत्म हो रही थी तो दूसरी जन्म भी ले रही थी। इससे पहले भी बैतुल मुकद्दस के लिए मुसलमानों और यूरोप के ईसाइयों के बीच में बड़ी बड़ी जंगें हो चुकी थी, जिनमें मुसलमान फतेह रहे थे। और उस वक्त जिसकी हम बात कर रहे हैं, बैतुल मुकद्दस पर मुसलमानों की ममलूक सल्तनत की हुकूमत चल रही थी। इधर उस्मानी तुर्क भी यूरोपीय ईसाइयों के खिलाफ जंग को जिहाद ही कहते थे, और यूरोपीय ईसाई भी इसे मजहबी जंग यानी क्रूसेड वॉर ही का नाम देते थे। सो मजहब के नाम पर दोनों सल्तनतों की तरफ से जंग के नाखूर फूंक दिए गए। सल्तनत उस्मानिया की फौज तो मुत्तहिद और मुनज्जम थी, लेकिन दूसरी तरफ यूरोप पूरी तरह से बिखरा हुआ था। यूरोप को उस्मानी तुर्कों जैसी जबरदस्त जंगी महारत रखने वाली फौज से मुकाबला करने के लिए एक लीडर चाहिए था, जो कि उस वक्त यूरोपियन के पास नहीं था। लेकिन फिर ये लीडर उन्हें सर्बिया की टूटी हुई रियासत के किनारे से मिल गया। ये एक सर्बियन शहजादा था जिसका नाम लाजार था। इसी शहजादे लाजार ने सन 1380 के आखिर में तुर्कों के खिलाफ बगावत कर दी। प्रिंस लाजार ने उन्हें वो जजिया यानी टैक्स जो वो बैटल ऑफ मरिसा के बाद से अदा कर रहे थे वो देने से इनकार कर दिया। और इसी पर बस नहीं किया, बल्कि एक चढ़प में प्रिंस लाजार ने उस्मानी सिपाहियों को एक शिकस्त भी दे डाली। प्रिंस लाजार की इस छोटी सी जीत ने पूरे यूरोप पर में उम्मीद की किरण जगा दी, और अब उन्हें अपनी आज़ादी वापस मिलने की उम्मीद होने लगी। इसी दौरान बलकान ही के अंदर बोस्निया ने भी सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ बगावत शुरू कर दी और तुर्कों के एक छोटे से दस्ते को शिकस्त दे डाली। इन दोनों फतुहात से यूरोपीय ईसाइयों की हिम्मत वापस जुड़ने लगी, और यूरोप को लगने लगा कि वो सल्तनत उस्मानिया को यूरोप से तो आसानी से बाहर खदेड़ सकते हैं। सिलसिला कोहे बलकान के नीचे प्रिंस लाजार के झंडे तले अब वो लश्कर जमा होने लगा था, जिसे ईसाई रूहानी पेशवा पोप की भी भरपूर हिमायत और मदद हासिल थी। यही नहीं, बल्कि पोप की खास फौज के जंगजू यानी नाइट्स फौजी भी इस फौज का हिस्सा थे। 1 लाख का लश्कर मजहबी नारे के नीचे आज़ादी की जंग लड़ने के लिए उस्मानी तुर्कों के खिलाफ तैयार खड़ा था, और प्रिंस लाजार जो यूरोपीय ईसाइयों का हीरो बन चुका था वो इस लश्कर की कयादत कर रहा था। लेकिन इस बार उस्मानी तुर्क भी गाफिल नहीं थे। सर्बिया और बोस्निया से 2 छोटी-छोटी लड़ाइयों में हारने के बाद सुल्तान मुराद अव्वल अनातोलिया में अपने बेटे याकूब को छोड़कर खुद यूरोप में मौजूद अपने फौजी अड्डे एड्रिन वापस आ चुके थे, और सुल्तान मुराद के जाती गुलामों की फौज जनिसरी आर्मी के 2000 जवान भी उनके साथ थे। 1 अगस्त 1389 को यूरोप में ठीक उसी जगह जहां आज कचनक शहर मौजूद है, वहां पर सुल्तान मुराद अव्वल 60,000 का लश्कर लेकर 1 लाख सलीबियों के सामने खड़े थे, और उनके बीच होने वाली इस जंग को जंगे कोसोवो के नाम से याद की जाती है। यूरोप में उस्मानियों के लिए ये एक फैसला कुन जंग थी। सुल्तान मुराद के लश्कर में उनके बेटे बायजीद भी फौज के एक हिस्से की कमांडरी कर रहे थे, जबकि मरकज में सुल्तान खुद अपनी इंतहाई तरबियत याफ्ता और खतरनाक फौज जनिसरी के घेरे में मौजूद थे। जब जंग शुरू हुई तो ईसाइयों का पलड़ा जंग के आगाज में भारी रहा। उन्होंने उस्मानियों के एक लश्कर को पीछे की तरफ धकेल दिया। उस्मानियों के पांव लड़खड़ाने के करीब ही थे कि सुल्तान मुराद ने एक कठिन और दिलेराना फैसला कर लिया। उन्होंने अपने बेहतरीन सिपाहियों को जो उनके मुहाफिज भी थे उनको लड़ने के लिए आगे भेज दिया और खुद अकेले पीछे रह गए। ये एक खतरनाक चाल थी और बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि सुल्तान अकेले थे और मारे भी जा सकते थे। उनके मारे जाने से उस्मानी जंग हार भी सकते थे, और आखिरकार हुआ भी कुछ ऐसा ही। एक ईसाई नाइट फौजी किसी तरह सुल्तान मुराद तक जा पहुंचा, और उसने खंजर के एक जोरदार वार से सुल्तान मुराद को कत्ल कर दिया। अब किस्मत का कहर देखिए, इधर उस्मानी सुल्तान मैदान जंग में ही जान से गए तो दूसरी तरफ सलीबियों का कमांडर प्रिंस लाजार भी लड़ते हुए मैदान जंग में मारा गया। अब एक तरफ प्रिंस लाजार का बेटा और दूसरी तरफ सुल्तान मुराद का बेटा दोनों ही अपने अपने लश्कर की कयादत करने लगे। जंग की हौलनाकी बढ़ चुकी थी और लाशों पर लाशें गिरती जा रही थी। ऐसे में एक नाकाबिले यकीन वाकया पेश आया।
वो ये कि यूरोपीय लश्कर के एक अहम हिस्से ने पसपाई शुरू कर दी, यानी पीछे हटना शुरू कर दिया। इससे पूरे ईसाई लश्कर की कमर बिल्कुल टूट गई। और ऐसा भी कहा जाता है कि फौज के इस हिस्से का सरदार शुरू ही से उस्मानी तुर्कों के साथ मिल चुका था। हो सकता है मिल चुका हो, या ये भी हो सकता है कि जंग को बेनतीजा देखते हुए इस ईसाई सरदार ने अपने सिपाहियों की जाने बचाना ज्यादा जरूरी समझा हो। लेकिन जो भी हुआ हो, जंगे कोसोवो यूं खत्म हुई तो दोनों फौजी हजारों लाशें और अपने अपने फौजी कमांडर की जाने गंवाकर वापस अपने इलाकों की तरफ लौट गए। बजाहिर मैदान जंग में कोई फैसला नहीं हुआ था, लेकिन ये उस्मानी तुर्कों की स्ट्रेटेजिक विक्टरी थी। इस जंग ने सर्बों को इतना नुकसान पहुंचाया कि उन्होंने उस्मानी तुर्कों के खिलाफ जंग करने का इरादा ही खत्म कर दिया, बल्कि उस्मानी सल्तनत के सामने घुटने टेक कर उन्हें खिराज यानी टैक्स देकर उनके मातहत हो गए और उनका पूरा इलाका सल्तनत उस्मानिया में शामिल हो गया। सिर्फ सर्बिया ही नहीं बल्कि 1390 तक रोमन एम्पायर के साथ साथ बलकान का तकरीबन सारा इलाका उस्मानी सल्तनत का हिस्सा बन गया और सिलसिले कोहे बलकान के तकरीबन पूरे हिस्से पर उस्मानी तुर्कों के परचम लहराने लगे। ये लोग उस्मानियों को सालाना खिराज यानी टैक्स भी देते थे और जरूरत पड़ने पर लड़ने के लिए सिपाही भी फरहम करने के पाबंद थे। अब जंगे कोसोवो में सुल्तान मुराद की जान तो चली गई, लेकिन वो अपने जानशीनों के लिए 1,00,000 मुरब्बा मील पर फैली बड़ी सल्तनत छोड़ गए थे। यानी कि सुल्तान मुराद ने अपने बाबा सुल्तान औरहाज से मिली सल्तनत को 3 गुना ज्यादा फैला दिया था। सल्तनत तो फैल चुकी थी, लेकिन सुल्तान मुराद अब इस दुनिया में नहीं रहे थे और इतनी बड़ी उस्मानी सल्तनत को फौरी तौर पर नया सुल्तान चाहिए था। जंग में सुल्तान मुराद अव्वल के एक बेटे बायजीद मौजूद थे। सिर्फ उन्हें और दूसरे कुछ लोगों को इस बात का इल्म था कि सुल्तान मुराद अव्वल अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उन्होंने पहला काम ये किया कि इस खबर को राज ही रखा। और उनके दूसरे भाई याकूब जो अनातोलिया में फौज जमा कर रहे थे, जहां पर उनको उनके वालिद सुल्तान मुराद ने छोड़ा था, चुनांचे उन्हें जंग के हालात के बारे में कुछ खबर नहीं थी। सो बायजीद ने अपने चंद वफादार सिपाहियों को अपने भाई याकूब के पीछे भेजा और तुर्कों की गैरआवानिया रिवायत के मुताबिक अपने भाई याकूब को गला घोट कर मरवा दिया। सिर्फ उस्मानी तुर्कों ही में नहीं, बल्कि उस दौर की दूसरी बादशाहतों में भी यही तरीका रायज था कि हर नया बादशाह बादशाहत के दूसरे उम्मीदवारों से जान छुड़ाना पहला फर्ज समझता था, ताकि रियासत में अपनी हुकूमत और हुक्म के खिलाफ कोई आवाज न उठा सके। क्योंकि जब तक बादशाहत के तख्त के दूसरे दावेदार जिंदा रहेंगे, तब तक सल्तनत की अंदरूनी साजिशें बंद नहीं हो सकती थी। तो इसी महफूजे के तहत हर नया तुर्क सुल्तान भी अपने भाइयों समेत हर मुमकिन उम्मीदवार का गला दबवा कर हलाक करवा देता था। तो दोस्तों, अब बायजीद सल्तनत उस्मानिया के नए सुल्तान बन चुके थे। सुल्तान बायजीद के सामने सबसे बड़ा चैलेंज सलीबी जंगे नहीं थी, बल्कि खुद उनके अपने कबीले और उनका सबसे बड़ा मददगार अमीर तैमूर असल चैलेंज था। अमीर तैमूर ने किस तरह सल्तनत उस्मानिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, और ऐसा क्यों हुआ कि एक सल्तनत जो कल तक रोमन बेजेंटाइन एम्पायर से टैक्स लेती थी, उसे आज टैक्स देना पड़ गया। ये सब आपको बताएंगे, लेकिन सल्तनत उस्मानिया के चौथे एपिसोड में। तब तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी इस दुनिया में सेंट्रल एशिया और मिडल ईस्ट के मसले की क्या वजह है? ये जो सेंट्रल एशिया और मिडल ईस्ट का बखेड़ा है, ये आखिर है क्या? मौजूदा मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया के बारे में सही तजरिया आप तभी कर सकते हैं जब आप जानते हो कि ईरान सऊदी अरब उर्दन, फिलिस्तीन इजराइल और इजराइल मिस्र में जो अनबन चल रही है, उसके पीछे असल कहानी क्या थी और ये खित्ता आखिर मुसलसल कारजार क्यों बना हुआ है। इन सारे सवालों के जवाब अगर किसी एक दास्तान में छुपे हुए हैं, तो उसका नाम है द ऑटोमन एम्पायर, यानी सल्तनत उस्मानिया। सल्तनत उस्मानिया के उरूज और खास तौर पर जवाल की कहानी में ये सारी दास्तान छुपी हुई है। तो इसी वजह से सल्तनत उस्मानिया पर बन रही इस सीरीज को जरूर देखिए और हमारी हौसला अफजाई के लिए इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान में रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया पे बनाया गया ये चौथा एपिसोड है, इसे पूरा जरूर देखे। तो दोस्तों, जंगे कोसोवो में सुल्तान मुराद के शहीद हो जाने के बाद
उनके बेटे बायजीद ने अपने भाई और बादशाहत के तख्त के दूसरे दावेदार याकूब को गला घोटकर मरवा दिया और 400,000 मुरब्बा मील पर फैली सल्तनत उस्मानिया के नए सुल्तान बन बैठे। दोस्तों 1390 ईस्वी में इसी खित्ते पर दुनिया की दो सबसे ताकतवर रियासतों की सरहदें मिल रही थी, एक सल्तनत उस्मानिया और दूसरी सल्तनत तैमूरी। एक का सुल्तान बायजीद अव्वल और दूसरी का एक जंगजू सरदार अमीर तैमूर। एक वो जो एशिया के बाद यूरोप की सल्तनत अपने कदमों तले रौंद रहा था और दूसरा वो जो बगदाद से लेकर दिल्ली तक और अरब के रेगुजारों से उज़्बेकिस्तान के पहाड़ों तक तमाम इलाके फतह कर चुका था। जब ये दोनों ताकतवर सुल्तान आमने सामने आए तो एक की सल्तनत टुकड़े टुकड़े हो गई और कुछ देर बाद दूसरे की भी। आखिर ये क्या कहानी थी, यही सब आज के इस चौथे एपिसोड में हम आपको बताएंगे। अपने भाई याकूब को कत्ल करवाने के बाद बायजीद अव्वल उस्मानी सल्तनत के नए सुल्तान बन चुके थे। अब उस्मानी सल्तनत मगरिब यानी यूरोप तक फैल चुकी थी। इतनी बड़ी सल्तनत को संभालने और मुनज्जम करने के लिए सुल्तान बायजीद को वक्त चाहिए था, तो उन्होंने यूरोप में एक अहम काम अंजाम दिया। वो ये कि यूरोप की सबसे बड़ी और करीबी सल्तनत सर्बिया, जिसे तुर्कों ने एक तारीखी जंग में शिकस्त दी थी, उसी के शहंशाह की बेटी से शादी करके रिश्तेदारी और अमन कायम कर लिया। अब मशरिक में यानी पूरब की तरफ जिस सल्तनत से उन्हें सबसे ज्यादा खतरा था वो थी तुर्को ही की एक दूसरी मुस्लिम रियासत, जिसका नाम था सल्तनत किरमानिया। और ये किरमानिया सल्तनत को मिस्र और मक्का मदीना पर हुकूमत करने वाली ममलूक सल्तनत की भी हिमायत और मदद हासिल थी। तो उस्मानी सुल्तान बायजीद ने किरमानिया सल्तनत के अमीर अलाउद्दीन बे से अपनी बहन की शादी कर दी। अब सुल्तान बायजीद ने शादियों के रिश्ते जोड़कर यूरोप में तो अमन कायम कर लिया, लेकिन किरमानियों से शादी का बंधन भी किरमानियों को एक अतात गुजार और वफादार रियासत ना बना सका। किरमानिया के तुर्क सरदार अलाउद्दीन बे ने उस वक्त जब सुल्तान बायजीद समंदर के उस पार एड्रिन शहर में थे और यूरोप में हंगेरी से जंग की तैयारी कर रहे थे, तो उसी दौरान सरदार अलाउद्दीन बे ने उस्मानी तुर्कों के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया और साथ ही उसने अपने करीब मौजूद कुर्दों की एक रियासत जर्नियान पर भी कब्जा कर लिया। जिसके बाद उस्मानी सुल्तान बायजीद किरमानिया के तुर्क सरदार अलाउद्दीन बे के सामने फौज लेकर मैदान में आ गए और उन्होंने अलाउद्दीन बे को इबरतनाक तरीके से हरा दिया। हो सकता था कि इस लड़ाई में अलाउद्दीन बे ही मारा जाता, लेकिन वो अपनी बीवी यानी सुल्तान बायजीद की बहन की मदद से फरार हो गया। लेकिन अलाउद्दीन बे के दोनों बेटे मोहम्मद और अली को उस्मानी तुर्कों ने गिरफ्तार कर लिया। ऐसी ही होने वाली जंगों की वजह से करीब था कि किरमानिया की रियासत सिरे से ही खत्म हो जाती, लेकिन इसी दौरान आज के उज़्बेकिस्तान से एक बड़ा तूफान उठा और खुद उस्मानी सल्तनत ही खतरे में पड़ गई। इस तूफान का नाम था तैमूर लंग। दोस्तों अमीर तैमूर एक जंगजू सरदार थे। उन्होंने अपनी जंगी महारत के बलबूते पर समरकंद पर कब्जा कर लिया था और फिर समरकंद को अपना फौजी हेडक्वार्टर बनाकर उन्होंने अपनी सल्तनत को आज के दौर के उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, इराक, अजरबैजान, रूस, मुल्क शाम और तुर्की की सरहद तक फैला दिया था। अमीर तैमूर लंग 40 से ज्यादा छोटी बड़ी रियासतों को फतह कर चुके थे और इनके पूरे इलाके कब्जे में ले चुके थे। तैमूरी सल्तनत एक ताकतवर सल्तनत बन चुकी थी, जिसके हुक्मरान अपनी जंगी काबिलियत तो साबित कर ही चुके थे और साथ में अपनी शफाकियत भी। जी हाँ दोस्तों, खौफ अमीर तैमूर का सबसे बड़ा हथियार था। वो जिस भी शहर में दाखिल होते बेधड़क हजारों लाखों गैर मुसल्ला और बेगुनाह मासूम शहरियों को मौत के घाट उतार देते, पूरे के पूरे शहर जला डालते, औरतों बच्चों और बूढ़ों समेत गिरोह के गिरोह जलती हुई आग में झोंक देते, जमीन में गाड़ देते या उनकी गर्दने कटवा देते, उनकी खोपड़ियों से मीनार बनाते, उनके जिस्मों की चर्बी से लाशों को आग लगाते और कई कई दिनों तक उन्हें जलने के लिए छोड़ देते, फिर अपने बे इंतहा जुल्म की खबरों को फैलने देते ताकि उनके खौफ की धाक दुश्मनों पर बैठ जाए। खौफ तो उनका था ही सबसे बड़ा हथियार। वो चाहते थे कि उनके दुश्मन उनसे लड़ने के बजाय हथियार डालना ज्यादा बेहतर समझे।
सन 1399 में इसी तैमूरी सल्तनत की सरहदें सल्तनत उस्मानिया को छूने लगी थी। उस्मानी और तैमूरी दोनों सुल्तान साफ साफ देख रहे थे कि आज नहीं तो कल दोनों का टकराव होकर ही रहेगा, क्योंकि दोनों हुक्मरानों में अकड़ और गुरूर बहुत ही ज्यादा और कूट कूट के भरा हुआ था, और इसका इजहार उन खतूत में भी होता है जो दोनों ने एक दूसरे को लिखे थे। ये खतूत आखिर क्यों लिखने पड़े? दरअसल हुआ यूं कि अमीर तैमूर मुसलमान इलाकों पर हमले और कब्जे कर रहे थे, और इसी दौरान उन्होंने बगदाद की ईंट से ईंट बजा दी, हजारों लोगों को कत्ल कर डाला और पूरे इराक पर कब्जा कर लिया। इन्हीं हमलों के दौरान एक बगदादी शहजादा जिसका नाम प्रिंस ताहिर था, ये शहजादा ताहिर अमीर तैमूर से बचने और पनाह लेने के लिए सल्तनत उस्मानिया के पास जा पहुँचा, और उस शहजादे को पनाह मिल भी गई। ठीक इसी तरह दूसरी तरफ से यानी अनातोलिया के वो इलाके जिन पर सल्तनत उस्मानिया ने कब्जा किया था, उनके मुस्लिम तुर्क सरदार अमीर तैमूर के पास पनाह लेने के लिए चले गए। हैरत की बात तो ये है कि अमीर तैमूर के यहाँ इन अनातोलिया के तुर्क सरदारों को भी पनाह मिल गई। अब जाहिर है कि एक दूसरे के दुश्मनों को पनाह देना ये दोनों सल्तनतों के लिए हरगिज काबिले कबूल नहीं हो सकता था, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो अब दोनों सुल्तान अंदर ही अंदर एक दूसरे को सबक सिखाने का प्लान बनाने लगे। अमीर तैमूर ने कासिदों के जरिए सुल्तान बायजीद को एक खत भेजा। उस खत में लिखा था कि तुमने जो इलाके काफिरों से छीने हैं, उन्हें तुम अपने पास रखो, लेकिन इन सब के अलावा जो इलाके हैं, वो फौरन उनके असल सरदारों को वापस कर दो, वरना मैं खुदा का कहर बनकर तुमसे बदला लूंगा। अमीर तैमूर का ये खत एक आलमी ताकत को खुलेआम और सीधी सीधी धमकी थी, और सल्तनत उस्मानिया के हुक्मरान को कोई भी इस तरीके से हरगिज मुखातिब नहीं कर सकता था। सुल्तान बायजीद को अमीर तैमूर की इस गुस्ताखी ने आग बबूला कर दिया, और उन्होंने भी इसके जवाब में शदीद रद्द अमल दिखाया। उन्होंने पहला काम तो ये किया कि जो कासिद अमीर तैमूर का धमकी भरा खत लेकर आए थे उनकी दाढ़ियां मुंडवा दी, और फिर उन्हें बेइज्जत करके दरबार से निकालकर वापस भेज दिया। ये इस बात का खुलेआम पैगाम था कि सल्तनत उस्मानिया का सुल्तान किसी से नहीं डरता। ये एक तरह से जंग का ऐलान था, लेकिन जंग से पहले अभी आग को और भी भड़कना था। इस तरफ सुल्तान बायजीद के जासूसों ने उन्हें मुखबरी की कि अमीर तैमूर मुसलमानों की उस वक्त की सबसे बड़ी सल्तनत खिलाफत ममलूक के साथ मिलकर सल्तनत उस्मानिया पे चढ़ाई करने की तैयारी कर रहा है। सुल्तान बायजीद ने अमीर तैमूर को एक धमकी भरा खत भेजा। उसमें ये साफ साफ लिखा था कि चूंकि तुम्हारे लामहदूद लालच की कश्ती खुदगर्जी के गड़े में उतर चुकी है, तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि अपनी गुस्ताखी के बादबानों को नीचे कर लो और खुलूस के साहिल पर पछतावे का लंगर डाल दो। तुम्हारे लिए सलामती का साहिल भी यही है, वरना हमारे इंतकाम के तूफान से तुम सजा के उस समंदर में गर्क हो जाओगे जिसके तुम मुस्तहिक हो। ये खत सीधे अमीर तैमूर तक जा पहुंचा, और अब इस जंग को होने से कोई नहीं टाल सकता था। यूरोपी ईसाई जो अभी कुछ वक्त पहले ही उस्मानी तुर्कों से लड़ रहे थे और इसे इस्लाम और ईसाइयत की जंग करार दे रहे थे, वो अब अमीर तैमूर को पैगाम भेजने लगे कि उस्मानी तुर्कों के खिलाफ वो उनका पूरा साथ देंगे। यहाँ तक कि बिखरी हुई बेजेंटाइन एम्पायर ने भी अमीर तैमूर को खुफिया मदद करने का यकीन दिला दिया था। यानी एक तरफ तैमूरी सल्तनत, बेजेंटाइन और यूरोपी ईसाई ताकतें, और दूसरी तरफ अकेली सल्तनत उस्मानिया थी जो बड़ी मुसीबतों के सन्नाटे में डूबी हुई थी। मगर इस सन्नाटे में भी बजाहिर जंग के नगाड़े सुनाई देने लगे थे। अब तैमूरी फौज ने सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ हरकत शुरू कर दी, और सन 1401 में सल्तनत उस्मानिया के एक तुर्क हिस्से सिवास का मुहासरा कर लिया और उस पर कब्जा कर लिया। उसके पीछे अमीर तैमूर ने बहाना ये बताया कि सिवास का ये इलाका मुसलमानों के कब्जे में था, और उस्मानी सुल्तान बायजीद ने इस इलाके पर गाजीबाना यानी गलत तरीके से कब्जा किया हुआ है। लेकिन सिवास का ये किला एक मजबूत किला था और लंबे वक्त तक जंगी मुहासरा झेल सकता था। सुल्तान बायजीद तक जब ये खबर पहुंची, तो उन्होंने अपने बेटे अर्तुरुल को इस किले की हिफाजत के लिए भेजा। जाहिर है ये किला फतेह होना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि इसकी दीवारें बहुत ज्यादा मजबूत थी। लेकिन अमीर तैमूर ने एक बड़ी ही जबरदस्त चाल चली और किले की बुनियादें खुदवा डाली, यानी किले की दीवारों को नीचे से खुदवाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से किले की दीवारें गिर गई
और सिवान शहर पर अमीर तैमूर का कब्जा हो गया। फिर अमीर तैमूर ने गिरफ्तार उस्मानी तुर्कों और शहरियों से इंतकाम लिया और अपना खौफ और दबदबा चारों ओर फैला दिया। उन्होंने 4,000 कैदियों को किले की बुनियादों में जिंदा गाड़कर ऊपर से मिट्टी डालकर उन्हें जिंदा ही दफन करवा दिया। सुल्तान बायजीद के बेटे अर्तुरुल को और दूसरे सरदारों को भी अमीर तैमूर ने कत्ल कर दिया। उस्मानी सुल्तान बायजीद तक सिवान शहर की हार और बेटे अर्तुरुल की मौत की खबर पहुंची तो अब ये बात जाहिर हो चुकी थी कि दुनिया के इन दो बड़े बड़े तूफानों के टकराने का वक्त आ चुका था। अमीर तैमूर ने जब ये हरकतें की उस वक्त सुल्तान बायजीद ईसाइयों के शहर कॉन्स्टेंटिनोपल का मुहासरा कर रहे थे, लेकिन अमीर तैमूर की कामयाबियां और सल्तनत उस्मानिया के इलाकों का छिन जाना और ख़ास तौर पर अपने बेटे अर्तुरुल का मारा जाना ये सुल्तान बायजीद के लिए हरगिज काबिले बर्दाश्त नहीं था। सन 1402 ईस्वी के मौसम गर्मा में सुल्तान बायजीद 90,000 के लगभग फौज लेकर अमीर तैमूर के मुकाबले के लिए निकल पड़े। उन्होंने अंकारा के करीब ऐसी जगह पर कैंप लगाया जहां अमीर तैमूर के लिए उन पर हमला करना आसान नहीं था। जब अमीर तैमूर अपनी फौज के साथ वहां पहुंचे तो उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया कि इस जगह सुल्तान बायजीद को शिकस्त देना नामुमकिन है। सो अमीर तैमूर ने एक खतरनाक चाल चली और फौज के साथ पीछे हट गए तो सुल्तान बायजीद भी उनके ताकुब में उनके पीछे चल पड़े और अपनी महफूज जगह से दूर चले गए। अमीर तैमूर पीछे हट गए और मशरिक में अपनी बॉर्डर के करीब जाकर ठहर गए, लेकिन यहाँ भी उन्हें अपनी पसंद का मैदान नहीं मिल सका, बल्कि सुल्तान बायजीद ने उन्हें एक ऐसे जंगल के किनारे लाकर खड़ा कर दिया जो जंगी एतबार से उस्मानी तुर्को ही को फायदा पहुंचाने वाला था। अमीर तैमूर किसी भी सूरत सुल्तान बायजीद को उनकी मर्जी का मैदान नहीं देना चाहते थे, इसी वजह से वो एक बार फिर कन्नी कतरा कर निकल गए। अब सुल्तान बायजीद के लिए एक अनहोनी खड़ी हो गई क्योंकि अमीर तैमूर अपने 1.5 लाख के लश्कर के साथ कहीं गायब हो गए। सुल्तान बायजीद कई हफ्तों तक इसी बात की तलाश में लगे रहे कि इतना बड़ा लश्कर आखिर चला कहां गया, लेकिन फिर जुलाई 1402 में सुल्तान बायजीद को खबर मिल गई कि अमीर तैमूर का लश्कर कहां है। लेकिन ये खबर सुनकर सुल्तान बायजीद के पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि जिस अमीर तैमूर के 1.5 लाख के लश्कर को वो इधर उधर तलाश कर रहे थे, लश्कर एक लंबा चक्कर काट कर सुल्तान बायजीद की फौज के पीछे अंकारा पहुंच चुका था और शहर का मुहासरा हो चुका था। और सिर्फ यही नहीं बल्कि तैमूरी फौज ने सुल्तान बायजीद की वापसी के रास्ते पर सारी फसलें और गोदाम भी जला दिए थे। सुल्तान बायजीद के पास अब अंकारा जाने के अलावा कोई और चारा नहीं था, और वो भी उसी रास्ते से गुजर कर जहाँ न खाना था और न पीने के लिए पानी। यहाँ तक कि तैमूरी लश्कर ने रास्ते में मौजूद सारी फसलों को ही जलाकर खाक कर डाला था। और ये तबाही मचाने के बाद अमीर तैमूर ने अपने लश्कर के साथ उस जगह अपना पड़ाव डाला था जो जंगी एतबार से उनके लिए फायदे वाली थी। इस जगह अमीर तैमूर को 3 बड़े फायदे थे। एक ये कि मैदान जंग उनकी मर्जी का था, दूसरा ये कि उनकी फौज में सुल्तान बायजीद से तकरीब 60,000 फौजी ज्यादा मौजूद थे और इस लश्कर में हिंदुस्तान से लाए गए हाथी भी शामिल थे, तीसरा ये कि जहां उस्मानी लश्कर थकार कर वापस लौट रहा था वहीं अमीर तैमूर के लश्कर को आराम करने और अपनी ताकत वापस हासिल करने का मौका मिल गया था। दूसरी तरफ सुल्तान बायजीद को 3 बड़े नुकसान थे। एक ये कि उनकी फौज थकी हुई फौज थी, यहाँ तक कि लंबे और तवील सफर में भी भूखी और प्यासी रही थी, और दूसरा नुकसान ये कि लंबे सफर और भूख की वजह से 20,000 उस्मानी सिपाही रास्ते ही में दम तोड़ चुके थे। तीसरा और सबसे बड़ा नुकसान फौज की तंजीम में छुपा हुआ था, वो ये कि उनकी फौज में 3 तरह के जंगजू थे। उस्मानी तुर्कों की ये फौज एक मुट्ठी की तरह फौज नहीं थी, एक यानिचरी या जेनिसरी फौज जो सुल्तान के खास फौजी थे, सबसे ताकतवर और भरोसे के सिपाही यही थे। फिर वो तुर्क और तातारी सिपाही थे जिन्हें फौज में पैसे देकर शामिल किया गया था, और ये लोग किसी भी लालच में आकर दूसरी फौज से जा मिल सकते थे। तीसरे यूरोपी सर्बियन दस्ते जो बाज गुजार रियासत की हैसियत से यानी उस्मानी सल्तनत की मातहत आने वाली यूरोप की सल्तनत से शामिल किए गए थे। इन सारे फायदे और गैर फायदे के बावजूद दोनों सुल्तान बहरहाल एक बात तो अच्छी तरह से जानते थे कि ये दुनिया की सबसे बड़ी फौजी मशीन्स की जंग होने जा रही है।
क्योंकि उस वक्त रूहे जमीन पर इन दोनों से ताकतवर कोई तीसरी सल्तनत नहीं थी। दोस्तों, आज के तुर्की के बीच में एक शहर मौजूद है जिसका नाम है टाउन चुबोक। इसी टाउन चुबोक शहर में आज से तकरीबन 6 सदियों पहले 1.5 लाख तैमूरी फौज 70,000 उस्मानी तुर्क फौज के सामने खड़ी थी, जो कल तक एक दूसरे को धमकियां दे रहे थे, वो आज एक दूसरे को अपना लोहा मनवाने के लिए आमने सामने खड़े थे। थोड़ी ही देर में घमासान जंग शुरू हो गई। पहला हमला अमीर तैमूर की तरफ से हुआ, लेकिन उस्मानी तुर्कों ने इस हमले पर काबू करके इसे पसपा कर दिया। लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वैसे वैसे जंग में तैमूरी लश्कर हावी होता गया और उस्मानी तुर्क धीरे धीरे पीछे हटते गए। यहाँ तक कि एक मौके पर सुल्तान बायजीद ने अपने एक बेटे सुलेमान को ब्रूसा शहर की तरफ वापस लौटने का हुक्म दिया, जबकि वो खुद, उनके 3 बेटे और सर्बियन लश्कर तैमूरी फौज के मुकाबले पर डटे रहे। लेकिन जब जंग की हौलनाकियां बढ़ने लगी तो सर्बियन फौजी दस्ते भी सुल्तान बायजीद के बेटे सुलेमान के पीछे पीछे वापस लौट गए। अब मैदान जंग में सिर्फ सुल्तान बायजीद अपने चंद वफादारों के साथ मौजूद थे। सुल्तान बायजीद के पास अब एक छोटा सा फौजी दस्ता बचा था, लेकिन इस छोटे से दस्ते ने भी तैमूरी घुड़सवारों का डटकर मुकाबला किया। वो तैमूरी जो उन्हें चारों ओर से घेर चुके थे, लेकिन आखिर कब तक? एक मौके पर जब सुल्तान बायजीद के इर्द गिर्द सिर्फ जेनिसरीज यानी उनके जाती मुहाफिजी मौजूद थे, उसी वक्त उन्होंने तैमूरी फौज का घेरा तोड़ दिया और मैदान जंग से फरार होने लगे। तैमूरी फौज जीत चुकी थी और सुल्तान बायजीद भी जिंदा और सही सलामत उनके घेरे से निकल चुके थे। लेकिन नहीं, एक तैमूरी घोड़ेसवार के तीर ने भागते हुए सुल्तान के घोड़े को गिरा दिया। सुल्तान भी गिर गए और अमीर तैमूर के कैदी बन गए। ये सल्तनत उस्मानिया के लिए बदतरीन और बहुत बड़ी हार थी। इससे बड़ी हार उन्हें तारीख में कभी भी नहीं हुई थी। जो कल तक सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान थे, वो अब अमीर तैमूर लंग के कैदी बन गए थे और साथ ही साथ उनके 3 बेटे भी अमीर तैमूर की तलवारों के नीचे आ चुके थे। लेकिन अमीर तैमूर ने उनके बेटों को इस शर्त पर छोड़ दिया कि वो अमीर तैमूर की बर्तनी तस्लीम करते रहे यानी उनके मातहत हो जाए। उस्मानी सुल्तान बायजीद यूरोप और एशिया के बड़े फाते थे और यूरोप की बड़ी बड़ी ताकतें भी उनको टैक्स दिया करती थी, इसीलिए वो ज्यादा दिनों तक ये बेइज्जती बर्दाश्त न कर सके और चंद ही दिनों के अंदर कैद में ही उनका इंतकाल हो गया। और उसके कुछ महीनों बाद ही सन 1405 में अमीर तैमूर लंग भी इंतकाल कर गए। तैमूरी सल्तनत उसके बाद कई टुकड़ों में बट गई, जबकि सल्तनत उस्मानिया भी सुल्तान बायजीद के बेटों के दरमियान कई हिस्सों में बट चुकी थी और आपस में ही खाना जंगी का शिकार थी। भाई भाई के खून का प्यासा हो चुका था, मगर इस खाना जंगी में भी सल्तनत उस्मानिया बिखरी जरूर, लेकिन खत्म नहीं हुई थी। अब इसकी क्या वजह थी? इसकी एक वजह तो ये थी कि यूरोप में कोई ऐसी ताकत नहीं थी जो सुल्तान बायजीद अव्वल के इंतकाल और हुकूमत खत्म हो जाने के बाद यूरोप से तुर्कों को निकालने की कोशिश करती या अनातोलिया में उस पर कब्जा करती। दूसरी वजह ये थी कि अमीर तैमूर या उनके जानशीन भी अनातोलिया में ठहरकर उस पर हुकूमत करने का इरादा नहीं रखते थे, इसीलिए उस्मानी सल्तनत को अमीर तैमूर या उसके जानशीनों ने भी अपने कब्जे में नहीं लिया। तो बहरहाल सुल्तान बायजीद के 4 बेटे मोहम्मद अव्वल, सुलेमान, ईसा और मूसा के दरमियान लगभग 11 बरस तक यानी 1402 से 1413 तक खून रेस जंगें होती रही। इन लड़ाइयों में मूसा और सुलेमान तो मारे गए, ईसा अपनी सल्तनत और सब कुछ छोड़कर गुमनाम हो गए। यहाँ तक कि तारीख में भी उनका कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता कि उनके साथ आखिर क्या हुआ था। और आखिर में बचे सिर्फ मेहमद या मोहम्मद, जो अब सुल्तान मोहम्मद अव्वल बन चुके थे। सुल्तान मोहम्मद अव्वल का ज्यादातर दौर उस्मानी सल्तनत के बिखरे इलाकों को जमा करने ही में गुजर गया। उन्होंने एक और काम ये किया कि सल्तनत उस्मानिया की तारीख लिखवाना शुरू कर दिया। आज हम उस्मानी तुर्कों की इब्तदाई तारीख के बारे में जो कुछ भी जानते हैं, उसे सुल्तान मोहम्मद अव्वल ही ने लिखवाना शुरू किया था। सुल्तान मोहम्मद अव्वल के इंतकाल के बाद सन 1421 में उनके बेटे मुराद दोयम सुल्तान बने और 1451 तक हुक्मरान बनकर रहे। उन्होंने फौज को ज्यादा मुनज्जम और ताकतवर बनाया और पहली बार खास दस्तों को बंदूक का इस्तेमाल करना सिखाया। इन बंदूकों को मस्केट्स कहते थे और ये यूरोप में नई नई मुतारिफ हुई थी। सुल्तान मुराद दोम ने उन यूरोपी ताकतें जो उस्मानियों को बगावत देकर कमजोर कर रही थी, उनकी बगावतों को सख्ती से कुचल डाला।
यूनान, सर्बिया और अल्बानिया के ज्यादातर इलाके एक बार फिर सल्तनत उस्मानिया के कब्जे में आ गए थे। सुल्तान मुराद दोम ने अल्बानिया के इलाके में ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को बसाना शुरू कर दिया और इसी वजह से आज भी अल्बानिया में सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी मौजूद है। इन्हीं के दौर में उस्मानी सल्तनत एक बार फिर दुनिया की सुपर पावर बन गई और इतनी ज्यादा ताकतवर हो गई कि यूरोपियन ईसाइयों के लिए अजमत की आखिरी अलामत रोमन बेजेंटाइन एम्पायर की निशानी और उनका सबसे बड़ा मरकज कंस्टेंटिनोपल यानी कॉन्स्टेंटिनोपल को भी उस्मानी तुर्कों ने फतेह कर लिया। ये शहर 1000 साल से रोमियों की आंखों का तारा और उसकी सबसे बड़ी जड़ था। ये दुनिया के मजबूत तरीन शहरों में से एक समझा जाता था क्योंकि इसकी दीवारें सदियों से पहाड़ों के मानिंद खड़ी हुई थी जिनको गिराने की ताकत उस वक्त किसी में नहीं थी। लेकिन 15वीं सदी के बीच में रोमन एम्पायर का मरकज ये शहर अमलन चारों तरफ से सल्तनत उस्मानिया के घेरे में आ चुका था और 1453 में इसी शहर के लिए तारीख की एक ऐसी जंग लड़ी गई थी जिसका इंतजार 700 सालों से किया जा रहा था। इस जंग की दिलचस्प कहानी भी आपको दिखाएंगे मगर सल्तनत उस्मानिया के अगले एपिसोड में। उससे पहले आपसे एक सवाल है कि आप अमीर तैमूर और सुल्तान बायजीद में से किसको ज्यादा बेहतर हुक्मरान समझते हैं और आखिर क्यों? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान में रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया पे बनाया गया ये 5वां एपिसोड है, इसे पूरा जरूर देखे। 15वीं सदी में उस्मानी सल्तनत के एक सुल्तान जो सिर्फ 19 साल के नौजवान थे बड़े ही जोशीले और बेबाक थे। उन्होंने एक दिन कंस्टेंटिनोपल की मजबूत दीवारों की परवाह किए बगैर शहर पर चढ़ाई कर दी और उनके पास दीवारें तोड़ने के लिए एक नया हथियार भी था। वो खतरनाक हथियार था तोप। लेकिन इस नौजवान सुल्तान की बहादुरी किसी काम न आई। वो बुरी तरह नाकाम रहे और उनकी तोपें फेल हो गई और उन्हें कंस्टेंटिनोपल से हार मानकर पीछे हटना पड़ा। ये नौजवान फिर मरते दम तक कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कंस्टेंटिनोपल को फतेह करने का ख्वाब पूरा न कर सके। आखिर ये क्या कहानी थी? और दोस्तों, उस्मानिया का सुर्ख यानी लाल रंग का सेब क्या था? ये सेब इतना खास क्यों था और पूरी दुनिया इस सेब के पीछे क्यों पड़ी थी? इसके पीछे आखिर क्या वजह थी? यही सब आज के इस 5वें एपिसोड में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कंस्टेंटिनोपल की दीवारों पर बम बरसाने वाले पहले नौजवान कौन थे? तो ये थे सुल्तान मुराद दोयम, जो सन 1421 में सल्तनत उस्मानिया के तख्त पर बैठे और उसके अगले ही साल उन्होंने कंस्टेंटिनोपल का मुहासरा कर लिया। उनके पास अपने दौर का नया और सबसे खतरनाक हथियार तोपें भी मौजूद थी। उनकी तोपों ने जर्मन माहिरीन की निगरानी में कंस्टेंटिनोपल की दीवारों पर बेतहाशा और अनगिनत बारूद के गोले बरसाए। इसका अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाइए कि कंस्टेंटिनोपल के सिर्फ एक ही टावर पर 70 बम के गोले बरसाए गए थे। लेकिन यहाँ पर एक मसला खड़ा हो गया, वो ये कि जब सुल्तान मुराद दोयम कंस्टेंटिनोपल का मुहासरा किए हुए थे उसी दौरान उनके भाई मुस्तफा ने, जो कि हमीद के इलाके के गवर्नर थे, उन्होंने रोमी शहंशाह के इशारे पर सुल्तान मुराद दोयम के खिलाफ बगावत कर दी। अब सुल्तान मुराद दोयम को कंस्टेंटिनोपल का मुहासरा खत्म करके अपने भाई से जंग करनी पड़ी। इस जंग में मुस्तफा तो मारे गए लेकिन सुल्तान मुराद दोयम फिर कभी भी रोमन सल्तनत के मरकज कंस्टेंटिनोपल की तरफ कदम नहीं बढ़ा सके और सिर्फ कंस्टेंटिनोपल से टैक्स लेकर इसे अपने हाल पर छोड़ते रहे। लेकिन जहां बाप नाकाम रहे थे वहीं उनके बेटे ने इस नाकामी से सबक सीखा। वो थे सुल्तान मोहम्मद दोयम, जिन्हें आज दुनिया सुल्तान मोहम्मद फातेह के नाम से जानती है। वो अपने बाबा की हुई गलती नहीं दोहराना चाहते थे। उन्होंने अपने बाबा की नाकामी से जो सबक सीखा वो ये था कि अगर कंस्टेंटिनोपल फतेह करना है तो पहले अपनी रियासत में मुकम्मल अमन होना जरूरी है, चाहे इसकी कीमत कुछ भी अदा करनी पड़े, यानी रियासत में कोई भी गद्दार मौजूद नहीं होना चाहिए। और दूसरा सबक उनके नजदीक ये था कि अपनी फायर पावर यानी तोपों को इतना ज्यादा ताकतवर बनाया जाए कि वो कंस्टेंटिनोपल की 1000 साल से मजबूत खड़ी और बड़े बड़े ताकतवर हुक्मरानों का मुंह छुड़ाती दीवार को रेत की दीवार साबित कर सके। क्योंकि यही सब करके सुल्तान को वो सुर्ख सेब मिल सकता था जिसे पाने की आरजू लिए उनके बाबा मनोमिट्टी तले जा सोए थे। दोस्तों, ये सुर्ख सेब आखिर क्या था? कंस्टेंटिनोपल शहर में एक बहुत बड़ा और पुराना चर्च था जिसे हाया सोफिया कहते थे। इस चर्च के बाहर ही 100 फुट ऊंचे सुतून पर एक रोमन शहंशाह का घोड़े पर सवार मुजस्मा नस्ब था।
ये मुजस्मा उसी शहंशाह का था जिसने हाया सोफिया चर्च तामीर करवाया था। इस मुजस्मे ने देमालाई ग्रीक हीरो एचिलिस जैसा लिबास पहन रखा था। इसके एक हाथ में ग्लोब यानी गोला था जिसमें सलीब गड़ी हुई थी। ये सलीब और ग्लोब पूरी दुनिया पर ईसाइत के गलबे की अलामत थी। दोस्तों, यूरोप में सदियों से एक बात बहुत मशहूर थी, वो ये कि जो भी शख्स कंस्टेंटिनोपल को जीत कर इस घोड़े पर सवार ईसाई शहंशाह के हाथ में जो ग्लोब और सलीब मौजूद है उसे हासिल कर लेगा, वही पूरी दुनिया का शहंशाह माना जाएगा। तो इसी वजह से कंस्टेंटिनोपल को फतेह करना ये बड़े बड़े हुक्मरानों के लिए एक चैलेंज बन चुका था। 1000 सालों में कई ताकतवर हुक्मरानों ने ये चैलेंज कबूल किया, मगर कंस्टेंटिनोपल की पहाड़ों के मानिंद मजबूत दीवार हर हमलावर को नाकाम होकर वापस लौटने पर मजबूर कर देती थी। उस्मानी तुर्कों ने भी एक से ज्यादा मर्तबा इस शहर को जीतने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सके। तुर्क लोग इस सलीब वाले गोले को सुर्ख सेब यानी लाल सेब कहते थे, क्योंकि सुर्ख सेब तुर्कों के नजदीक पूरी दुनिया पर हुकूमत की अलामत था। वो ये सुर्ख सेब हासिल करने के लिए बेकरार थे, क्योंकि उस वक्त वो दुनिया की सुपर पावर तो बन ही चुके थे। तो सुल्तान मुराद दोयम की वफात के बाद उस्मानी सल्तनत के तख्तो ताज के साथ साथ सुर्ख सेब को हासिल करने की चुनौती भी सुल्तान मुराद दोयम को मिल चुकी थी। अब ये चुनौती तो विरासत में आ गई, लेकिन ये एक मुश्किल और कड़ी चुनौती थी। उस्मानी तख्तोताज मिलने से भी कहीं ज्यादा मुश्किल, सुल्तान मोहम्मद दोयम को अपने बाबा की विरासत यानी उस्मानी तख्तोताज हासिल करने के लिए कोई बड़ी जंग या बगावत से नहीं लड़ना पड़ा था, लेकिन उनके इतनी आसानी से सुल्तान बन जाने की वजूहात बहरहाल दिलचस्प और पुरअसरार तो थी ही। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि मोहम्मद दोयम के सुल्तान बनने के वक़्त उनके सामने उस्मानी विरासत के मुकाबले के लिए कौन कौन खड़ा था। मोहम्मद दोयम के दो बड़े भाई थे, एक अहमद और दूसरे अली। अहमद सबसे बड़े थे, लेकिन उनके वालिद सुल्तान मुराद अपने छोटे बेटे अली से ज़्यादा मोहब्बत करते थे, और इसी वजह से ये समझा जाता था कि अली ही सल्तनत उस्मानिया के अगले सुल्तान होंगे, जबकि मोहम्मद दोयम तो सबसे छोटे थे और वैसे भी उन्हें जिद्दी और खुद सर बल्कि बड़ी हद तक एक नालायक लड़का समझा जाता था। वो जब पैदा हुए तो हकीमों का कहना था कि ये बच्चा ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगा, और अगर जी भी गया तो कभी भी सुल्तान नहीं बन पाएगा, यानी उनके सुल्तान बनने का कोई इम्कान ही नहीं था। इन हालात में लगता था कि अहमद और अली में से किसी एक को सुल्तान बनाया जाएगा, जबकि बाकी बचे दो शहजादों के हिस्से में आती सुकून और चैन की नींद यानी किसी एक के सुल्तान बनते ही बाकियों की मौत तय थी। हुआ ये कि इनके बड़े भाई अहमद जो अमायसा के गवर्नर भी थे वो 1437 में अचानक इंतकाल कर गए। इनकी जगह पर छोटे भाई अली को गवर्नर बनाकर भेजा गया, लेकिन 1443 में हजर पाशा नाम के एक तुर्क सरदार ने अमायसा के गवर्नर अली और उनके छोटे छोटे मासूम बच्चों को रात के अंधेरे में कत्ल कर दिया। उसके बाद हजर पाशा का क्या अंजाम हुआ और उसने शहजादे अली और उनके बच्चों को क्यों कत्ल किया था, इस बारे में तारीख में कोई बात नहीं मिलती। बहरहाल ये अजीब वाकयात जैसे भी हुए हो, मोहम्मद दोयम के सुल्तान बनने के रास्ते से दोनों बड़े भाई हट चुके थे और उनके सुल्तान बनने में कोई खानदानी रुकावट बाकी नहीं रही थी। वो सुल्तान बन गए, लेकिन एक छोटा सा मसला अभी भी बाकी था, वो ये कि उनकी एक सर्बियन सौतेली माँ का एक साल का बेटा जिसका नाम उनके बाबा ने अहमद ही रखा था वो अभी जिंदा था। जाहिर है कि ये एक साल का बच्चा यानी अपना सौतेला भाई सुल्तान मोहम्मद दोयम के लिए उस वक्त कोई बड़ा मसला नहीं था, लेकिन सुल्तान मोहम्मद दोयम ये सीख चुके थे कि अगर सुर्ख सेब हासिल करना है तो उन्हें हर सूरत अमनो अमान बरकरार रखना होगा, चाहे इसकी कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। ये एक साल का सौतेला भाई उस वक्त तो नहीं, लेकिन सुल्तान के नजदीक आने वाले वक्त में उस्मानी रियासत का दावेदार बनकर बड़ी बगावत खड़ी कर सकता है। तो अब ठीक उसी वक्त जब उनकी सर्बियन सौतेली माँ सुल्तान मोहम्मद दोयम को बादशाह बनने की मुबारकबाद दे रही थी, उसी वक्त सुल्तान के हुक्म पर एक गुलाम उनके छोटे और सौतेले भाई अहमद को पानी की हौज में डुबो रहा था। उसके अगले ही दिन सुल्तान ने उस गुलाम को भी अहमद के कत्ल के इल्जाम में कत्ल करवा दिया। फिर सुल्तान मोहम्मद दोयम ने अपने सौतेले भाई की माँ को यानी उस सर्बियन औरत की शादी एक तुर्क सरदार से करके उसे दारुल हुकूमत से बाहर कर दिया। सुल्तान मोहम्मद दोयम ही सल्तनत उस्मानिया के वो सुल्तान थे जिन्होंने ये कायदा और कानून बना दिया था कि उनके बेटों में से जो भी तख्त पर बैठेगा उसके लिए लाजिम होगा कि वो दूसरे वारिस हो, दावेदार हो यानी अपने भाइयों को कत्ल कर दे।
ताकि रियासत में कोई भी बगावत के बीज ना बो सके और अमन व अमान कायम रह सके। तख्त नशीनी के अलावा भी सुल्तान मोहम्मद दोयम ने इर्द गिर्द की रियासतों से भी अमन व अमान कायम कर लिया था। यूरोपी ताकतों से अमन और तिजारत के मुआहदे खत्म करके उन्होंने जंग के सारे इम्कान खत्म कर दिए थे और यूं सुल्तान मोहम्मद दोयम ने सल्तनत में अमन कायम करने की पहली चुनौती कामयाबी से पूरी कर ली थी और अब उनके सामने दूसरी चुनौती खड़ी थी। वो ये कि उन्हें एक ऐसी तोप तैयार करवानी थी जो कंस्टेंटिनोपल की पहाड़ों जैसी दीवारें तोड़कर उस्मानी फौज को शहर में दाखिल करवा सके। 15वीं सदी की शुरुआत में जो तोपें बन रही थी उनमें एक मसला था कि उन तोपों के गोले चारकोल, सालपीटर और सल्फर से तैयार किए जाते थे। इन सारी चीजों को मिक्स करके मैदान जंग के अंदर ही तोप में भरा जाता था और जब फायर किया जाता तो ये गोला निशाने पर गिरने के बाद धमाके से नहीं फटता था बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जलता रहता था, जिसकी वजह से निशाने को यानी दुश्मन को ज्यादा नुकसान भी नहीं पहुँचता था। यही वजह थी कि सुल्तान मोहम्मद दोयम एक नई और बेहतर तोप बनवाना चाहते थे। उनकी खुशकिस्मती थी कि उनके बाबा के दौर के बरक्स उनके दौर में तोप के गोलों की टेक्नोलॉजी काफी बेहतर हो चुकी थी। ये गोले निशाने पर गिरते या टकराते ही धमाके से फट जाते थे, जिसकी वजह से निशाने को यानी दुश्मन को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुँचता था। बारूद के गोलों के साथ तोपें भी बेहतर से बेहतरीन हो चुकी थी। ये तोपे अब लोहे के बजाय ब्रोंज से बनने लगी थी, जिसे बनाने के लिए खर्चा तो ज्यादा होता था लेकिन तोप की डिजाइन पहले से बेहतर भी हो जाती थी और उस वक्त ब्रोंज हासिल करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। तो सुल्तान ने ब्रोंज के सिलसिले में सल्तनत में शामिल बलकान की रियासतों से फायदा उठाया, क्योंकि इन रियासतों के गिरजाघरों यानी चर्चों में ब्रोंज से ही बनी बड़ी बड़ी और वजनदार घंटियां लगाई गई थी। ब्रोंज हासिल करने के बाकी जरियों के अलावा भी इन गिरजाघरों की घंटियों को तोड़कर भी तोपे बनाने के लिए ब्रोंज हासिल किया जाता था। ब्रोंज की ये बेहतरीन तोपे 16 फुट तक लंबी और 750 पाउंड वजन के गोले फेंक सकती थी, लेकिन सुल्तान मोहम्मद को इससे भी बड़ी तोप चाहिए थी। इतनी ज्यादा बड़ी कि उसके कम से कम गोलों में ज्यादा से ज्यादा नुकसान दीवार को पहुंचाया जा सके, क्योंकि वो किसी भी सूरत नाकामी नहीं देखना चाहते थे। हालांकि उनका वजीर आजम खलील पाशा उन्हें डरा रहा था कि कंस्टेंटिनोपल पर हमला ना किया जाए, वरना पूरा यूरोप उस्मानी तुर्कों के खिलाफ नई सलीबी जंग शुरू कर सकता है। वजीर आजम खलील पाशा सुल्तान मोहम्मद के कंस्टेंटिनोपल फतह करने के ख्वाब को एक जुनूनी नौजवान की बेवकूफी समझता था, लेकिन सुल्तान अपने ख्वाब को हर सूरत पूरा करने का मजबूत इरादा कर चुके थे और अब उन्हें जरूरत थी तोप इंजीनियर की जो उनकी मर्जी की ताकतवर तोपे बना सके। सुल्तान मोहम्मद सानी जो एक तोप बनाने वाले इंजीनियर को ढूंढ रहे थे, लेकिन आखिरकार उनकी तलाश पूरी हुई। हुआ ये कि हंगेरी से एक नौजवान इंजीनियर तोपे बनाने की पेशकश लेकर कंस्टेंटिनोपल के शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन 11 के पास आया और उसने शहंशाह को बड़ी तोपे बनाकर देने की पेशकश की, लेकिन इन तोपों के बदले हंगेरियन नौजवान इंजीनियर ने बहुत बड़ी तनख्वाह और इनाम का मुतालिबा भी कर दिया। लेकिन कंस्टेंटिनोपल की माली हालात उन दिनों बहुत ही ज्यादा खराब थी, कर्जों का बोझ बहुत ज्यादा था और ऊपर से शाही खजाना भी बिल्कुल खाली, और कंस्टेंटिनोपल के बादशाह कॉन्स्टेंटाइन 11 को शहर की हिफाजत और फौज की मजबूती से ज्यादा शाही खजाना भरने की ज्यादा फिक्र थी, और वैसे भी वो उस्मानियों के नौजवान सुल्तान को कोई खास खतरा नहीं समझता था। बल्कि मोहम्मद दोयम के हुक्मरान बनने पर तो कंस्टेंटिनोपल से लेकर फ्रांस तक यूरोपीय हुक्मरानों ने एक दूसरे को मुबारकबादें दी थी कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के तख्त पर एक कमजोर सुल्तान आन बैठा है। यानी पूरा यूरोप सुल्तान मोहम्मद दोयम को एक कमजोर और नाअहल शख्स समझता था, लेकिन असल में तो नाअहल वो लोग खुद ही थे जो सुल्तान मोहम्मद दोयम को कमजोर आंक रहे थे। वो बेवकूफ ये बात नहीं जानते थे कि सुल्तान मोहम्मद दोयम ही वो खुशनसीब शख्स है जिनके बारे में हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त से 700 साल पहले पेशन गोई फरमा के गए थे, जिस पेशन गोई के सच होने का इस्लामी दुनिया को सदियों से इंतजार था। तो कॉन्स्टेंटाइन 11 चूंकि उस्मानी तुर्कों से कोई फौरी खतरा महसूस नहीं कर रहा था,
इसीलिए उसने हंगेरियन तोप इंजीनियर को मना करके टाल दिया और महज उसके बहलावे के लिए उसकी थोड़ी सी तनख्वाह मुकर्रर कर दी ताकि इतना माहिर इंजीनियर कहीं और न चला जाए। लेकिन बासलाहियत इंजीनियर मुतमईन यानी खुश नहीं हुआ, क्योंकि एक तो तनख्वाह उसकी सलाहियत से बहुत कम थी, दूसरा ये कि वो तनख्वाह भी उसे वक्त पर नहीं दी जाती थी, और तीसरा ये कि कंस्टेंटिनोपल के सरकारी अहदेदार इंजीनियर की इस तनख्वाह में से भी कुछ हिस्सा काट लिया करते थे। तो इससे तंग आकर उस तोप इंजीनियर ने वही किया जो उस वक्त के ज्यादातर यूरोपीय नौजवान कर रहे थे, यानी सल्तनत उस्मानिया में नौकरी करने का फैसला कर लिया। इस इंजीनियर को चूंकि अपनी सलाहियत और हुनर का बहुत ही ज्यादा मुनाफा चाहिए था, इसलिए वो सुल्तान को ऐसी पेशकश करना चाहता था जो सुल्तान मोहम्मद दोयम किसी भी सूरत इनकार न कर सके। उस इंजीनियर को मालूम था कि सुल्तान मोहम्मद दोयम कंस्टेंटिनोपल की दीवार तोड़ने के लिए बेकरार है, इसीलिए उसने कंस्टेंटिनोपल शहर की दीवारों का अच्छी तरह से जायजा कर लिया और फिर वहां से निकलकर 140 मील दूर एड्रिन शहर में सुल्तान मोहम्मद दोयम के दरबार में जा पहुंचा। जब सुल्तान को बताया गया कि हंगेरी का एक नौजवान इंजीनियर मजबूत और बेहतर तोपे बनाने की पेशकश लेकर आया है, तो सुल्तान ने उसे फौरन तलब कर लिया। सुल्तान मोहम्मद दोयम खुद भी जंगी टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा समझ रखते थे, इसीलिए उन्होंने हंगेरी के इंजीनियर से चंद सवाल के बाद अहम और सीधा सवाल कर लिया कि क्या तुम ऐसी तोप बना सकते हो जिससे कंस्टेंटिनोपल की दीवारें गिर जाए। और सुल्तान ने अपने हाथों के इशारे से उसे बताया कि इस तोप का गोला इतना बड़ा होना चाहिए। अब हंगेरी के इस माहिर नौजवान इंजीनियर ने कई महीने इसी एक सवाल की तैयारी ही में तो गुजारे थे। उसने पुरजोश आवाज में कहा कि मैंने कंस्टेंटिनोपल की दीवारों को बहुत करीब से देखा है, मेरी तोप इतनी ताकतवर होगी कि कंस्टेंटिनोपल की दीवारें तो एक तरफ अगर बाबल जैसी अजीम ताकत की दीवारें भी रास्ते में आई तो वो भी मेरी तोप की ताकत से रेजारेज हो जाएगी। सुल्तान यही जवाब सुनने के लिए तो बेकरार थे। उसके बाद सुल्तान मोहम्मद दोयम ने उस हंगेरियन नौजवान इंजीनियर को उसके मुंह मांगे मुआवजे से भी चार गुना ज्यादा मुआवजा देने का वादा किया और जल्द से जल्द तोपे तैयार करवाने का हुक्म भी जारी कर दिया। तकरीबन 3 महीने गुजरने के बाद हंगेरियन इंजीनियर ने पहली तोप तैयार कर ली। इस तोप को बोस्फोरस के किनारे के एक तुर्क किले रोमेलियन में बेच दिया गया। नवंबर 1452 में इस तोप से छोड़े जाने वाले पहले गोले ने वेनिस के एक दरियाई जहाज को डुबो दिया जो जहाज कंस्टेंटिनोपल पहुंचने की कोशिश कर रहा था। अब वेनिस का मजबूत दरियाई जहाज डुबोने से हंगेरियन इंजीनियर की बनाई तोप की ताकत साबित हो गई थी। सुल्तान मोहम्मद दोयम भी इस इंजीनियर से खुश हो चुके थे। उसके बाद उन्होंने हंगेरियन इंजीनियर को हुक्म दिया कि अब वो उनकी सोची हुई सबसे बड़ी तोप सुपर गन की तैयारी शुरू करे। दोस्तों सुपर गन नाम की तोप बनाने की तैयारी शुरू हो गई। सुपर गन की तैयारी का मरहला सबसे दिलचस्प था। इसे बनाने के लिए मिट्टी और रस्सियों की मदद से एक 27 फीट लंबा सांचा तैयार किया गया। हंगेरियन नौजवान इंजीनियर ने ईंटों और पत्थरों से दो बड़ी बड़ी भट्टियां तैयार की जिन्हें 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता था और इन भट्टियों के चारों तरफ कोयले की एक पहाड़ी सी बना दी गई। ये कोयले की पहाड़ी इतनी बुलंद थी कि बाहर से देखने पर भट्टियों का सिर्फ ऊपरी सिरे वाला हिस्सा ही नजर आता था, फिर भी भट्टियों की तपिश इतनी ज्यादा थी कि ऊपर खड़े शख्स तक पहुंचती थी। जब इन बड़ी बड़ी भट्टियों में लकड़ियां डालकर आग जलाई जाती तो वहां काम करने वाले तमाम लोग एक जगह इकट्ठा होकर अल्लाह को पुकारने लगते। सुपर गन तोप की तैयारी के आखिरी दिनों में जब भट्टी में टिन डाला जाना था, उस दिन सल्तनत के वजीरों, मुफ्तियों और अहम तरीन शख्सियात को बुलाया गया था ताकि उनकी मौजूदगी से अल्लाह की रहमतें बरसती रहे। उनके अलावा किसी भी शख्स को भट्टियों के करीब जाने की इजाजत नहीं थी ताकि नए और पुरस्कार हथियार को किसी की नजर न लग जाए। भट्टियों के मजदूरों के अलावा सिर्फ 40 लोग वहाँ पर मौजूद थे। उल्मा और दीन के जानकार भट्टियों से 100 फुट की दूरी पर बैठ गए और मुसलसल खुदा की बड़ाई बयान करने लगे। भट्टियों की निगरानी करने वालों ने वजीरों और उल्मा से कहा कि वो सदके के तौर पर सोने और चांदी के सिक्के भी भट्टियों में डाल दे, जिसके बाद उन्होंने सोने और चांदी के सिक्के दिए जिनको भट्टी के जलते हुए मवाद में मिक्स कर दिया गया और इन सब से गुजरने के बाद आखिर में इस भट्टी से 27 फीट लंबी कांसे की यानी ब्रोंज की तोप तैयार करके निकाली गई, जिस तोप का मुंह यानी बारूद का गोला डालने की जगह 30 इंच की थी। ये उतनी ही बड़ी तोप थी जितनी सुल्तान ने इंजीनियर को बताई थी, यानी सुल्तान की मर्जी की तोप तैयार हो चुकी थी और अब वक्त था इस तोप को आजमाने का। इस तोप को जनवरी 1453 में
टेस्ट फायर यानी इसकी ताकत आजमाने के लिए निकाला गया। ये तोप इतनी खतरनाक थी कि इससे होने वाले धमाके के लिए शहर के लोगों को एक दिन पहले ही खबरदार कर दिया गया था कि कल एक ऐसा धमाका होगा जिससे लगेगा कि बादल गरज रहे हैं। इसलिए खबरदार रहे और परेशान ना हो। और ये खबर भी दी गई कि धमाके की आवाज से शहर की हामेला यानी प्रेग्नेंट औरतों को भी महफूज रखने की कोशिश की जाए। दोस्तों उसके बाद इस बड़ी तोप को शहर के दरवाजे के करीब लाया गया और कई लोगों ने मिलकर पत्थर का एक गोला तोप में डाला। फिर एक मोमबत्ती के जरिए तोप के पिछले हिस्से में मौजूद बारूद को आग दी गई। बस फिर क्या था, एक कान फाड़ देने वाले धमाके के साथ गोला तोप से निकला और तकरीबन एक मील दूर जाकर गिरा। ये गोला जिस जगह पर गिरा था वहां पर 6 फुट गहरा गड्ढा पड़ गया। इस तरह से ये तजुर्बा कामयाब रहा। धमाके की आवाज 10 मील तक सुनी गई थी। सुल्तान ने तोप के इस कामयाब तजुर्बे की खबरें जानबूझकर कंस्तांतुनिया तक पहुंचाई ताकि वहां के मुहाफिजों और शहंशाह के हौसले टूट जाए। इस बड़ी तोप के बाद भी हंगेरियन इंजीनियर की भट्टी में बहुत सारी तोपें बनती रही, लेकिन बाद में बनने वाली कोई भी तोप सुपर गन जितनी बड़ी और ताकतवर नहीं थी, बल्कि ये सारी तोपें लगभग 14 फुट जितनी ही लंबी होती थी। इंजीनियर ने ऐसी 60 से ज्यादा तोपें बना डाली। अब सल्तनत में अमनो अमान भी कायम हो चुका था और ताकतवर तोपें भी तैयार हो चुकी थी। यानी कंस्तांतुनिया पर हमला करने की दोनों शरायतें और चुनौतियां सुल्तान मोहम्मद दोयम के नजदीक पूरी हो चुकी थी और अब जंग में ताखीर यानी देर करने की कोई वजह नहीं थी। तो सुल्तान ने ये किया कि तुर्कों के कबायली रिवाज के मुताबिक घोड़े की दुम से बना एक परचम महल के सहन में गाड़ दिया। ये इस बात का ऐलान था कि सुल्तान जंग करने जा रहे हैं। परचम गाड़ने के साथ ही सल्तनत के सारे इलाकों में कासिद घोड़े के साथ दौड़ा दिए गए और तमाम अमीरों को यह हुक्म दिया गया कि वो फौज लेकर अपने मरकज यानी एड्रिन शहर में पहुंचे। जंग का पहला उसूल ये था कि हर अमीर की जिम्मेदारी थी कि वो ज्यादा से ज्यादा सिपाही अपने साथ लाए। इन सिपाहियों के हथियारों, जंगी बख्तर और सवारी के लिए घोड़ों का इंतजाम भी उसी अमीर को करना होता था। देखते ही देखते सन 1453 के मौसम बहार तक 2 लाख सिपाहियों का एक बड़ा लश्कर तैयार हो गया था, जिस लश्कर में 180 दरियाई जंगी जहाजों का ताकतवर बेड़ा भी शामिल था। कंस्तांतुनिया यानी कॉन्स्टेंटिनोपल शहर 1000 साल पहले रूमी शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन ने आबाद किया था अपने दारुल हुकूमत के तौर पर। और आप तारीख की सितम जरीफी देखिए कि जब इस शहर की दीवारों को रेजा रेज करने के लिए जो लश्कर तैयार हो रहा था तो उस वक्त के शहंशाह का नाम भी कॉन्स्टेंटाइन ही था, कॉन्स्टेंटाइन 11। इस आखिरी शहंशाह के पास न तो सुल्तान मोहम्मद दोयम जैसी तोपे थी और न ही इतनी बड़ी फौज, लेकिन मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों की किताबों में ये लिखा है कि वो रूमी शहंशाह कॉन्स्टेंटिनोपल एक बहादुर आदमी था और आखिरी सांस तक लड़ने वाला शख्स था। लेकिन जाहिर है कि सिर्फ बहादुरी इतनी बड़ी तोपों और 2 लाख तुर्कों के लश्कर का मुकाबला नहीं कर सकती थी। इसके लिए हकीकी और मौजूदा वसाइलों का होना भी जरूरी था। यानी रोमियों को तुर्कों से लड़ने के लिए तोपे और एक बड़ी फौज चाहिए थी। तो ऐसे ही एक वसीले पर उस रोमी शहंशाह को बहुत ज्यादा भरोसा था। ये ऐसी चीज थी जिसका तोड़ ना तो उस्मानियों की तोपों के पास था और ना ही 2 लाख के लश्कर के पास। ये आखिर ऐसी तो क्या चीज थी जिसके ऊपर इंतहाई और बहुत कमजोर रूमी शहंशाह को सबसे ज्यादा भरोसा था। ये सब आपको बताएंगे सल्तनत उस्मानिया के 6वें एपिसोड में, लेकिन उससे पहले आप हमें अपनी राय जरूर दे कि रूमी शहंशाह कॉन्स्टेंटिनोपल को किस चीज पर सबसे ज्यादा भरोसा हो सकता था और क्यों, ये कमेंट करके हमें जरूर बताए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान में रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया पे बनाया गया ये 6वां एपिसोड है, इसे पूरा जरूर देखें। तो दोस्तों हंगेरी के उस नौजवान इंजीनियर के सुपर गन तोप बनाने और इसकी ताकत को भी आजमाने के बाद सल्तनत उस्मानिया के तमाम खित्तों के अमीरों को फौज के साथ अपने मरकज एड्रिन शहर में हाजिर होने का हुक्म भी दे दिया गया। देखते ही देखते अब 1453 का साल भी आ चुका था। ये उसी दौर की शुरुआत थी जिसमें ईसाइयों की सबसे बड़ी और आखिरी जड़ कंस्तांतुनिया को उखाड़ा जाना था। ये दुनिया का वही अजीम शान शहर था जो कभी सुपर पावर रोमन एम्पायर का मरकज हुआ करता था। यूरोप के मशरिकी यानी पूर्वी हिस्से, तुर्की, मुल्क शाम और मिस्र के कुछ हिस्सों पर इसकी हुकूमत फैली हुई थी।
पूरे यूरोप में कंस्तनतुनिया से ताकतवर और दौलतमंद कोई दूसरा शहर नहीं था। सन 1453 से तकरीबन 1000 साल पहले जब दुनिया की कुल आबादी 25 या 26 करोड़ थी, उस वक्त सिर्फ इसी शहर में ही 5 से 8 लाख लोग रहते थे। ये शहर इतना अहम था कि ऑर्थोडॉक्स ईसाई तो दुआ भी इसी शहर कंस्तनतुनिया की तरफ मुंह करके ही मांगा करते थे। 11वीं सदी में इसी शहर को मुसलमानों से बचाने के लिए क्रूसेड वॉर यानी सलीबी जंगों का आगाज किया गया था, लेकिन साल 1453 में शहर में करीब 60,000 लोग बसा करते थे। शहर का ज्यादातर हिस्सा खंडर बन चुका था। ये शहर भूतकाल की एक अजीमुशान सल्तनत का बचा हुआ हिस्सा ही था, जो मजबूत दीवारों में अपनी शानो शौकत की लाज रखे हुए था। लेकिन ये बची कुची लाज भी चारों तरफ से सल्तनत उस्मानिया के घेरे में आ चुकी थी। इस शहर के पहले रोमन शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन 1 और आखिरी शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन 11 के दरमियान 90 शहंशाहों और 1100 बरस का फासला था। इन 1100 बरसों में कॉन्स्टेंटिनोपल शहर का 23 बार मुहासरा हुआ, यानी 23 बड़े बड़े बादशाहों ने इसको फतेह करने की कोशिश की, लेकिन सिवाय एक सलीबी लश्कर के दूसरा कोई भी इसे फतेह ना कर सका। और अब तो वो जंग शुरू होने जा रही थी जिसका इंतजार दुनिया भर के मुसलमान 700 बरसों से कर रहे थे। दोस्तों, जंग में दो चीजें बहुत अहम होती है, एक कुव्वत इरादी यानी विल पावर और दूसरी वसाइल यानी खतरनाक जंगी हथियार, ताकतवर फौजी और फौज की बड़ी तादाद। लेकिन इन दोनों से भी जरूरी एक और चीज होती है, और वो है जंग की असल वजह। और सुल्तान मोहम्मद के पास कंस्तनतुनिया शहर को फतेह करने के लिए चार अहम वजूहात थी। एक वजह तो ये कि कंस्तनतुनिया ने सुल्तान मोहम्मद के एक बागी चचा ओरहान कल्बी को और उसके साथ 500 साथियों को पनाह दे रखी थी। कंस्तनतुनिया का इन तुर्की बागियों को पनाह देना ये उस्मानी तुर्कों के लिए किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं था। दूसरी वजह ये कि सुल्तान मोहम्मद इस अजीमुशान शहर को, जिसे दुनिया क्वींस ऑफ द सिटीज कहती थी, उसे उस्मानी तुर्कों का दारुल हुकूमत बनाना चाहते थे। तीसरी वजह थी तिजारत यानी व्यापार। कंस्तनतुनिया शहर पुराना और कदीम तो था ही, लेकिन वो जिस जगह पर मौजूद था ठीक वहाँ पर दो बर्रे आजम यानी दो भूमिखंड यूरोप और एशिया एक दूसरे से जा मिलते थे, और यूरोप से एशिया जाने का सिर्फ इकलौता रास्ता कंस्तनतुनिया शहर से होकर ही जाता था। ये शहर ठीक एशिया और यूरोप के बीचों बीच होने की वजह से हर साल सैकड़ों व्यापारी काफिले एशिया से यूरोप और यूरोप से एशिया जाने के लिए यहीं से होकर गुजरते थे। यहाँ तक कि सिर्फ हमारे हिंदुस्तान से 1000 टन से ज्यादा अनाज और मसाले इसी शहर के रास्ते से होकर यूरोप पहुँचते थे। चौथी वजह थी ईसाइयों की मजहबी अकीदत। यानी कंस्तनतुनिया शहर पर कब्जे का मतलब ये था कि उस्मानी तुर्क सल्तनत के बहुत से ईसाई शहरी जो ऑर्थोडॉक्स फिरके से थे और जिनको उस्मानी तुर्कों ने अपनी सल्तनत में पूरी मजहबी आज़ादी भी दे रखी थी, वो सारे ऑर्थोडॉक्स ईसाई कंस्तनतुनिया फतेह करने के बाद उस्मानी सल्तनत के और भी ज्यादा वफादार हो जाएंगे। वैसे उस्मानियों के लिए तो ये शहर फतेह करने की और भी वजूहात थी, लेकिन रूमी शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन 11 के लिए अपने शहर कंस्तनतुनिया को बचाने की सिर्फ एक ही वजह थी, क्योंकि ये शहर उस रोमन सल्तनत की विरासत था जो सल्तनत 1000 साल और सैकड़ों बादशाहों से होते होते उस तक पहुंची थी। और इसी वजह से इस अजीम शहर की हिफाजत के लिए 49 साल के तजुर्बाकार कॉन्स्टेंटाइन 11 ने 21 साल के नौजवान सुल्तान मोहम्मद के सामने डट जाने का फैसला कर लिया। उस्मानी तुर्क तो अपने दौर की सुपर पावर थे, उनके पास वो तमाम वसाइल यानी बड़ी फौज और हर तरह के हथियार मौजूद थे कि जिनके दम पर वो बड़ी जंग छेड़ सकते थे और उसका नुकसान झेल भी सकते थे। लेकिन दूसरी तरफ कॉन्स्टेंटाइन 11 के पास तो सिर्फ एक ही वसीला था, वो भी उजड़ा हुआ और खंडर नुमा शहर जिसमें बसने वाले लोग बस सुबह से शाम तक जिंदा रहने के लिए मशक्कत ही करते रहते थे। यहाँ तक कि कॉन्स्टेंटाइन 11 की सल्तनत के खजाने में इतने पैसे भी नहीं थे कि अपने किले की मगरबी यानी पूरबी तरफ की टूटी हुई दीवार की मरम्मत कराई जा सके, क्योंकि इस किले की दीवार का कुछ हिस्सा पिछली बमबारी की वजह से टूट चुका था। रोमी बादशाह कॉन्स्टेंटाइन के पास कुल मिलाकर 8,000 सिपाही थे, इनमें से भी सिर्फ 4 या 5,000 सिपाही ही उसके अपने शहर से थे।
बाकी सिपाही वॉलेंटियर्स यानी खादिम थे जो वेनिस, जिनेवा और इटली के शहर रोम जैसी दूरदराज वाली जगहों से आए थे। तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इन हालात में कॉन्स्टेंटाइन 11 आखिर किस बलबूते पर सुल्तान मोहम्मद का सामना करने जा रहा था। इसकी असल वजह ये थी कि बजाहिर ये नजर आता था कि होने वाली ये जंग एक तरफी जंग है, लेकिन हकीकत में थी नहीं। आखिर ऐसा क्यों? तो दोस्तों, दरअसल कॉन्स्टेंटाइन 11 को बहुत से ऐसे एडवांटेज यानी फायदे हासिल थे जो उस्मानी तुर्कों के पास नहीं थे। सबसे बड़ा फायदा तो ये कि कॉन्स्टेंटाइन को डिफेंस वॉर यानी दिफाई जंग खुले मैदान में नहीं बल्कि शहर की मजबूत और महफूज दीवारों के पीछे रहकर लड़नी थी। यानी उसके सिपाही महफूज जगहों से उस्मानी तुर्कों पर गोले, पत्थर, तीर और ग्रीक फायर जैसा खतरनाक केमिकल फेंक सकते थे। ये वही ग्रीक केमिकल था जिसकी आग पानी से भी नहीं बुझती थी, जबकि इनके मुकाबले उस्मानी तुर्क उनको तभी नुकसान पहुंचा सकते थे जब वो कंस्टेंटिनोपल की ऊंची दीवारों पर चढ़ने में कामयाब हो सके। लेकिन यही काम तो उस्मानियों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल था। यहाँ तक कि दीवारों की ऊंचाई और मजबूती के हिसाब से उस पर चढ़ पाना तो तकरीबन नामुमकिन ही था। और इसका एक लॉजिकल रीजन यानी मंतकी और सोची समझी वजह थी, क्योंकि कंस्टेंटिनोपल शहर बनाया ही इस तरह से गया था कि किसी भी तरफ से इस पर चढ़ाई करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। इस शहर की बनावट देखकर ही बड़े बड़े हुक्मरान और उनकी फौजों के हौसले टूट जाया करते थे। कंस्टेंटिनोपल शहर के तीन तरफ समंदर और एक तरफ मजबूत और ऊंची ऊंची तीन दीवारें बनाई गई थी। सबसे बाहर एक 50 फीट चौड़ी और 20 फीट गहरी खाई मौजूद थी जिसमें जमीन के नीचे बिछे पाइप के जरिए पानी भरा जा सकता था। इस खाई के ठीक पीछे एक छोटी दीवार, इस छोटी दीवार के पीछे एक बुलंद और ज्यादा ऊंची दीवार और सबसे आखिर में तीसरी सबसे ऊंची और मजबूत दीवार जिसकी ऊंचाई 36 फीट से लेकर 100 फीट तक थी। ये आखिरी दीवार 4 मील तक फैली हुई थी। इसी तीसरी और दूसरी दीवार के बीच में एक 60 फीट चौड़ा प्लेटफॉर्म भी था जिस पर खड़े होकर कंस्टेंटिनोपल के रोमी मुहाफिज आगे बढ़ती उस्मानी फौज पर तीरों की लगातार बारिश जारी रख सकते थे। यानी कुल मिलाकर एक चौड़ी खाई, दो दीवारें, एक मजबूत दीवार और दीवारों से तीरों की बारिश करते सिपाही। इन सब से गुजरने के बाद ही उस्मानी तुर्कों की फौज उस प्लेटफॉर्म पर चढ़ सकती थी जहां वो रूमी मुहाफिजों से जमकर और बराबर मुकाबला कर सकती थी। और दोस्तों, रूमी मुहाफिजों के पास इन सब के अलावा भी तीसरी दीवार के पीछे पनाह लेने की महफूज जगह भी मौजूद थी। ये था वो जबरदस्त दिफाई स्ट्रक्चर जिसकी दीवारों पर चढ़ते चढ़ते ही लाखों की फौज खत्म हो जाया करती थी। सदियों से शहर की यही तारीख रही थी। सिर्फ दीवारें ही नहीं बल्कि शहर का सारा नक्शा जंगी नुक्ते नजरिए से ही बनाया गया था। इस शहर की मजबूत दीवारें तो एक तरफ, इसके इर्द गिर्द के दूसरे समंदरी रास्ते भी कुछ कम खतरनाक नहीं थे। इस शहर के एक तरफ तंग और छोटा सा लेकिन गहरा समंदर था जिसे अबनाए बास्फोरस कहते थे। इसके नीचे से लेकर दूसरी तरफ सी ऑफ मार्मरा यानी एक बार फिर गहरा समंदर और इसके ठीक सामने ऊपर की तरफ गोल्डन हॉर्न यानी तीसरी तरफ भी समंदर ही था। लेकिन ये गोल्डन हॉर्न नाम का समंदरी इलाका कंस्टेंटिनोपल शहर का एक वीक पॉइंट यानी कमजोर हिस्सा था। ये तंग और छोटा सा समंदरी रास्ता अगर कोई पार करके कंस्टेंटिनोपल की तरफ आ जाए तो इस तरफ की दीवार बहुत ही कमजोर थी। लेकिन रूमी मुहाफिजों ने इसका भी एक शानदार हल निकाल रखा था। वो यूं कि अप्रैल 1452 में इस चंद 100 मीटर चौड़े समंदरी रास्ते पर 31 टन वजनी लोहे की जंजीर लगा दी गई थी, ठीक इसी तरह जैसे किसी सड़क पर बैरियर लगा दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह ये जंजीर रास्ते में दोनों तरफ फिट कर दी गई थी। जंजीर के एक सिरे पर कंस्टेंटिनोपल तो दूसरे सिरे पर गलाटा की बस्ती मौजूद थी। गलाटा जिनेवा की ही कॉलोनी का एक हिस्सा था और अगर चूंकि जिनेवा के कुछ जंगजू जाती तौर पर यानी खुद की मर्जी से कंस्टेंटिनोपल की हिफाजत के लिए शहर के अंदर पहुंचे हुए थे, लेकिन सरकारी तौर पर जिनेवा गैर जानिबदार था यानी कंस्टेंटिनोपल का जिनेवा से कोई सल्तनती लेन देन या हुकूक वाजिब नहीं किए गए थे और इसी वजह से उस्मानी तुर्क जंजीर हटाने के लिए गलाटा में दाखिल नहीं हो सकते थे। जंजीर को काटा भी नहीं जा सकता था
क्योंकि इसके ठीक पीछे इसकी हिफाजत के लिए 10 समंदरी रोमी जहाज खड़े हुए थे। लेकिन इसके सामने कंस्टेंटिनोपल शहर के ठीक दूसरी तरफ जहां पर सी ऑफ मार्मरा मौजूद था, गोल्डन हॉर्न के बाद दूसरा हमला इस तरफ से किया जा सकता था। लेकिन ये रफ वाटर्स का समंदर था, मतलब सी ऑफ मार्मरा समंदर पुरसुकून यानी शांत नहीं रहता था और यहाँ पर जहाजों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता था। जहाज समंदर में फंस सकते थे, उलट सकते थे या किसी समंदरी चट्टान से टकराकर पास पास भी हो सकते थे, यानी ये जगह भी हमलों के लिए सही नहीं थी। इसका मतलब ये कि तीन तरफ समंदर और एक तरफ दुनिया की मजबूत और महफूज तरीन समझी जाने वाली दीवारें कंस्टेंटिनोपल की हिफाजत कर रही थी। इसके बाद शाह कॉन्स्टेंटाइन 11 को सिर्फ ये करना था कि वो शहर की मजबूत दीवारों के पीछे बंद होकर बैठ जाए और जब दुश्मन एड्रिन से 104 मील का थका देने वाला सफर पूरा करके कंस्टेंटिनोपल की दीवारों के पास पहुंचे तो कॉन्स्टेंटाइन उन्हें जंग में मुसलसल उलझाए रखे और उस वक्त तक उलझाए रखे जब तक उस्मानी सुल्तान मोहम्मद दोयम और उनकी फौज सख्त गर्मी, प्यास और बीमारियों से अधमरी ना हो जाए। यही वजह है कि कम फौज और कम से कम वसाइल होने के बावजूद कॉन्स्टेंटाइन 11 बहुत ही पुरउम्मीद था और अपनी आवाम को भी जीत की भरपूर उम्मीद दिला रहा था। ये तो थे शहर के अपने हिफाजती इंतजामात, लेकिन शहर का एक और हिफाजती निजाम भी था और वो था उसकी सल्तनत का निगहबान यानी यूरोप के साथ उनके मजबूत ताल्लुकात। दोस्तों, कॉन्स्टेंटिनोपल शहर चारों तरफ से उस्मानी सल्तनत के घेरे में था। अगर देखा जाए तो उस्मानी सल्तनत के सामने ये बहुत ही छोटा सा और अकेला तनहो तना सा शहर मालूम होता था, लेकिन सल्तनत उस्मानिया के बाहर पूरा यूरोप भी मौजूद था। उस वक्त के पोप निकोलस 5 अगर सलीबी जंगों का ऐलान करे तो पूरा यूरोप कॉन्स्टेंटिनोपल की मदद के लिए अंदर आ सकता था, लेकिन सलीबी जंगों का ऐलान करने के लिए भी पोप निकोलस 5 ने कॉन्स्टेंटिनोपल के शहंशाह के सामने एक शर्त रखी थी। वो शर्त ये थी कि कॉन्स्टेंटिनोपल के ऑर्थोडॉक्स फिरके को कैथोलिक में जम करके इस फिरके की अलग हैसियत खत्म कर दी जाए और कॉन्स्टेंटिनोपल ने पोप निकोलस की यह शर्त भी उन दिनों कबूल कर ली थी, जिसके बाद पोप निकोलस का एक नुमाइंदा कार्डिनल इसोदोर 200 या 300 तीरंदाजों के साथ कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंच भी गया और 12 दिसंबर 1452 को हाया सोफिया के चर्च में एक तारीखी तकरीब में दोनों चर्च एक हो गए। अब यूरोप से कॉन्स्टेंटिनोपल की मदद के लिए किसी भी वक्त सलीबी फौज आ सकती थी, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि पोप निकोलस की तमाम तर कोशिशों के बावजूद कोई यूरोपी ताकत उस्मानी तुर्कों के खिलाफ जंग करने पर राजी नहीं हुई। उसकी वजह यह थी कि 15वीं सदी के यूरोप में मजहबी जोश बहुत ही कम हो चुका था और सुल्तान मोहम्मद दोयम के वालिद के दौर में सलीबी जंगों में शिकस्तें खाने के बाद पोप का भी यूरोपियंस पर पहले जैसा असर नहीं रहा था। यूरोपियन ताकतें अब मजहब से ज्यादा अपने वफादार देखती थी और वैसे भी जंगी लिहाज से उस वक्त की किसी भी ईसाई रियासत के लिए उस दौर की सुपर पावर सल्तनत उस्मानिया से टकराना कोई बच्चों का खेल नहीं था, क्योंकि इसका दूसरा मतलब था अपनी रियासत को ही दांव पे लगा देना। दोस्तों, हम आपको पिछले एपिसोड में ये दिखा चुके हैं कि सुल्तान ने कैसे हंगेरी और दीगर यूरोपियन सल्तनतों से अमन मुआहदे और तिजारत के मुआहदे किए थे। यही नहीं बल्कि सर्बिया, जो सुल्तान की बाजगुजार रियासत थी, उसने तो 1500 के लगभग ईसाई फौजी भी उस्मानी सुल्तान की मदद के लिए भेज दिए थे। लेकिन इन सबको छोड़कर एक छोटी सी मदद कॉन्स्टेंटिनोपल को भी बाहर से मिली थी। वो ये कि जनवरी 1453 में जिनीवा का एक मशहूर जंगजू कमांडर जॉन जस्टिनियानी भी अपने 700 जंगजुओं के साथ मदद के लिए कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंच गया। अब रोमी शहंशाह कॉन्स्टेंटिनोपल 11 ने जस्टिनियानी की जंगी महारत देखते हुए उसे अपनी फौज का कमांडर इन चीफ यानी सिपह सालार बना दिया। अब पोप के तीरंदाजों और जॉन जस्टिनियानी के दस्तों के मिल जाने से कॉन्स्टेंटाइन 11 की फौज 9000 तक पहुंच चुकी थी। कॉन्स्टेंटिनोपल शहर की बाहरी ताकतों का तो सुल्तान मोहम्मद ने अच्छा बंदोबस्त कर लिया था, यानी यूरोपी ताकतों से मुआहदे करके कॉन्स्टेंटिनोपल के मददगारों को बेअसर कर दिया था। लेकिन कॉन्स्टेंटिनोपल की फौज उसकी मजबूत दीवारों और खतरनाक समंदरी इलाकों से निपटने के लिए सुल्तान के पास आखिर क्या तैयारी थी? तो सबसे पहली बात तो ये है कि सुल्तान मोहम्मद के पास कॉन्स्टेंटाइन के एक एक सिपाही के मुकाबले में 20-20 सिपाही मौजूद थे। कॉन्स्टेंटिनोपल की ऊंची और जमाने भर में मशहूर दीवारें तोड़ने के लिए उनके पास तोपें थी,
जो दीवारों के साथ उन पर बैठे मुहाफिजों के भी परखच्चे उड़ा सकती थी। इसके अलावा 180 समंदरी जहाजों का बेड़ा भी शहर की समंदरी नाकाबंदी के लिए काफी था। दोस्तों इसके अलावा एक और रास्ता जो अपनाए बॉस्फोरस के नाम से जाना जाता था, ये एक समंदरी रास्ता था और 1451-52 में ये रास्ता बैरूनी दुनिया से कंस्टेंटिनोपल तक जाने का एक लौता रास्ता था। ब्लैक सी से जिनेवा और वीनस के बहरी जहाज गंदुम और दूसरा सामान लेकर इसी रास्ते से कंस्टेंटिनोपल पहुंचते थे। 1452 में सुल्तान मोहम्मद ने अपनाए बॉस्फोरस के यूरोपी किनारे पर इसी जगह शहर से 6 मील दूर एक किले की तामीर शुरू कर दी। इस किले का नाम रोमेली हिसार रखा गया और आज इसे रोमेलियन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। नौजवान और पुरजोश सुल्तान मोहम्मद ने खुद मजदूरों के साथ मेहनत करके सिर्फ 4.5 महीनों में ये किला खड़ा कर दिया था और ये किला आज भी इसी जगह पर मौजूद है। इस किले में तोपे लगाकर कुछ 400 सिपाही तैनात कर दिए गए। इस किले के ऐन सामने बॉस्फोरस के एशियाई किनारे पर एक और किला अनादोलो हिसार सुल्तान के परदादा बायजीद अव्वल ने पहले ही बना रखा था और ये किला भी आज तक मौजूद है। और ठीक इसी तरह इस किले में भी तोपे और फौज लगा दी गई। अब दोनों किलों के दरमियान सिर्फ 0.5 मील चौड़े समंदर से कोई समंदरी जहाज तो क्या एक छोटी सी कश्ती भी बगैर उस्मानी तुर्कों की इजाजत के नहीं गुजर सकती थी। और इसी रुमेली हिसार किले में से ही हंगेरियन इंजीनियर की तोप ने वीनस के एक समंदरी जहाज को भी डुबो दिया था, जिसके बारे में हम आपको पिछले एपिसोड में बता चुके हैं। और इसी 0.5 मील चौड़े समंदर से गुजरने की कोशिश में वीनस के 2 और समंदरी जहाज भी पकड़े जा चुके थे। इसका मतलब है कि ये रास्ता कंस्टेंटिनोपल की किसी भी किस्म की मदद के लिए बंद हो चुका था। और जबकि दूसरी तरफ सी ऑफ मार्मरा में पहले ही से उस्मानी समंदरी जहाजों का बेड़ा पहरा दे रहा था, यानी ये रास्ता भी बंद ही हो चुका था। तो क्या अब होने वाली जंग फिर से एक तरफा होने जा रही थी? दोस्तों आपको हैरत होगी क्योंकि इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये जंग एक तरफा जंग नहीं थी। सुल्तान मोहम्मद के पास सब कुछ था, लेकिन एक चीज जो कंस्टेंटिनोपल के शहंशाह के पास थी वो सुल्तान के पास नहीं थी, और यही चीज कॉन्स्टेंटाइन 11 को सबसे ज्यादा भरोसा भी दे रही थी। दोस्तों वो चीज थी वक्त। बात ये थी कि सर्दी हो या गर्मी, दोनों ही मौसमों में कंस्टेंटिनोपल शहर के बाहर कोई भी फौज ज्यादा दिनों तक नहीं ठहर सकती थी, इसलिए हमला करने के लिए बेहतरीन मौसम मौसम बहार था, यानी मार्च महीने से लेकर अप्रैल तक का ही वक्त था। और इसके बाद भी कोई ताकतवर फौज ही सिर्फ और सिर्फ 1 महीने तक और यानी मई महीने तक जंगी मुआसरा बरकरार रख सकती थी। उसके बाद सख्त गर्मी, प्यास और बीमारियां उस फौज का मुकद्दर बन जाया करती थी और फिर उस फौज को जंगी मुआसरा खत्म करना पड़ता था। इसका मतलब ये था कि अगर कॉन्स्टेंटाइन सिर्फ 3 महीनों तक उस्मानी तुर्कों की फौज को शहर के बाहर रोके रखे तो समझो कि वो जंग जीत चुका था। और कंस्टेंटिनोपल के हिफाजती इकदाम इस लेवल के थे कि 3 माह तक किसी भी फौज को किले के बाहर रोका जा सके, जबकि सुल्तान मोहम्मद के पास इन 3 महीनों से ज्यादा 1 दिन भी नहीं था, क्योंकि जितनी बड़ी वो फौज लेकर आए थे उनके खाने पीने और दूसरी जरूरियातों की वजह से ऐसे मसाइल पैदा होने थे जिन्हें झेलना तो किसी छोटी फौज ही के लिए नामुमकिन था। और ये तो थी 2 लाख की फौज, और वो भी ऐसी फौज जो मुख्तलिफ कबीलों से जमा की हुई और मुख्तलिफ सरदारों के अंडर काम कर चुकी थी, क्योंकि उस दौर की कोई भी फौज आज की तरह मुनज्जम फौज नहीं होती थी, बल्कि उस दौर की फौज में बहुत से कबीलों, कौमों और खित्तों के सिपाही भी शामिल होते थे जो सबसे पहले अपने इलाके के सरदार के वफादार होते थे, और ये सरदार भी अपने इलाकों से लोगों को ये लालच देके लाए होते थे कि जंग जीतने के बाद ज्यादा से ज्यादा माले गनीमत और गुलाम मर्द और औरतें उनके हाथ आएंगी। ऐसा अगर ना हो पाता और जंग या मुआसरा तवील यानी कठिन हो जाता तो ये सारे सरदार वापसी का रास्ता लेने में देर नहीं लगाते थे। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जब सुल्तान मोहम्मद एड्रिन शहर से निकले तो ये 23 मार्च 1453 की तारीख और जुमे का दिन था। सुल्तान ने खास तौर पर जुमे के दिन को मुबारक समझते हुए इसी दिन कॉन्स्टेंटिनोपल फतेह करने के लिए निकलने का फैसला किया था। अपना लश्कर लेकर वो जुमे के दिन एड्रिन शहर से निकले। सुल्तान घोड़े पर सवार होकर इस अंदाज से आगे बढ़ रहे थे कि उनके दोनों तरफ घोड़सवार सैयदजादे थे
उनके साथ उल्मा और शेखूफ की बड़ी तादाद भी थी। ये सब लोग बुलंद आवाज से कामयाबी के लिए दुआ मांग रहे थे, मगर उस दौर की दूसरी फौजों की तरह ये फौज रास्ते में आने वाले देहाती इलाके और छोटे छोटे शहरों को नुकसान तक नहीं पहुंचा रही थी। फौज के सबसे आखिर में तोपें खींच के लाई जा रही थी और सिर्फ सुपर गन तोप को ही 60 बैल और 200 ताकतवर लोग खींच रहे थे। यही नहीं बल्कि उस्मानी फौज के कुछ दस्ते लश्कर के आगे बढ़ने के रास्तों को भी बेहतर बनाते जा रहे थे। फौज के इंजीनियर्स की बहुत सारी टुकड़िया सुल्तान मोहम्मद के एड्रिन से निकलने के पहले ही कॉन्स्टेंटिनोपल की तरफ बढ़ चुकी थी। इंजीनियर्स की टुकड़िया आने वाली फौज के गुजरने के रास्ते की मरम्मत करती जा रही थी। तोपे गुजारने के ऊंचे नीचे और खुबड़ खाबड़ रास्ते और खराब पथरीले रास्तों को सही करके एकदम बराबर किया जा रहा था। जहाँ पर रास्ते ज्यादा खराब थे वहाँ पर पत्थर बिछाकर पुख्ता और कच्ची सड़कें बना दी गई थी। इस फौज के साथ सिर्फ सिपाही ही नहीं बल्कि हर जरूरी काम के लिए लोग मौजूद थे, जिनमें बाबरची, लोहार, कारपेंटर, लकड़हारे, दर्जी, घोड़े तैयार करने वाले, यहाँ तक कि सामान उठाने वाले मजदूरों के साथ साथ कुल मिलाकर सभी शामिल थे। दूसरी तरफ कंस्टेंटिनोपल में भी यह खबर फैल चुकी थी कि उस्मानी सुल्तान मोहम्मद दोयम 2 लाख की फौज लेकर कंस्टेंटिनोपल फतेह करने के लिए निकल चुके है। और ठीक उसी दौर में ईसाइयों का मजहबी त्यौहार ईस्टर भी शुरू होने वाला था। यूरोप से मदद मिलने की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। यहाँ तक कि अब तो कॉन्स्टेंटिनोपल शहर की ऑर्थोडॉक्स ईसाई फिरकों की आबादी एक बार फिर से कैथोलिक ईसाई चर्चों के खिलाफ हो चुकी थी। देखते ही देखते 1 अप्रैल यानी ईस्टर संडे का दिन भी आ चुका था। कॉन्स्टेंटिनोपल के सारे चर्च इबादत गुजारों से खचाखच भर चुके थे। इन चर्चों में उस्मानी फौज के हमले को नाकाम बनाने की दुआएं मांगी जा रही थी और जोर जोर से घंटियां भी बजाई जा रही थी। डरे हुए ईसाई घंटियों को इतनी जोर से और इस तरह से बजा रहे थे कि लगता था कि वो कोई घंटियां नहीं बल्कि किसी परमाणु बम के रिमोट का बटन हो, जिसे जोर जोर से दबाने पर एक परमाणु बम जल उठेगा और सीधे सुल्तान मोहम्मद दोयम की फौज पर जा गिरेगा। लेकिन ये लोग चाहे जितनी जोर से घंटियां बजा ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि ईसाइयों की हार, उस्मानियों की जीत और कॉन्स्टेंटिनोपल पर मुस्लिम सल्तनत का परचम लहराना, ये सब सुल्तान मोहम्मद की किस्मत में लिखा जा चुका था। और इस पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई पेशन गोई सोने की मोहर की शक्ल में लग भी चुकी थी। ये पेशन गोई यानी भविष्यवाणी हमारे नबी ने आज से 1400 साल पहले और कॉन्स्टेंटिनोपल फतेह होने से तकरीबन 700 साल पहले की थी। हमारे नबी ने फरमाया था किलतफ तहुन्नल कंस्टेंटिनोपल, जिसका मतलब होता है तुम जरूर बा जरूर कंस्टेंटिनोपल फतेह करोगे। यानी आज जो इस्लाम मक्का मदीना के इस छोटे से खित्ते तक फैला हुआ है, कल इसी इस्लाम के मानने वालों का कॉन्स्टेंटिनोपल पर राज होगा। फलनेमल अमीरु अमीरुहा वलनेमल जैसु जैसुहा, जिसका मतलब होता है कि क्या बेहतरीन अमीर होगा जो कंस्टेंटिनोपल फतेह करेगा और क्या खूबसूरत लश्कर होगा जो कंस्टेंटिनोपल की दीवारों को हिला देगा। अल्लाह उन सब की मगफिरत कर देगा, यानी वो लोग जन्नतियों में से होंगे। ये पेशन गोई इस बात की दलील है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सच्चे नबी है। पूरे कॉन्स्टेंटिनोपल में ईस्टर संडे के दिन चर्चों में घंटियां तो बजाई जा रही थी और दुआएं भी मांगी जा रही थी, लेकिन शहर के सबसे बड़े और पुराने चर्च हाया सोफिया में ना कोई दुआ मांगने वाला था और ना ही कोई शमा जलाने वाला, क्योंकि कैथोलिक पोप कॉन्स्टेंटिनोपल की मदद के लिए सलीबी फौज नहीं भेज सका था। इसलिए शहर की ऑर्थोडॉक्स आबादी ने भी ईस्टर संडे के मुकद्दस त्यौहार पर हाया सोफिया चर्च का बॉयकॉट कर दिया। 2 अप्रैल के दिन बड़ी तादाद में उस्मानी फौज शहर के ऐन सामने पहुंचना शुरू हो गई और शहर के तमाम दरवाजे आखिरी बार पूरी तरह से सील यानी बंद कर दिए गए। कॉन्स्टेंटिनोपल के मरकजी और सबसे बड़े दरवाजे को तो बहुत पहले ही उखाड़ कर उसकी जगह पत्थर और ईंटें चुनवा कर मजबूत दीवार की शक्ल में डाल दिया गया था। यहाँ तक कि मगरबी यानी पूरबी दीवार वाली खंदक पर बने तमाम पुल भी गिरा दिए गए ताकि उस्मानी फौज इस खंदक को पार ही न कर सके। सुल्तान 30 मार्च को
को जुमे के दिन अपने मकसद के लिए निकले थे और 6 अप्रैल को जुमे के ही दिन शाम के वक्त शहर के सामने पहुंच गए। सुल्तान मोहम्मद दोयम माल्टेपे की उसी पहाड़ी पर खड़े होकर कॉन्स्टेंटिनोपल शहर को देख रहे थे जिस पहाड़ी पर कभी उनके बाबा खड़े हुए थे। ये पहाड़ी दुश्मन के तीरों और गोलों की पहुंच से बहुत दूर थी, लेकिन हाया सोफिया चर्च के बुलंद और ऊंचे खड़े मीनार यहाँ से भी साफ साफ दिखाई दे रहे थे। उस्मानी तुर्क सिपाही आपस में गुफ्तगू और शिमागोया कर रहे थे कि इस चर्च के तहखानों में बहुत बड़ा खजाना है जो उनके हाथ आने वाला है, लेकिन सुल्तान उनकी बातों से बेपरवाह होकर दुश्मन के दिफाई और हिफाजती स्ट्रक्चर का बड़े गौर से जायजा ले रहे थे। उसके बाद सुल्तान ने शहर की मगरबी दीवार के सामने अपना सुर्ख और सुनहरी खेमा नस्ब करवाया। ठीक इसी जगह उनके वालिद ने तकरीबन 32 बरस पहले अपना खेमा नस्ब करवाया था और इसी पहाड़ी के सामने रोमनोस गेट के पास वो दीवार थी जिस पर सुल्तान मुराद दोयम की तोपों ने गोले बरसाए थे, जिससे ये दीवार थोड़ी सी हद तक टूट चुकी थी। और कॉन्स्टेंटिनोपल अपनी गरीबी और सल्तनत में खजाने की कमी की वजह से इस दीवार की मरम्मत का काम भी नहीं करवा पाया था, लेकिन यह सिर्फ एक अंदरूनी दीवार ही थी जबकि बाहर वाली दो दीवारें अभी भी सही सलामत थी। सुल्तान की तोपें अगर ये बाहर वाली दीवार भी तोड़ देती तो उसके बाद उस्मानी फौज और कॉन्स्टेंटिनोपल शहर की राह में कोई रुकावट नहीं थी। यही सोचकर सुल्तान मोहम्मद दोयम ने उसी पहाड़ी पर अपना खेमा लगवाया था ताकि वो अपनी निगरानी में ये अहम तरीन मुहिम सरंजाम दे सके और इसी जगह यानी फौज के पड़ाव के बीच में उनके बेहतरीन सिपाही यानीचरी या जेनिसरीज, तीरंदाज, हमला करने वाले घुड़सवार दस्ते मौजूद थे जिन्होंने माल्टेपे की पहाड़ी को घेर रखा था। सुल्तान के खेमे के इर्द गिर्द खंदक खोदकर बाड़ बना दी गई थी और ढालों की मदद से अलग आड़ भी बना दी गई थी। कॉन्स्टेंटिनोपल शहर की दीवार तोड़ने के लिए सुल्तान के खेमे के सामने ही सुपरगन तोप को रखी जानी थी, लेकिन वो तोप अभी तक पहुंची ही नहीं थी क्योंकि ये तोप इतनी वजनदार थी कि इसे खींचकर लाने वाले सिपाही बाकी उस्मानी फौज से पीछे रह गए थे। बल्कि बाकी तोपों में से भी चंद हल्की वजन की तोपें ही उस्मानी फौज के साथ पहुँच पाई थी। इन सब के अलावा भी अनातोलिया से आने वाली तुर्क कबीलों की फौज सुल्तान के दाएं हाथ की तरफ और यूरोप से आई बाजगुजार रियासतों की फौज को सुल्तान के बाएं हाथ की तरफ तैनात कर दिया गया था। अब सुर्ख यानी लाल से अब सुल्तान मोहम्मद दोयम के सामने था। इस सेब को हासिल करने के लिए सुल्तान तो पूरे एतमाद और बेकरार थे ही, साथ ही साथ उनकी फौज भी बेचैन थी। लेकिन ऐसे में ही एक अनहोनी हो गई, वो ये कि वेनिस का एक दरियाई जहाज एक ऐसी खबर लाया जिससे उस्मानी फौज में भगदड़ मच गई। ये आखिर ऐसी तो क्या खबर थी? और कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारें अगर सुपरगन तोप से भी ना टूट पाई तो फिर आखिर किसने इन दीवारों को तोड़ा? एक दुश्मन ने उस्मानी तुर्कों को कॉन्स्टेंटिनोपल फतेह करने का एक ऐसा नुस्खा बताया जो कारगर साबित हुआ। ये नुस्खा आखिर क्या था और कॉन्स्टेंटिनोपल की मुकम्मल फतेह की दास्तान भी आपको सुनाएंगे, लेकिन सल्तनत उस्मानिया के 7वें एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान में रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया पे बनाया गया ये 7वां एपिसोड है, इसे पूरा ज़रूर देखें। तो अब उस्मानी सुल्तान अपनी 2,00,000 की फौज, बहुत सारी छोटी मगर ताकतवर तोपें, एक बहुत बड़ी और भयानक तोप सुपर गन और तकरीबन 180 समंदरी जंगी जहाज़ों से पूरे कॉन्स्टेंटिनोपल को घेर चुके थे। दोस्तों, उर्दू से मिलती जुलती एक तुर्की कहावत है कि जिस जगह पर सुर्ख यानी लाल सेब होगा वहाँ पत्थर तो जरूर आएंगे उस सेब को नीचे गिराने के लिए। लेकिन यूरोप के रोमियों ने कभी ये सोचा तक ना होगा और इस बात का ख्याल तक ना किया होगा कि कंस्टेंटिनोपल के सुर्ख सेब को गिराने के लिए आने वाले पत्थर 600-600 किलोग्राम के होंगे, ग्रेनाइट से बने होंगे और कंस्टेंटिनोपल शहर की दीवारें फाड़ के रख देंगे। सन 1453 में उस्मानी फौज कॉन्स्टेंटिनोपल पर ऐसे ही पत्थर बरसा रही थी ताकि वो सुर्ख सेब उनकी चोली में आ गिरे, मगर फिर अचानक ही सब कुछ पलट गया। यहाँ तक कि उस्मानी तुर्कों की सबसे बड़ी तोप सुपरगन टूट गई। इटली से आने वाले एक जहाज ने उस्मानियों के छक्के छुड़ा दिए और अफरा तफरी में उन्होंने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसने उन्हें तबाही के दरवाजे पे लाकर खड़ा कर दिया। आखिर ऐसा तो क्या हो गया था और इतनी बड़ी सुपरगन तोप कैसे टूट गई और इसके टूटने के बाद उस्मानियों ने कॉन्स्टेंटिनोपल को कैसे फतह किया,
यही पूरी दास्तान आज हम आपको सुनाएंगे इस 7वें एपिसोड में। दोस्तों, कंस्तांतिनिया की 4 मील लंबी हिफाजती दीवार के 3 हिस्से थे। सुल्तान ने अपनी फौज को भी दीवार के सामने इसी तरतीब से खड़ी कर दी। इन 3 हिस्सों में से सबसे अहम दीवार का दरमियानी यानी बीच वाला हिस्सा था, जिसे लाइक्स वैली कहा जाता था, और असल में यही वो हिस्सा था जिसकी दीवार सबसे कमजोर थी। इसके दोनों तरफ एक एक यानी कुल 2 बड़े दरवाजे थे। सुल्तान के हाथ के दाएं तरफ जो दरवाजा था वो सेंट रोमनोस गेट कहलाता था, जबकि बाएं हाथ वाला गेट हैड्रियानो पोल के नाम से जाना जाता था। इस बीच वाली दीवार लाइक्स वैली के ठीक सामने सुल्तान ने अपनी निगरानी में 50,000 सिपाही तैनात किए थे, जिनमें 12,000 जेनिसरीज भी शामिल थे। सुल्तान के दाएं हाथ की तरफ यानी सेंट रोमनोस गेट के सामने से लेकर सी ऑफ मारमारा के समंदर तक और 50,000 सिपाही भी तैनात किए गए थे। ये अनातोलिया से पैदल आई हुई मुसलमान तुर्कों की फौज थी। ये तरबियत याफ्ता, बेहतरीन हथियारों और जंग के लिए जरूरी हर सामान से लैस सिपाही थे, जबकि सुल्तान के बाएं हाथ यानी हैड्रियानो पोल गेट से लेकर गोल्डन हॉर्न तक लगभग 1,00,000 की फौज मौजूद थी। ये इंतहाई गैर मुनज्जम यानी बिखरी हुई फौज और कम तरबियत याफ्ता सिपाही थे, जिन्हें बाशी बजोक्स कहा जाता था। इनमें यूरोप से आई हुई ईसाई फौज भी शामिल थी। उस्मानी फौज के बिल्कुल आगे और कंस्तांतिनिया शहर की हिफाजती दीवार से तकरीबन 250 गज के फासले पर तुर्क इंजीनियर्स ने एक ऐसी खंदक खोद रखी थी जो खंदक पूरी हिफाजती दीवार की लंबाई के बराबर थी, यानी 4 मील लंबी थी। इस खंदक के पीछे एक छोटी सी दीवार बना दी गई थी, जिस दीवार के पीछे गड्ढे खोद कर उनमें तोपे फिट कर दी गई थी, और सबसे बड़ी सुपरगन तोप को सुल्तान के खेमे के बिल्कुल सामने ही नस्ब किया गया था, जहां से वो कंस्तांतिनिया की दीवार के सबसे कमजोर हिस्से को बहुत आसानी से निशाना बना सकते थे। उस्मानी फौज के मुकाबले में कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी तकरीबन पूरी ही फौज यानी 9,000 सिपाही 4 मील लंबी मगरबी यानी पूरबी दीवार पर फैला दिए थे। सुल्तान मोहम्मद की 69 या 70 तोपों के मुकाबले कॉन्स्टेंटाइन के पास सिर्फ 15 तोपे ही थी। एक और चुनौती ये थी कि कंस्तांतिनिया की दीवारें कमजोर हो चुकी थी। इन दीवारों पर रखकर अगर तोपे चलाई जाती तो तोपों के झटकों से दीवारें टूट भी सकती थी, तो इसी वजह से कंस्तांतिनिया की दीवार पर सिर्फ दिखावे के लिए तोपे फिट कर दी गई, जबकि सी ऑफ मारमारा वाली 5 मील लंबी दीवार पर जो समंदर के बिल्कुल करीब और साथ साथ थी और जहां से हमले का ज्यादा खतरा भी नहीं था, वहां पर कुछ कुछ फासले पर निगरानी के लिए चंद सिपाही और कुछ तोपे नस्ब की गई थी। अब बाकी बची शहर की आखिरी और तीसरी तरफ गोल्डन हॉर्न वाली दीवार। ये इलाका जंजीर की वजह से पहले ही महफूज बनाया जा चुका था, इसीलिए वहां पर कोई भी फौज तैनात नहीं की गई। ये तो थी दोनों तरफ की जमीनी फौज की पोजीशन। अब जरा दोनों फौज की समंदरी पोजीशन भी जान लीजिए। तो सुल्तान मोहम्मद के 180 या बाज रिवायतों के हिसाब से 140 समंदरी जहाज सी ऑफ मारमारा से अपनाए बास्फोरस के इलाके तक पूरे हिस्से को घेरे हुए थे। पिछले एपिसोड में आप जान चुके हैं कि जंजीर लगे होने की वजह से उस्मानी फौज गोल्डन हॉर्न के इलाके में दाखिल नहीं हो सकती थी, जबकि दूसरी तरफ कॉन्स्टेंटिनोपल का पूरा समंदरी जंगी जहाजों का बेड़ा, जिसमें कुल मिलाकर सिर्फ 20 से 30 जहाज ही मौजूद थे, ये समंदरी बेड़ा जंजीर के पीछे गोल्डन हॉर्न के बंदरगाह में महफूज खड़ा था। लेकिन अब इस समंदरी बेड़े समेत सबके इम्तिहान का वक्त आ चुका था, क्योंकि 7 अप्रैल को कील कांटे से लैस उस्मानी फौज शहर को चारों तरफ से घेर चुकी थी। छोटी छोटी चंद झड़पें भी हो चुकी थी, लेकिन ये सिर्फ जंगी प्रैक्टिस ही थी। 12 अप्रैल की रात को सुल्तान मोहम्मद सुपरगन तोप के पास आए और उसके सिर्फ कुछ ही लम्हों के बाद तोप के पहले गोले की जर्ब से कंस्तांतिनिया की दीवारें थर्रा उठी। तोपों के साथ उस्मानी तुर्कों की मंचने के भी दीवार के पार शहर में पत्थर फेंक रही थी। इसमें से कई पत्थर शाही महल पर भी गिरे। कंस्तांतिनिया पर रोजाना 120 गोले छोड़े जा रहे थे। 100 से 600 किलोग्राम के गोले जब शहर के अंदर गिरते तो मीलों दूर तक जमीन लरज उठती थी। अब इसके जवाब में कंस्तांतिनिया की दीवार के मुहाफिजों ने भी अपनी तोपे चलाने का फैसला किया, लेकिन हुआ यह कि उनकी सबसे बड़ी तोप फायर करते ही फट गई। इसकी वजह ये थी कि तोपे चलाने के लिए अच्छे माहिरीन और जितना जरूरत था उतना बारूद मौजूद ही नहीं था।
बहरहाल रोमियो को दीवार की हिफाजत तो किसी भी सूरत करनी ही थी, तो उन्होंने चाक और ईंटों का पाउडर मिक्स करके एक बुरादा तैयार किया, जिसे दीवारों के टूटे हुए हिस्सों पर उंडेल दिया जाता ताकि दीवारों में मजबूती और ज्यादा पैदा हो सके। इसके अलावा शहर में रहने वाले लोगों ने अपने लिहाफों, चटाइयों से रुई और चमड़ा निकाल कर इन्हें लकड़ी की लंबी लंबी शीटों पर बांध दिया और इन शीटों को दीवारों के आगे लटकाना शुरू कर दिया ताकि दीवारें गोलों का दबाव बर्दाश्त कर सके। लेकिन जदीद और भारी भरकम तोपों के आगे कोई ऐसा टोटका, कोई ऐसी तकरीब काम नहीं आ रही थी। सिर्फ हफ्ते की बमबारी से ही बाहरी दीवार का बड़ा हिस्सा गिर गया था। लेकिन यहाँ उस्मानियों के लिए एक मसला पैदा हो गया, वो ये कि उस्मानियों की सुपर गन तोप गोला फायर करने के बाद तेजी से ठंडी होने लगती थी, जिस वजह से उसकी नाल टूटने लगती थी। इसे तेजी से ठंडा होने से बचाने के लिए इस पर गर्म तेल डालना पड़ता था, और इसी मसले की वजह से सुपर गन तोप दिन में सिर्फ 7 बार फायर होके गोला फेंक सकती थी। दूसरी तोपों के साथ भी ऐसे ही कुछ मसाइल थे जिनकी वजह से फायरिंग को बार बार रोकनी पड़ती थी। लेकिन उस्मानियों की ये कमजोरी कंस्तनतुनिया वालों के लिए एक बहुत बड़ी नेमत थी, क्योंकि इसी दौरान हजारों रोमी मिलजुल कर टूटी हुई दीवारों की मरम्मत कर लेते थे, और इसी दौरान उन्होंने सेंट रोमनोस गेट के पास टूटी हुई दीवार की इस तरह से मरम्मत कर ली कि अब वहाँ पत्थरों, ईंटों और झाड़ियों की एक बाड़ बन गई थी। बाकी बची कमजोर जगहों पर भी रेत, मिट्टी और पत्थरों से दीवार की मरम्मत भी कर दी गई थी। तो 18 अप्रैल को उस्मानी तुर्कों ने एक ऐसी ही कमजोर जगह से कंस्तनतुनिया शहर में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन बारिश हो जाने की वजह से यहाँ की मिट्टी पर फिसलन बहुत ही ज्यादा थी, जिसकी वजह से उस्मानी फौज ऊपर ना चढ़ सकी, और वैसे भी रोमी फौज ऊपर से तीरों, पत्थरों और गोलियों की बारिश कर रही थी। सो इसी वजह से उस्मानियों को पीछे हटना पड़ा। लेकिन शहर में दाखिल होने की इस नाकाम कोशिश में 200 उस्मानी सिपाही भी जान से हाथ धो बैठे, मतलब कि शहीद हो गए। जहां पर शहर में दाखिल होने और गेट खोलने की एक कोशिश नाकाम रही, वहीं उस्मानी फौज के साथ एक और नाकाबिले यकीन हादसा हो गया, जिससे पूरी उस्मानी फौज के हौसले तकरीबन टूट ही चुके थे। वो ये कि अभी जंग के इब्तदाई यानी शुरुआती दिन ही थे कि सुल्तान मोहम्मद और उनकी फौज की उम्मीदों का सबसे बड़ा हथियार और उनकी सबसे बड़ी तोप सुपर गन फायर करते हुए एक धमाके के साथ फट गई। सिर्फ तोप ही नहीं फटी, बल्कि इसे चलाने वाले इर्द गिर्द खड़े माहिर तोप साज और सिपाही भी मारे गए। इन मारे जाने वालों में एक खास शख्सियत भी थी, और वो शख्सियत थी हंगेरियन तोप इंजीनियर। जी हाँ दोस्तों, ये उस्मानियों के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान था, यहाँ तक कि नाकाबिले तलाफी नुकसान था। लेकिन अब उस्मानियों के पास नई सुपर गन तोप बनाने का वक्त बहरहाल नहीं था, चुनांचे एक देसी हल निकाला गया। वो ये कि तोप की टूटी हुई नाल को जोड़कर उस पर लोहे के बड़े बड़े रिंग्स चढ़ा दिए गए। हैरत अंगेज बात तो ये है कि ये जुगाड़ आरजी तौर पर काम कर गया, और सुपर गन तोप ने फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन कुछ वक्त फायर करने के बाद ये तोप फिर टूट गई। सुल्तान मोहम्मद को बहुत गुस्सा आया, लेकिन जाहिर है कि उनका गुस्सा तोप की टूटी हुई नाल को जोड़ तो नहीं सकता था, इसलिए उनका गुस्सा करना बेकार था। सुल्तान को अकल ही लड़ानी थी, सो वो और उनके फौजी साथी अकल लड़ाते रहे और किसी न किसी तरह सुपर गन तोप को कुछ देर के लिए फायर करने के काबिल बनाते रहे। लेकिन मुसीबतों को यहाँ पर ही बस नहीं करना था, क्योंकि अभी तो उस्मानियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका आना बाकी था। पिछले एपिसोड में हम आपको दिखा चुके हैं कि सुल्तान ने यूरोपीय ताकतों जैसे हंगेरी और वीनस के साथ साथ कई यूरोपियन ममालिकों से सुलह कर ली थी या मुआहिदे कर लिए थे। लेकिन जब सुल्तान मोहम्मद इन यूरोपियन ताकतों से बेफिक्र होकर कंस्तनतुनिया का मुहासरा कर चुके थे, उसी दौरान अचानक एक यूरोपियन सल्तनत हंगेरी ने उस्मानियों से अमन का मुआहिदा तोड़ दिया, यानी अब वो गैर जानिबदार नहीं रहे थे, बल्कि कंस्तनतुनिया की मदद के लिए फौज लेकर आ सकते थे। और दोस्तों, हंगेरी उस वक्त की ताकतवर सल्तनतों में से एक था। दूसरी तरफ करीब के खित्ते जिनीवा ने भी अपने शहरियों को कंस्तनतुनिया की मदद का हुक्म दे दिया। होने वाले इन वाकियात ने उस्मानी तुर्कों पर दबाव बढ़ा दिया कि वो कंस्तनतुनिया शहर को जल्द से जल्द फतेह करे या फिर वापस लौट जाए और अपनी सल्तनत की हिफाजत करे। लेकिन यहाँ पर उस्मानियों को कुदरत ने एक ऐसा मौका दिया, और हैरतअंगेज तौर पर उस्मानियों को इसी दौरान
एक दुश्मन से एक बहुत बड़ी मदद मिल गई। वो ये कि हंगेरी का वो सफीर जो सल्तनत उस्मानिया से अमन मुआहदे के खात्मे का पैगाम लेकर आया था, वो अनजाने में तुर्कों को एक बहुत बड़ी और काम की बात बता गया। उसने तुर्कों को तोप से फायर करते देखा तो तुर्कों की नातजुर्बाकारी पर हंसने लगा। फिर उसने खुद ही तुर्कों को ये बताया कि तुम एक दीवार पर एक ही जगह को निशाना बनाकर गलती कर रहे हो। दीवार तोड़ने का सही फॉर्मूला ये है कि दीवार पर तीन जगह त्रिकोण के आकार में निशाना लगाया जाए। अब हंसी मजाक में एक जबरदस्त फॉर्मूला तुर्कों के हाथ लग चुका था। उन्होंने इसी फॉर्मूले के हिसाब से काम किया और दीवार को गिराने का काम पहले से बेहतर और तेज हो गया। लेकिन इसी के दूसरी तरफ कंस्टेंटिनोपल के लिए भी समंदरों से मदद आ चुकी थी। जमीनी जंग के साथ साथ समंदरी जंग का माहौल भी भरपूर गर्म हो चुका था और तुर्क समंदरी बेड़े ने 18 अप्रैल को अपने एडमिरल सलमान बाल्टोग्लू की कयादत में गोल्डन हॉर्न पर पहला हमला किया। उस्मानी तुर्कों ने जंजीर की हिफाजत के लिए खड़े दुश्मन जहाजों पर पहले गोलाबारी की और फिर उन जहाजों पर चढ़कर कब्जा करने की कोशिश की। लेकिन कंस्टेंटिनोपल के जहाज बहुत बड़े थे, इसी वजह से छोटे गोलों का कोई असर नहीं हो पाया। इनके मुहाफिजों ने अपने बुलंद जहाजों से तीरों की बारिश करके उस्मानी तुर्कों को पीछे की तरफ धकेल दिया। इसके ठीक दो दिन बाद 20 अप्रैल को सुबह के वक्त उस्मानी समंदरी बेड़े का दूसरी चुनौती से वास्ता पड़ा, जब सी ऑफ मार्मरा में जिनीवा के तीन समंदरी जंगी जहाज उनके मुकाबले पर आकर खड़े हो गए। इन जहाजों को पोप निकोलस 5 ने भेजा था। इन जहाजों में कंस्टेंटिनोपल के लिए सिपाही, हथियार और खुराक भेजे गए थे। इनके साथ कंस्टेंटिनोपल के एक तिजारती समंदरी जहाज भी था। सुल्तान उस वक्त समंदर से 2 मील दूर अपने खेमे में बैठे थे। जब उन्हें इन तीन जहाजों के आने की खबर मिली तो वो फौरन घोड़े पर सवार होकर दरिया के किनारे पर पहुंच गए। अब सुल्तान ने अपने समंदरी बेड़े के कमांडर को सख्त तरीन पैगाम भेजा। वो पैगाम ये था कि तुम इन जहाजों को पकड़कर मेरे पास ले आओ या फिर जिंदा लौटकर वापस मेरे पास मत आना। सुल्तान इतने पुरजोश और बेचैन थे कि वो अपना घोड़ा बार बार दरिया के पानी में उतार रहे थे। वो बुलंद आवाज में पुकार पुकार कर अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ा रहे थे। लेकिन उस्मानियों को एक बार फिर वही नाकामयाबी देखनी पड़ी कि दुश्मन के जहाज उस्मानियों के जहाजों से साइज में बहुत ज्यादा बड़े थे। इन बड़े बड़े जहाजों पर गोलाबारी और तीरों का कोई असर नहीं हो पा रहा था। 3 घंटे की लड़ाई और भारी जानी नुकसान उठाकर उस्मानी समंदरी बेड़ा पीछे हटने पर मजबूर हो गया। इसके बाद कंस्टेंटिनोपल वालों ने जंजीर हटाकर मदद के लिए आए चारों जहाज गोल्डन हॉर्न में दाखिल कर लिए और जंजीर को फिर से बराबर कर दिया और फिर से रास्ते को बंद कर दिया गया। पिछले एपिसोड में आप जान चुके हैं कि कंस्टेंटिनोपल के पास सबसे बड़ा हथियार वक्त ही तो था, तो इस मदद के आ जाने से कंस्टेंटिनोपल को अपनी हिफाजत के लिए कुछ वक्त और मिल गया था। अब वो इस जंगी मुआसरे को और देर तक बर्दाश्त कर सकते थे, तो जाहिर है कि उस्मानियों के सुल्तान मोहम्मद का गुस्से में आ जाना बिल्कुल जायज था और वो गुस्से में आ भी गए। वो अपने 10,000 सिपाहियों के साथ अपने समंदरी बेड़े के हेडक्वार्टर पर पहुंचे और उन्होंने एडमिरल सलमान बाल्टोग्लू को 100 कोड़े लगवाए, उसकी सारी जायदाद जब्त करने का हुक्म दिया और उसे अपनी ड्यूटी से बरतरफ करते हुए हमजा बे को नया एडमिरल बना दिया। उस्मानी फौज को अब अगर फतेह हासिल करनी हो तो अपने जहाजों को हर सूरत गोल्डन हॉर्न में पहुंचाना ही था। सुल्तान मोहम्मद ने समंदरी जंगी तारीख को बहुत बारीकी से पढ़ा था। उन्हें मालूम था कि इतिहास में कई बार समंदरी जहाजों को भी जमीनी रास्तों पर भी खींचना पड़ता है और वैसे भी उनसे सिर्फ 250 साल पहले ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ये कारनामा अंजाम दे चुके थे। वो कश्तियों को दरियाए नील से निकालकर खुश्की पर यानी जमीन के रास्ते खींचते हुए बहराए अहमर में डाल चुके थे, जबकि यूरोपियंस और वाइकिंग्स भी इतिहास में ऐसा कर चुके थे। सुल्तान मोहम्मद ने भी अपने जहाजों को जमीन के रास्ते से होकर गोल्डन हॉर्न में उतारने का फैसला किया। उन्होंने गलाटा से गोल्डन हॉर्न तक लकड़ी के तख्तों की तकरीबन 1.5 मील तक लंबी सड़क बनवाई। इस सड़क के रास्ते में 200 फीट ऊंची पहाड़ी भी आती थी। इसके बाद सड़क पर लकड़ी के पहिए रखकर इन्हें जानवरों की चर्बी से चिकना कर दिया गया। फिर चरखियों की मदद से छोटे समंदरी जहाजों को समंदर से क्रेन की तरह उठवाकर इन पहाड़ियों पर रखवाया गया। सैकड़ों इंसान और घोड़े इन जहाजों को मजबूत रस्सियों की मदद से खींचकर जंजीर के पीछे गलाटा की बस्ती वाले रास्ते से होकर गोल्डन हॉर्न में ले गए।
और इस तरह से उस्मानियों ने अपने समंदरी जहाज गोल्डन हॉर्न में उतार दिए। अब कंस्टेंटिनोपल का एक मजबूत सहारा टूट गया। गोल्डन हॉर्न पार हो जाने से कंस्टेंटिनोपल में कोहराम मच गया। अब शहर वालों को मगरबी दीवार से सैकड़ों सिपाही और तीरंदाज गोल्डन हॉर्न वाली दीवार पर भेजने पड़े। ये बदलाव होने की वजह से मगरबी दीवार का डिफेंस, जो पहले से ही कमजोर था, अब और भी ज्यादा कमजोर हो गया। कंस्टेंटिनोपल के मुहाफिज इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर शहर को बचाना है तो गोल्डन हॉर्न के समंदरी इलाके से कैसे भी करके उस्मानी बेड़े को हटाना होगा। इसीलिए 28 अप्रैल को कंस्टेंटिनोपल के 5 बड़े समंदरी जहाजों और कई छोटी कश्तियों ने उस्मानियों के समंदरी बेड़े पर हमला कर दिया। उन्होंने ग्रीक फायर से उस्मानियों को जलाने की भी कोशिश की, लेकिन रोमियों का ये हमला कामयाब नहीं हुआ, बल्कि उनकी एक हमलावर कश्ती पूरी तरह से तबाह हो गई और दूसरी कश्ती भी बेकार हो गई। उस्मानियों की भी एक कश्ती तबाह हुई, लेकिन बाकी समंदरी बेड़ा महफूज रहा। समंदरी लड़ाई में तेजी आने के साथ जमीनी मुआस पर भी जंग तेज हो गई थी, और 7 मई तक उस्मानियों ने शहर की दीवार पर 2 बड़े हमले भी कर दिए थे, लेकिन फिर भी दीवार पर चढ़ना मुमकिन नहीं हो पा रहा था। उस्मानी तुर्कों ने लकड़ी के बने टावर्स भी इस्तेमाल किए, जिनके जरिए सिपाहियों को दीवार पर उतारे जाने का मंसूबा था, लेकिन ये भी नाकाम रहा, क्योंकि लकड़े की इन कॉलम्स को रोमियों ने ग्रीक फायर से जला दिया था। उस पर एक और नुकसान ये हुआ कि उस्मानी इंजीनियर्स ने बारूदी सुरंगें बचाने के लिए जो खाई और गारे खोद रखी थी, उनमें भी रूमी मुहाफिजों ने पानी छोड़ दिया था, यानी ये भी नाकाम हो चुकी थी। अब उस्मानी फौज एक बार फिर मुश्किल में पड़ चुकी थी, लेकिन यहीं पर बस नहीं हुआ, क्योंकि वीनस से एक जहाज कंस्टेंटिनोपल की तरफ आ रहा था। 23 मई को वीनस का एक जहाज, एक समंदरी जहाज कंस्टेंटिनोपल पहुंचा, जिस जहाज ने जंग का पूरा नक्शा ही बदल के रख दिया। असल में तो ये जहाज कंस्टेंटिनोपल के शहर वालों को ये खबर देने के लिए आया था कि यूरोप से कोई फौज उनकी मदद के लिए नहीं आएगी, लेकिन चूंकि उस्मानी तुर्कों के यूरोपियन ममालिकों से मुआहदे और रिश्ते टूट चुके थे, इसलिए वो तो ये समझ बैठे कि हंगेरी से इसी जहाज में एक फौज आ गई है। उस्मानी फौज में एक और बात मशहूर हो गई कि हंगेरियन जनरल की कमांडरी में एक सलीबी लश्कर जमीनी रास्ते से थ्रेस पहुंच गया है, जिसका निशाना उस्मानी सल्तनत का दारुल हुकूमत एड्रिन शहर बनने वाला है। उस्मानी तुर्कों को यही लगा कि वीनस का ये जहाज दरअसल उसी सलीबी लश्कर का एक हिस्सा है। अपनी सल्तनत पर इतना बड़ा खतरा होने की अफवाह मुहासरा कर रही उस्मानी फौज का चैन चुराने वाली थी। सुल्तान मोहम्मद के लिए फौजें लेकर आने वाले सरदार भी इस अफवाह की वजह से जीत की उम्मीदें छोड़ने लगे थे। ऐसे में सुल्तान ने एक बेहतरीन कमांडर की तरह अपनी फौज को उम्मीद दिलाने का एक तरीका निकाला। उन्होंने वजीरों और कमांडर्स को एक जगह जमा किया और उनके सामने कालीन पर बीच में एक लाल सेब रख दिया। फिर सबसे ये सवाल किया कि तुम में से कौन है जो इस कालीन पर पांव रखे बगैर इस सेब को उठा सकता है। सब लोग खामोश हो गए और कोई आगे नहीं बढ़ा। तब सुल्तान खुद आगे बढ़े और उन्होंने कालीन को एक तरफ से रोल करना यानी लपेटना शुरू कर दिया। कालीन लपेटते लपेटते वो सेब तक आ गए। फिर उन्होंने हाथ बढ़ाकर सेब को उठा लिया, फिर कालीन को दोबारा बिछा दिया। ये सबके लिए पैगाम था कि शहर की फतह अब ज्यादा दूर नहीं है, और इसी के लिए सुल्तान मोहम्मद और उनके अहम साथियों ने एक मशवरा किया कि एक आखिरी बार पुरजोश ताकत और जोरदार हमला किया जाए। इस हमले में अगर शहर फतह हो गया तो ठीक है, वरना मुआसरा हटा लिया जाएगा, यानी हम लोग वापस अपने मरकज चले जाएंगे। अब आखिरी हमले से पहले 26 मई 1453 की रात सुल्तान मोहम्मद ने एक नफ्सियाती हरबा आजमाया, यानी रोमियों पर नफ्सियाती दहशत डालने के लिए उन्होंने एक जबरदस्त चाल चल डाली। उन्होंने ये हुक्म दिया कि अब से हर रात हर खेमे के सामने एक नहीं बल्कि 2-2 बड़े अलाव रोशन किए जाएंगे। सिपाही आधी रात तक फौजी नगाड़े बजाएंगे और खूब जोर से नारेबाजी की जाएगी। ये हुक्म जारी होने के ठीक बाद यानी पहली रात जैसे ही अलाव रोशन हुए, रोशनी की किरणें चारों ओर फैल गई। फौजी नगाड़े इतनी जोर से बजाए गए कि कंस्टेंटिनोपल के मुहाफिज डर के मारे अपने सीनों पर सलीब का निशान बनाने लगे। 26 से 28 मई तक 3 रातें मुसलसल यानी लगातार यही होता रहा। 27 मई की रात को तो सुल्तान की फौज में शामिल कुछ ईसाई सिपाहियों ने शहर वालों को खबरदार भी किया था। उन्होंने तीरों पर वार्निंग देते हुए पैगाम बांधकर कंस्टेंटिनोपल में भेजे। उन पैगाम में लिखा था, तैयार रहो,
अब उस्मानी फौज फैसला कुन हमला करने वाली है। उधर 26 से 28 मई तक उस्मानी तोपों ने दिन रात इतनी बड़ी बमबारी की जितनी पूरे मुआसरे के दौरान नहीं हुई थी। सुपर गन तोप भी कभी कभार चलती रही, लेकिन बाकी तोपों ने मिलकर सुपर गन तोप से भी ज्यादा काम किया और कई जगहों से दीवारों की धज्जियां उड़ा दी गई। इन्हीं 3 दिनों में सुल्तान अपने लश्कर में घूमते रहे। वो सिपाहियों को उनकी बहादुरी पर इनाम और बुजदिली पर सजा देने के ऐलानात करते रहे। मगरबी मुसन्निफिन लिखते हैं कि सुल्तान ने अपने सरदारों के सामने बड़ी बड़ी कस्में खाकर कहा था कि अगर शहर फतह हो गया तो सिपाहियों को 3 दिन तक शहर में लूटमार करने की और गुलाम लौंडियां जमा करने की इजाजत होगी, जैसा कि उस वक्त एक आम दस्तूर था। यही नहीं बल्कि उन्होंने अपने सरदारों से ये भी कहा कि हाया सोफिया में खजानों के ढेर, खूबसूरत औरतें, शानदार घर और ढेर सारे बागात है, और ये सब कुछ उन्हीं के लिए है। दोस्तों, ये सारी बातें मेरे नजरिए से सिवाय इल्जाम तराशी के और कुछ नहीं, क्योंकि जिस शख्स के बारे में खुद हमारे नबी ने ये पेशन गोई फरमाई हो कि फलनैमल अमीरु अमीरुहा वलनैमल जैसु जैसुहा, यानी क्या बेहतरीन अमीर होगा जो कंस्टेंटिनिया फतेह करेगा, और क्या ही खूबसूरत लश्कर होगा जो कंस्टेंटिनिया की दीवारों को हिला के रख देगा। ऐसा शख्स कभी भी झूठे वादे, झूठी लालच और जंग जीतने के लिए कोई झूठा ख्वाब अपने लोगों को नहीं दिखा सकता। और मुसलमान मुसन्निफीन ने भी सुल्तान मोहम्मद के बारे में ऐसी कोई बात नहीं लिखी जिससे जाहिर हो सके कि सुल्तान ने अपने सिपाहियों को ऐसा कोई लालच दिया था। बहरहाल 28 मई को पूरी मुस्लिम तुर्क फौज ने रोजा रखा और पूरा दिन इबादत में गुजार दिया। दूसरी तरफ कंस्टेंटिनिया के अंदर भी पादरियों ने मुकद्दस अलामात और सलीब के साथ शहर में जुलूस निकाला। वो मगरबी दीवार पर भी गए जहाँ उन्होंने शहर के मुहाफिजों को फतेह की बशारत दी और उन पर मुकद्दस पानी छिड़का। ये सब कुछ उस वक्त हो रहा था जब शहर की दीवारों पर 5000 गोले बरसाए जा चुके थे। अब आखिरी और जबरदस्त हमले का वक्त भी आ चुका था और साथ में मुआसरे वालों के लिए यानी उस्मानी तुर्कों के लिए सबसे बुरी खबर मूसलाधार बारिश का भी वक्त आ ही चुका था। रात के वक्त सुल्तान ने तमाम फौज और समंदरी बेड़ों को ये हुक्म दिया कि एक ही वक्त और एक ही साथ शहर पर टूट पड़े, लेकिन ये सारे हमले तो सिर्फ दिखावे के लिए ही थे ताकि रूमी मुआफिजों का ध्यान खींचा जा सके और उनकी तवज्जो बटी रहे। असल हमला मगरबी दीवार के बीच में मरकज में रोमनोस गेट के पास होना था, क्योंकि यहाँ की दीवार ज्यादातर पहले से ही गिर चुकी थी। यहाँ सिर्फ मिट्टी और पत्थरों की एक बाड़ रह गई थी। सुल्तान मोहम्मद रोमनोस गेट के करीब ही खड़े थे। रात के तकरीबन 1:30 बजे सुल्तान ने अपनी गैर मुनज्जम फौज को दीवार पर हमला करने का हुक्म दिया। फौजी नगाड़े के गरजते ही हजारों सिपाही कंस्टेंटिनिया की खंदक पार करके गिरी हुई दीवार पर टूट पड़े। कंस्टेंटिनिया के मुहाफिज अपने कमांडर जस्टिनियानी की कयादत में भरपूर दिफा कर रहे थे। उन्होंने उस्मानी फौज पर पत्थरों, ग्रीक फायर और तीरों की ऐसी बारिश की जिसकी वजह से हजारों उस्मानी सिपाही मारे गए। 2 घंटे तक बड़ी खौफनाक जंग हुई। सुल्तान ने इस गैर मुनज्जम फौज के पीछे मिलिट्री पुलिस खड़ी कर रखी थी और इनके पीछे जेनिसरी आर्मी के फौजी खड़े हुए थे। जो सिपाही दीवार की तरफ से भागकर वापस आता, मिलिट्री पुलिस डंडों के जोर पर उस सिपाही को वापस मैदान जंग में धकेल देती, और अगर कोई सिपाही मिलिट्री पुलिस का घेरा तोड़कर निकल जाता तो आगे खड़े जेनिसरी तलवारों से उसके टुकड़े कर देते। तो इसी वजह से ये गैर मुनज्जम सिपाही जान तोड़कर आखिरी दम तक लड़े। 2 घंटे बाद रात के 3:30 बजे जब कंस्टेंटिनिया शहर के मुहाफिज भी लड़ते लड़ते बुरी तरह से थक चुके थे, तो सुल्तान मोहम्मद ने गैर मुनज्जम फौज को पीछे हटाकर अपनी नई और ताकतवर दाएं तरफ वाली फौज जो अनातोलिया से आई तुर्कों की फौज थी उसे हमला करने का हुक्म दिया। अनातोलिया की फौज के दस्ते बालों की आड़ में आगे बढ़ने लगे तो उन पर भी तीरों और पत्थरों की बारिश होने लगी। फिर शहर के मुहाफिजों ने उन पर ग्रीक फायर फेंक कर उन्हें जलाना शुरू कर दिया। कंस्टेंटिनिया के मुहाफिज छोटी छोटी तोपों से फायर भी करने लगे और इन सबसे अनातोलिया के सैकड़ों तुर्क सिपाहियों की जानें चली गई। अब सुल्तान के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि वो कंस्टेंटिनिया के मुहाफिजों पर तोपों से गोलाबारी करे। हालांकि सुल्तान के तोपों से गोलाबारी करवाने पर उस्मानी सिपाही की जानें भी खतरे में पड़ सकती थी, लेकिन सुल्तान ये रिस्क लेने पर मजबूर हो चुके थे। चुनांचे उन्होंने अपने तोपखाने को बाढ़ पर भरपूर गोलाबारी करने का हुक्म दे दिया। अब बाढ़ पर बमबारी शुरू हो गई और सुल्तान का ये कदम कामयाब रहा।
तोप का एक बड़ा गोला बाढ़ पर जा गिरा और बाढ़ का एक हिस्सा उड़कर पीछे जा गिरा। अब इसी वजह से यहाँ एक बड़ा रास्ता खुल गया जहाँ से उस्मानी फौज के 300 सिपाही शहर के अंदर दाखिल हो गए। लेकिन कंस्तनतुनिया के रूमी मुआफिज हमला करने के लिए तैयार ही खड़े थे। उन्होंने इन 300 तुर्क सिपाहियों को ज्यादा आगे नहीं बढ़ने दिया और जल्द ही पीछे धकेल दिया, यहाँ तक कि शहर से भी बाहर निकाल दिया। ये खौफनाक लड़ाई भी 2 घंटों तक जारी रही लेकिन तुर्क फौज को फतेह ना मिल सकी। सुबह के 5:30 बजे सुल्तान ने इस फौज को भी वापस बुला लिया। इन सारे हमलों में सुल्तान की फौज बुरी तरह से थक चुकी थी। अब सिर्फ 12,000 जेनिसरीज और 5,000 दूसरे सिपाही ही बाकी बचे थे, यानी तकरीबन 17,000 की फौज ही सही सलामत और बिना थके हुए पीछे खड़ी थी। बाकी फौज रात भर के हमलों में थक चुकी थी, जबकि सुल्तान कंस्तनतुनिया के रूमी मुहाफिजों को आराम करने का मौका नहीं देना चाहते थे। सो उन्होंने अपनी फौज के आखिरी हिस्से को भी उसी वक्त हमले का हुक्म दे दिया। सुल्तान अपनी आखिरी बिना थकी हुई फौज को हमले का हुक्म देकर ये जानते थे कि वो बहुत बड़ा दाव खेल रहे हैं। उनकी सारी कामयाबी का दारोमदार इसी आखिरी हमले पर था। अगर ये हमला भी नाकाम हो जाता तो फिर सुल्तान के पास वापसी के सिवा और कोई चारा नहीं बचता था। इस आखिरी हमले को सबसे खतरनाक फौजी जेनिसरीज लीड कर रहे थे। उन्होंने भरपूर ताकत के साथ हमला किया लेकिन कंस्तनतुनिया के मुआफिज थकन से चूर होने के बावजूद जेनिसरीज का मुकाबला भी डटकर करने लगे। अब बज़ाहिर उस्मानियों को फतह की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। तारीख की अजीम जंग अपने उरूज पर ही पहुंच चुकी थी कि उसी दौरान उस्मानियों को एक नाकाबिले यकीन कामयाबी मिल गई। वो कामयाबी ये थी कि शहर की मगरबी दीवार की तह में एक खुफिया दरवाजा था जिसे सर्कस डोर भी कहा जाता था। इस दरवाजे को कंस्तनतुनिया के मुआफिज उस्मानी कैंप पर अचानक हमले और छापामार कार्रवाइयां करने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। 28 मई की रात कुछ रोमी मुआफिजों ने इसी दरवाजे को इस्तेमाल किया था लेकिन वापस लौटते वक्त इस खुफिया दरवाजे को बंद करना भूल गए। ठीक उसी वक्त एक तुर्क सिपाही ने यह मंजर देख लिया। बस फिर क्या था, इतनी मुसीबतें, मशक्कतें और परेशानियों को झेलकर हत्ता के हजारों जाने गंवाने के बाद अल्लाह ने इन लोगों को उनकी मेहनत का फल अता कर दिया। इसके बाद 50 तुर्क सिपाही इसी दरवाजे से अंदर दाखिल हुए और उन्होंने शहर की दीवार पर पहुंचकर ईसाई सलीबी परचम फाड़ दिए और सल्तनत उस्मानिया का परचम लहरा दिया। उधर दूसरी मगरबी दीवार पर कंस्तनतुनिया के मुआफिजों के साथ बदकिस्मती ये हुई कि उनका कमांडर जॉन जस्टिनियानी जो पहले से जख्मी था ही, उसे रात की लड़ाई में कुछ गहरे जख्म लगे थे। यहाँ तक कि वो लड़ने के काबिल ही नहीं रहा था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन 11 ने जॉन जस्टिनियानी को फरार होने के लिए खुफिया दरवाजे की चाबियां थमा दी। लेकिन जैसे ही जस्टिनियानी के चंद साथी उसे लेकर खुफिया दरवाजे से बाहर निकले, वैसे ही उसके बाकी सैकड़ों साथी भी फौरन उसके पीछे पीछे जाने लगे और हिफाजती दीवार से हट गए। अब जस्टिनियानी और उसके साथियों के दीवार से हट जाने से दीवार का डिफेंस यानी दिफा बेहद कमजोर हो गया। ठीक इसी दौरान जेनिसरीज फौज के आगा हसन अपने 30 फौजियों के साथ कंस्तनतुनिया की बाढ़ पर चढ़ने में कामयाब हो गए। उसके बाद उन्होंने बाढ़ पर उस्मानी परचम भी लहरा दिया। अगरचे आगा हसन और उनके 18 साथी फौरन मारकर दीवार से गिरा दिए गए, लेकिन उस बाढ़ पर लहराता उस्मानी परचम बाहर खड़ी तुर्क फौज और अंदर मौजूद कंस्तनतुनिया के रूमी शहरियों को साफ साफ ये पैगाम दे रहा था कि अब किस्मत का पत्ता हजार साल बाद पलटा जा चुका है। ये 29 मई की सुबह 7 बजे का वक्त था और आखिर कंस्तनतुनिया हजार साल बाद सल्तनत उस्मानिया के हाथों फतेह हो चुका था। यूं ईसाइयों की सबसे बड़ी जड़ को मुसलमानों ने अपनी ईमानी ताकत से मलिया मेट कर दिया और 1000 साल से खड़ी कंस्तनतुनिया की मजबूत दीवार अपना गुरूर, बुलंदी और इज्जत गंवा बैठी और मुसलमान तुर्कों के हौसलों के सामने रेजा रेज हो गई। अब सुर्ख यानी लाल सेब उस्मानियों की झोली में आ गिरा था। जेनिसरी शहर में दाखिल हो चुके थे। उन्हें देखकर शहर के बाहर खड़ी थकी हुई उस्मानी फौज में एक नया जोश भर गया। वो भी जेनिसरीज के पीछे शहर में दाखिल होने लगे। 10 मिनट के अंदर ही अंदर 30,000 सिपाही अंदरूनी दीवार तक पहुंचकर इस शहर के दरवाजे खोल रहे थे। शहर के मुआफिज जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। 700 साल का इंतजार खत्म हो चुका था और नबी करीम सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई सच साबित हो चुकी थी, लेकिन मसला था शहर को महफूज और पुरमन रखने का। मगर हकीकत तो ये थी कि शहर को फतेह करने वालों को भी आपस में भी लड़ना था। आखिर वो कैसे, भला ये क्या कहानी थी? कुछ ही सही आज भी कंस्टेंटिनोपल की फतेह की उम्मीद क्यों लगाए बैठे है? कंस्टेंटिनोपल की दीवारों में कौन जिंदा है और वो आखिरी रोमन शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन 11 का क्या हुआ, और हाया सोफिया के तहखानों से आखिर कौन सा खजाना मिला था? ये दास्तान भी आपको सुनाएंगे, लेकिन सल्तनत उस्मानिया के 8वें एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान में रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया पे बनाया गया ये 8वां एपिसोड है, इसे पूरा जरूर देखें। अब दोस्तों, कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारों पर सल्तनत उस्मानिया के परचम लहरा रहे थे। पूरे शहर में पगदड़ मची हुई थी। आसमान कॉन्स्टेंटिनोपल के रिहायशियों की चीखों और उस्मानी तुर्कों के नारों से गूंज रहा था। इधर जेनिसरी आर्मी भी पै दर पे शहर में दाखिल हो चुकी थी। उस्मानी तुर्क शहर को जीत चुके थे, लेकिन कॉन्स्टेंटिनोपल वालों ने अभी हार नहीं मानी थी, क्योंकि उनके नज़दीक जंग का पलड़ा अभी भी पलटना बाकी था। कॉन्स्टेंटिनोपल के ईसाई लोगों में शुरू से ही एक बात मशहूर थी, यही बात उनकी आखिरी उम्मीद भी थी और उन्हें हौसला भी दे रही थी। वो बात आखिर क्या थी और वो लोग किससे आखिरी उम्मीद लगाए बैठे थे? क्या उनकी उम्मीद पूरी हुई भी या नहीं? और वो चार लोग कौन थे जिनकी तलाश शहर फतह होने के ठीक बाद सुल्तान मोहम्मद दोयम बड़ी बेचैनी से करवा रहे थे? यही सब आज के इस 8वें एपिसोड में हम आपको बताएंगे। कॉन्स्टेंटिनोपल के ईसाइयों के हिसाब से उनकी आखिरी उम्मीद थी एक फरिश्ता। जी हाँ दोस्तों, हमारी दुनिया में कयामत को लेकर जितनी भी बातें फैली हुई है, उनमें एक बात सब धर्मों में एक समान है, वो ये कि कयामत जब भी आएगी अपने साथ एक बहुत बड़ी तबाही लाएगी, जिसके बाद एक नई दुनिया, एक नए दौर की शुरुआत होगी। इसी तरह की एक बात अनातोलिया और यूरोप के ईसाइयों में 15वीं सदी में बहुत मशहूर थी। वो बात ये थी कि अगर कॉन्स्टेंटिनोपल जीत लिया गया, यानी जब भी कॉन्स्टेंटिनोपल ईसाइयों से छीन लिया जाएगा, तो उसी दिन कयामत आ जाएगी या कयामत की शुरुआत होगी। और इस बात की वजह से 29 मई 1453 के दिन को कॉन्स्टेंटिनोपल के ईसाइयों ने यही समझा कि अब तो कयामत आ ही गई है, क्योंकि शहर वाकई तबाह हो रहा था। और शहर के ठीक बाहर अपने खेमे में बैठे सुल्तान मोहम्मद, जो अब सुल्तान मोहम्मद फातह बन चुके थे, वो इस इंतजार में थे कि कब ये कयामत के लम्हात रुके और वो शहर में अमनो अमान और शांति का हुक्म देकर एक नए दौर की शुरुआत कर सके। सुल्तान मोहम्मद कॉन्स्टेंटिनोपल की इस तबाही के पार उसके आने वाले भविष्य के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि इसी तबाह और बर्बाद कॉन्स्टेंटिनोपल को आगे चलकर अजीम शहर इस्तांबुल भी बनना था। उस दौर में बहुत सालों से जंगों में ये उसूल होता था कि जिस किसी भी शहर को जंग लड़के जीता जाएगा, तो जीतने वाली फौज को 3 दिन उस शहर में लूट मार करने की खुली छूट होगी। कॉन्स्टेंटिनोपल भी जंग लड़के ही जीता गया था और सुल्तान मोहम्मद भी सिपाहियों को 3 दिन तक लूट करने की खुली छूट देने के पाबंद थे, और कुछ मौकों पर इस बात का वादा भी कर चुके थे। इसीलिए शहर फतेह होते ही लूट मार भी शुरू हो गई, लेकिन हारे हुए शहर के ईसाई लोग मायूसी में भी उम्मीद लगाए बैठे थे। कॉन्स्टेंटिनोपल के लोग जानते थे कि उनका शहर उस्मानी तुर्कों ने फतह कर लिया है, लेकिन वो अब भी किसी करिश्मे के इंतजार में थे। शहर के सैकड़ों लोग हाया सोफिया चर्च की तरफ भागे, उस हाया सोफिया की तरफ जिसका उन्होंने अभी कुछ हफ्तों पहले ही ईस्टर संडे के त्यौहार तक बायकॉट कर रखा था। अब इसी हाया सोफिया की तरफ ज्यादातर लोग पनाह के लिए भागने लगे, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी उस बात की जो सदियों से उनमें मशहूर थी, वो ये कि जब भी कोई शहर जीतने वाला शहर की मजबूत दीवारों को उधेड़ कर शहर में दाखिल होकर कॉन्स्टेंटाइन के मीनार यानी सुतून तक पहुंचेगा, जिस पर उस रोमन शहंशाह का घोड़े पर सवार मुजस्मा नस्ब था जिसने कॉन्स्टेंटिनोपल शहर को बसाया था। ये सुतून हाया सोफिया से आधे किलोमीटर की दूरी पर है।
जब शहर जीतने वाला इस सुतून के पास आ पहुंचेगा, तो उसी वक्त एक फरिश्ता नमूदार होगा जिसके हाथ में तलवार होगी और जो कॉन्स्टेंटाइन का बदला लेगा। उस फरिश्ते को देखकर कंस्टेंटिनोपल के मुहाफिजों की हिम्मत बढ़ जाएगी और वो फिर से शहर जीतने वालों का मुकाबला करेंगे और उनको शहर से बाहर खदेड़ देंगे। इस कहानी के मुताबिक चूंकि फरिश्ता उसी हाया सोफिया चर्च के करीब ही नमूदार होने वाला था, इसलिए हाया सोफिया में सैकड़ों पादरी, मर्द, औरतें और बच्चे जमा हो चुके थे और मोमबत्तियां जलाकर किसी करिश्मे की दुआ मांग रहे थे। इस चर्च का गुंबद जलजलों की वजह से पहले ही 3 बार गिर चुका था और इसी चर्च में हर रोमी शहनशाह की तख्त नशीनी की जाती थी, लेकिन आज तख्त नशीने की खुशियां नहीं बल्कि शहर को बचाने के लिए दुआएं मांगी जा रही थी। लेकिन किसी करिश्मे से पहले कुछ और ही हो गया। लोग चर्च में उस फरिश्ते का इंतजार करके बैठे ही थे कि अचानक एक धमाका हो गया। हुआ कुछ यूं कि चर्च के बीच वाले दरवाजे पर, जो शहनशाह के गुजरने के लिए खास था, वहीं से एक खौफनाक आवाज गूंजी। वहां पर मौजूद ज्यादातर लोगों को शायद यही लगा होगा कि वो फरिश्ता नमूदार होकर उनकी मदद के लिए आ पहुंचा है, लेकिन यह किसी फरिश्ते की आमद नहीं बल्कि सुल्तान मोहम्मद की सबसे खतरनाक फौज जेनिसरीज के चर्च में दाखिल होने का ऐलान था। जेनिसरीज फौज ने 4 इंच मोटे चर्च के दरवाजे को कुल्हाड़ियों के वारों से तोड़ दिया और चर्च के अंदर दाखिल हो गए। जेनिसरीज ने वहां पर खड़े एक एक पादरी, औरतें और बच्चों को गुलाम बना लिया। उसके बाद उन्होंने चर्च को जी भर के लूटा। सोने चांदी और हीरे से जड़ी सलीबे, वहां पर लटकी हुई कीमती तस्वीरों के फ्रेम तक उखाड़ लिए। सारा फर्नीचर, शहनशाह के बैठने का तख्त, ये सब कुछ लूट लिया गया। लेकिन अभी सिपाहियों को एक और अहम काम भी करना था और वो ये कि हाया सोफिया के तहखानों में छुपा हुआ वो खजाना भी निकालना था जिसकी कहानियां वो एक मुद्दत से सुनते आ रहे थे, जिस खजाने के बारे में उनको सुल्तान और दूसरे लोगों ने बताया था और इसी खजाने को पाने की कोशिश में वो जान तोड़कर लड़े भी थे। अब उसी खजाने की तलाश में सिपाहियों ने पूरा तहखाना छान मारा, लेकिन वहां पर सिर्फ एक कब्र के सिवा और कुछ नहीं था। ये कब्र वीनस के एक सियासतदान की थी। खजाने की तलाश में इसे भी खुद आ गया, लेकिन वहां से जो चीज निकली उसे देखकर वहां पर मौजूद सिपाही हैरत से उछल पड़े, क्योंकि उस मकबरे में खजाना नहीं था बल्कि सिर्फ कुछ हड्डियां ही मिल पाई। इतनी मेहनत और कुर्बानियों के बाद ये सड़ा हुआ हड्डियों का ढांचा देखकर जेनिसरीज फौज आग बबूला हो गई और उन्होंने ये ढांचा निकाल कर सड़क पर फेंक दिया। ये कहानी मगरबी इतिहासकारों ने बयान की है, जबकि मुस्लिम इतिहासकारों ने ऐसे वाकियात का कहीं कोई जिक्र नहीं किया। एक इतिहासकार डॉक्टर उजैर लिखते है कि तुर्कों ने फतेह के जोश में कॉन्स्टेंटिनोपल में कत्लेआम मचाना शुरू कर दिया, लेकिन जब शहर वालों ने कोई विरोध नहीं जताया तो वो सिर्फ माले गनीमत जमा करने में लग गए। इसके अलावा तमाम मुसलमान और गैर मुस्लिम इतिहासकार इस बात पर मुत्तफिक है कि सुल्तान मोहम्मद शहर में कोई कत्लेआम या तबाही नहीं करवाना चाहते थे। हाया सोफिया पर हमले के बाद ताहम परस्त यूनानियों में एक और कहानी बहुत मशहूर हुई। वो कहानी ये थी कि जब जेनिसरीज ने हाया सोफिया पर हमला किया तो वहाँ के पादरी सारी सलीबे और दूसरे मुतबर्रुकात उठाकर एक दीवार के पास आए। फिर एक करिश्मा हुआ, वो दीवार बीच से खुल गई और एक रास्ता बन गया और इसी रास्ते से ये लोग अंदर चले गए। उसके बाद दीवार फिर से जों के तू बराबर हो गई, यानी बंद हो गई। अब यूनानियों ने ये अकीदा बना लिया कि ये पादरी आज भी इसी दीवार के अंदर दूसरी तरफ कहीं जिंदा और सही सलामत है और जिस दिन कोई ईसाई बादशाह फिर से कॉन्स्टेंटिनोपल को फतेह करके हाया सोफिया को दोबारा गिरजाघर यानी चर्च बना लेगा तो उस दिन दीवार फिर से खुलेगी और इसके अंदर मौजूद पादरी एक बार फिर से इस दुनिया में वापस लौट आएंगे। हाया सोफिया में तो मामला बगैर किसी खून खराबे के निमट गया था, लेकिन शहर के बाकी इलाकों में हालात अच्छे नहीं थे बल्कि लड़ाई झगड़े और मुठभेड़गिरी तेज हो चुकी थी। कॉन्स्टेंटिनोपल शहर के कुछ हिस्सों में ईसाई लोग अब भी तुर्क सिपाहियों के मुकाबले पर डटे हुए थे और उन पर ईंटे और ग्रीक फायर फेंक रहे थे, जबकि कुछ जगहों पर उस्मानी फौज की छोटी छोटी टुकड़ियों
में भी लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी थी। ये लड़ाइयाँ गुलाम और लौंडियाँ बनाने के मामले पर शुरू हुई थी। हर सिपाही की ये चाहत थी कि सेहतमंद नौजवान और खूबसूरत लड़के और लड़कियाँ उसके हाथ आए, ताकि इन्हें गुलामों के बाजार में भारी कीमत में बेचा जा सके। इसी कोशिश में सिपाही आपस में झगड़ पड़े। इस मामले पर तो सिपाहियों ने तलवारें निकाल ली थी। शहर की गलियों में एक नया खून खराबा शुरू हो चुका था, जिसमें बहुत सारे उस्मानी सिपाही आपस में ही लड़कर मारे गए। बाद में वहां के सालारों ने मुदाखलत करके बीच बचाव करवाया। सिपाही और अफसरों में बहस के बाद एक हल निकाला गया। वो ये कि जो भी सिपाही किसी घर को लूटने के लिए जाएगा, वो उस घर के बाहर एक चंडा नस्ब कर देगा। ये इस बात की अलामत होगी कि इस घर को लूटने का हक किसी और को नहीं, बल्कि सिर्फ उसी को है जिसने ये चंडा गाड़ा है। जंग के उसूलों के मुताबिक ठीक तीसरे दिन ये खून रेजी और शहर को लूटने का सिलसिला आखिरकार बंद हुआ। कंस्तनतुनिया के ज्यादातर मर्दों, औरतों और बच्चों को बांधकर खेमों में पहुंचा दिया गया था। हैरत अंगेज बात तो ये है कि मुसलमान तो अपने कानून के मुताबिक माले गनीमत और गुलाम हासिल कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ उस्मानी फौज में शामिल ईसाई भी यही कर रहे थे। इन ईसाइयों ने भी माल लूटा, मर्दों और औरतों को गुलाम भी बनाया। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या वाकई शहर फतेह हो चुका था? जी नहीं, शहर अभी तक पूरी तरह से फतेह नहीं हुआ था, क्योंकि शहर के कुछ हिस्सों में ईसाई जंगजू आखिरी सांस तक लड़ने का इरादा कर चुके थे। हालांकि इन लोगों के जीतने का कोई चांस ही नहीं था। आज या तो कल उस्मानियों के हाथों मौत तो इनका मुकद्दर थी ही, लेकिन ऐसे में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने जंग को ख़त्म करने के लिए इन सिपाहियों को हथियार फेंकने के बदले अमनो अमान देने का वादा किया। उन ईसाई जंगजुओं ने हथियार डाल दिए और सुल्तान ने भी अपना वादा पूरा किया। जब ये लोग वापस जा रहे थे तो उस्मानी फौज के किसी भी हिस्से ने उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। ये लोग शहर से निकले और इटालियन जहाज़ों में बैठकर यूरोप की तरफ रवाना हो गए। लेकिन शहर की बंदरगाह पर अभी 15 जहाज ऐसे खड़े हुए थे जिन्हें चलाने वाला कोई नहीं था। ये जहाज मुसाफिरों से खचाखच भरे हुए थे। उस्मानी फौज ने ये सारे जहाज कब्जे में ले लिए और उनमें मौजूद मुसाफिरों को गुलाम बना लिया। लेकिन दोस्तों, शहरी आबादी को गुलाम बनाने वाली बात भी तारीख में डामाडोल ही रही है, और आज तक इस बात के हक में या इसके खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि एक पश्चिमी इतिहासकार स्टैनफोर्ड शो ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ ऑटोमन एम्पायर और मॉडर्न तुर्की में ये बात लिखी है कि कंस्तनतुनिया की ज्यादातर आबादी उस्मानी तुर्कों के डर से शहर छोड़कर जा चुकी थी, यानी उन्हें गुलाम नहीं बनाया गया था। और अब शहर वाकई ही फतेह हो चुका था, क्योंकि सारे ईसाई और यूरोपियन फौजी कंस्तनतुनिया छोड़ चुके थे। पूरे कंस्तनतुनिया पर मुसलमान उस्मानी तुर्कों का कब्जा हो चुका था, लेकिन चार लोग अब भी ऐसे बचे थे जिनकी तलाश सुल्तान मोहम्मद फातेह के लिए उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी थी। वो चार लोग जिनकी तलाश थी, उनमें से एक तो था रोमन शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन 11, दूसरा था सुल्तान का चचा ओरहान कल्बी जो उस्मानी रियासत का गद्दार था, तीसरा आदमी था पोप का भेजा हुआ नुमाइंदा कार्डिनल इसोडोर जो पोप के 300 तीरंदाजों के साथ शहर की हिफाजत के लिए आया था, आखिरी और चौथा शख्स था शहर के मुहाफिजों का सरदार जॉन जस्टिनियानी। इन चारों की तलाश अभी जारी ही थी कि सुल्तान के पास एक कटा हुआ सर लाया गया, जिसके मुतल्लिक कुछ कैदियों ने बताया कि ये सर कॉन्स्टेंटाइन 11 यानी कंस्तनतुनिया के शहंशाह का ही है। बाद में उस सर को एक बाले पर टांगकर हाया सोफिया के सामने उसी सुतून पर नस्ब कर दिया गया जहां पर पहले घोड़ेसवार शहंशाह का मुजस्मा नस्ब किया हुआ था, ताकि सबको इस बात पर यकीन हो जाए कि रोमन शहंशाह मारा जा चुका है। लेकिन आज भी मगरीबी दुनिया में यानी ईसाइयों में कोई भी इस बात का यकीन नहीं करता कि शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन 11 मारा गया था और वाकई उसका सर काटा गया था, क्योंकि उसकी कब्र ही मौजूद नहीं, और कॉन्स्टेंटाइन की कब्र तारीख की नामवर गुमशुदा कब्रों में से एक है। जो कटा हुआ सर सुल्तान मोहम्मद के सामने पेश किया गया था वो कॉन्स्टेंटाइन का था या नहीं, लेकिन सुल्तान मोहम्मद अब इस बात से मुतमईन थे कि कॉन्स्टेंटाइन 11 अब इस दुनिया में नहीं रहा। मुस्लिम इतिहासकारों ने भी लिखा है कि जब जेनिसरी शहर में दाखिल हुए थे तो कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी शाही और कीमती पोशाक उतार फेंकी और खुद तुर्कों का मुकाबला करने लगा, और लड़ते लड़ते ही मारा गया। अब सुल्तान मोहम्मद की लिस्ट में कॉन्स्टेंटाइन के बाद दूसरा नंबर
और उनके चाचा ओरहान कल्बी का था, क्योंकि जब तक ये शख्स जिंदा रहेगा तब तक ये खतरा मंडराता रहेगा कि वो उस्मानी सल्तनत के तख्तो ताज पर अपना दावा जमा कर सल्तनत में खाना जंगी और लड़ाई ना शुरू करवा दे। इसलिए तुर्कों ने तेजी से उसकी तलाश करनी शुरू कर दी। शायद ओरहान कल्बी शहर से जिंदा और सही सलामत निकल भी जाता, लेकिन सुल्तान के सिपाहियों ने उसे सी ऑफ मारमरा की दीवार पर भागते हुए देख लिया। अब ओरहान कल्बी अपनी जान बचाने के लिए भागा, लेकिन सिपाहियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। जब उसे बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आया तो मियाँ ने इतनी ऊंची दीवार से ही नीचे छलांग लगा दी। भले ही उसने छलांग नीचे की तरफ लगाई हो, लेकिन दर हकीकत वो ऊपर की तरफ पहुंच चुका था। यानी सिपाही जब उसे देखने के लिए करीब आए तब तक तो वो मर चुका था। अभी ये सरों के दुश्मन तुर्क सिपाही ओरहान कल्बी का भी सर काट कर सुल्तान के पास ले गए, और इस तरह से सुल्तान का ये दूसरा दुश्मन भी मारा गया। अब तीसरा दुश्मन था कार्डिनल इसोडोर। ये गिरफ्तार हो जाने के डर से इतना परेशान हुआ कि इसने अपने कीमती कपड़े उतारकर एक लाश को पहना दिए और लाश के फटे पुराने खून आलूद कपड़े खुद पहन लिए। इसोडोर चोरी छुपे बंदरगाह के रास्ते की तरफ निकल लिया, लेकिन रास्ते में सिपाहियों ने इसे रोक लिया। मगर मसला तो ये था कि तुर्क सिपाही इसे उसकी शक्ल से नहीं पहचानते थे। उनको सिर्फ इतना ही पता था कि इसोडोर नाम का बुड्ढा शहर से बचकर नहीं जाना चाहिए, लेकिन फटे पुराने कपड़ों की वजह से तुर्क सिपाही इसे आम गरीब बुड्ढा समझने लगे, जो गुलाम बनाए जाने के भी काबिल नहीं था और ना ही गुलामों के बाजार में इसकी कोई कीमत मिलने वाली थी। वो सिपाही इसोडोर को बेफायदा समझकर शायद उसे जान से मार ही डालते, लेकिन इसोडोर के पास कुछ रकम मौजूद थी। वो रकम उसने सिपाहियों को दे दी और सिपाहियों ने भी रहम खाकर उसे छोड़ दिया। और यूं कार्डिनल इसोडोर भी, अरे नहीं नहीं, बर्बाद इसोडोर भी शहर के बाहर खड़े एक इटालियन जहाज तक पहुँचने में कामयाब हुआ और वहाँ से वन वे फरार हो गया, यानी फिर कभी भी कंस्टेंटिनोपल की तरफ लौटा ही नहीं। इस तरह ये तीसरा दुश्मन जान बचाकर निकल गया। सुल्तान का चौथा दुश्मन इस जंग में रोमियो का कमांडर जॉन जस्टिनियानी था। ये वही शख्स था जो शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन 11 के बाद कंस्टेंटिनोपल के मुहाफिजों की सबसे बड़ी मदद था। ये बहुत बहादुरी से लड़ा था और उस्मानी फौज को भी इसकी बेहद तलाश थी, लेकिन जॉन जस्टिनियानी शहर पर उस्मानियों का कब्जा होने से पहले आखिरी लड़ाई में बहुत ही जख्मी हो चुका था, जिसके बाद उसके साथी उसे उठाकर समंदरी जहाज में ले गए। उसी जहाज में, जिस जहाज में बैठकर वो जिनीवा से यहाँ आया था, जिस वक्त उस्मानी फौज शहर में दाखिल हुई उस वक्त जस्टिनियानी उसी जहाज में जख्मी होकर पड़ा हुआ था। उसके साथी उस्मानियों से लड़ाई में मारे जा चुके थे, लेकिन उसके बचे कुछ साथी फौरी तौर पर उस वक्त अपने जहाज में पहुंचे और जहाज को बंदरगाह से दूर ले गए। वैसे इस तरह जस्टिनियानी जिंदा तो उस्मानियों के हाथ नहीं आया, लेकिन वो इतना ज्यादा जख्मी हो चुका था कि ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाया और 1 जून 1453 को वो भी तड़प तड़प कर मौत का शिकार हो गया। इसके साथ ही इसकी लाश को यूनान यानी ग्रीक ले गए और उसे यूनान के किले चाश्त में दफन कर दिया गया। यूं सुल्तान के चार इंतहाई भगोड़े दुश्मनों में से तीन मारे गए और सिर्फ एक ही जिंदा बचने में कामयाब हुआ। लेकिन इन चारों के अलावा सुल्तान मोहम्मद फातेह के नजदीक एक ही दुश्मन बाकी था, जो घर के अंदर ही मौजूद था और सुल्तान उससे भी जान छुड़ाना चाहते थे, और ये था सुल्तान का वजीर आजम खलील पाशा, जिसने कंस्टेंटिनोपल फतेह करने के ख्वाब को एक जुनूनी नौजवान की बेवकूफी करार दिया था। यानी सीधे सीधे सुल्तान को ही बेवकूफ ठहराया था। सो कंस्टेंटिनोपल जीतने के ठीक 2 दिन बाद खलील पाशा की भी गर्दन उड़ा दी गई। अब शहर फतेह हो चुका था, सुल्तान के दुश्मन मारे जा चुके थे या फरार हो चुके थे। 21 साल के नौजवान सुल्तान मोहम्मद अब सुल्तान मोहम्मद फातेह के नाम से मशहूर होने लगे थे और दुनिया के उस वक्त के सबसे चाहे जाने वाले शहर कंस्टेंटिनोपल के मालिक बन चुके थे। मुसलमानों का 7 सदियों का इंतजार खत्म हुआ और यूं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई पूरी तरह से सच साबित हो गई। उस दिन के डलते ही सुल्तान शहर में दाखिल हुए। सबसे पहले वो कंस्टेंटिनोपल के पुराने और कदीम चर्च हाया सोफिया के सामने पहुंचे, अपने घोड़े से उतरे और उन्होंने जमीन से थोड़ी सी मिट्टी उठाकर अपनी पगड़ी पर डाल ली। ये उनका अल्लाह के सामने आजिज़ी जाहिर करने का इजहार था। उसके बाद वो हाया सोफिया में दाखिल हुए। एक सिपाही ने वहां पर अजान दी और सुल्तान ने हाया सोफिया चर्च को मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया, और सुल्तान के ऐलान करने के बाद ही इसे नया नाम दिया गया। वो यही नाम है हाया सोफिया। इससे पहले इसे हेगिया सोफिया कहा जाता था।
उसी दौरान सुल्तान की नजरें कैसे सिपाही पर पड़ी जो हाया सोफिया का फर्श तोड़ रहा था। सुल्तान ने उस सिपाही को रोका और कहा कि ये शहर और इसकी इमारतें मेरी है, इन्हें नुकसान हरगिज मत पहुंचाओ। सुल्तान ने हाया सोफिया को तो मस्जिद बना दिया था, लेकिन शहर के एक और चर्च द चर्च ऑफ द होली अपोस्टल्स को मस्जिद नहीं बनाया गया था। 1 जून को सुल्तान मोहम्मद ने शहर में अमनो अमान कायम करने का हुक्म भी जारी कर दिया और शहर से भाग चुके ईसाई लोगों को भी ये पैगाम पहुंचाया कि वो कंस्तनतुनिया शहर की तरफ वापस लौट आए, उन्हें हमारी तरफ से पूरी अमान और हिफाजत दी जाएगी। यही नहीं बल्कि सुल्तान मोहम्मद फातेह ने ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों के सबसे मुअज्जज पादरी जॉर्ज कोलेरियस को, जिसको उनकी फौज ने कैदी बनाया हुआ था, उस पादरी को भी आजाद करवाया और ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों का पोप यानी रूहानी पेशवा मुकर्रर कर दिया। इस तरह से ऑर्थोडॉक्स चर्च सुल्तान मोहम्मद फातेह की सरपरस्ती में आ चुके थे, जबकि इसके साथ ही कंस्तनतुनिया के करीब मौजूद गलाटा की बस्ती ने भी खुद ही सुल्तान के सामने हथियार डालकर सरेंडर कर दिया था और यूं ये सारा इलाका सल्तनत उस्मानिया में शामिल हो चुका था। अब कंस्तनतुनिया का छिन जाना यूरोपियन ईसाइयों के पुराने अकीदों और यकीनों पर एक चुपता हुआ कांटा था जो हर बढ़ते दिन के साथ और ज्यादा चुपता जा रहा था, जिसे वो निकाल भी नहीं पा रहे थे। लेकिन अब तो उनके पास शोक मनाने के सिवा कोई दूसरा चारा ही नहीं था। फिर भी ईसाइयों के रूहानी पेशवा यानी पोप ने कंस्तनतुनिया पर दोबारा कब्जा करने के लिए आखिरी 2 कोशिशें भी की। पोप निकोलस 5 ने पहले तो सलीबी जंगों का ऐलान कर दिया, लेकिन पोप के हुक्म पर यूरोपियन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी, यानी कोई भी उस्मानियों के खिलाफ सलीबी जंग करने को तैयार नहीं हुआ क्योंकि सभी ईसाइयों की फटी पड़ी थी। फिर दूसरी कोशिश पोप ने ये की कि तुर्कों को ही ईसाइयत कबूल करने की दावत पेश की। अब जाहिर है ये कोशिश भी नाकाम ही रहनी थी क्योंकि ईमान वाले कभी भी अंधेरों की तरफ नहीं लौटा करते। उसके बाद सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कंस्तनतुनिया को सल्तनत उस्मानिया का नया दारुल हुकूमत करार दे दिया। 2 जून को हाया सोफिया में नमाज जुमा अदा की गई और इस मौके पर सुल्तान ने कंस्तनतुनिया को एक नया नाम दिया। वो नाम था इस्लाम बोल, जिसका मतलब था इस्लाम का शहर। लेकिन हैरतअंगेज तौर पर ये नाम मकबूल नहीं हो सका और तुर्क जबान में शहर का पहला नाम ही रायज रहा, जो नाम था इस्तांबुल। इतिहासकार फिलिप मेंसल के मुताबिक यूनानी जबान में शहर के अंदर या अंदरूनी शहर के हिस्से के लिए इस्तिनतिनपोल का नाम इस्तेमाल होता था, लेकिन तुर्की में ये नाम बिगड़कर इस्तिनतिनपोल से इस्तांबुल बन गया और ये शहर के फतेह होने से पहले की बात है, यानी अनातोलिया के तुर्क कंस्तनतुनिया को जीतने से पहले ही उसे इस्तांबुल के नाम से ही पुकारते थे। कुछ लोग समझते हैं कि इस्तांबुल ही बिगड़कर इस्तांबुल बना है, लेकिन ये राय दुरुस्त हरगिज नहीं लगती क्योंकि सच यही है कि मुसलमान इस्लाम के लफ्ज को कभी बिगाड़ ही नहीं सकते और इस्लाम का लफ्ज वैसे भी पूरी दुनिया के मुसलमान आसानी से और एक ही तरीके से बोलते हैं, इसलिए इस्तांबुल के इस्तांबुल बनने की वजह मेरे नजदीक कम है। अब फतेह के बाद कंस्तनतुनिया की हाकिमियत ही नहीं बल्कि इसकी शक्लो सूरत और आबादी भी बदल गई क्योंकि सुल्तान मोहम्मद एक बार फिर इसे एक अजीम और आलमी शहर बनाना चाहते थे और इसी वजह से उन्हीं के हुक्म पर पूरी दुनिया से और खास तौर पर सल्तनत उस्मानिया के कोने कोने से फनकारों और अलग अलग काम के माहिरीन को लाकर इस शहर में बसाया गया। इनमें ईसाइयों के साथ साथ हर मजहब के लोग शामिल थे। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इन सबको मजहबी आज़ादी फरहम की, ना किसी को जबरदस्ती मजहब तब्दील करवाया गया ना ही किसी को उसके मजहब पर अमल करने से रोका गया और यूं कंस्तनतुनिया में अमनो अमान कायम हो गया। तो दोस्तों ये थी सल्तनत उस्मानिया के उरूज की कहानी, लेकिन सल्तनत उस्मानिया पे बनी ये सीरीज यहीं पे खत्म नहीं होगी। ये तो सिर्फ तुर्कों का आधा इतिहास ही था जिसमें हमने आपको तुर्कों के एक छोटे से गुमनाम और रेवड़ चलाने वाले कबीले से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत बनने तक की मुकम्मल दास्तान सुनाई, लेकिन अभी भी ये दास्तान अधूरी है क्योंकि अभी तो सल्तनत उस्मानिया सिर्फ उरूज पर पहुंची है। इसके जवाल और जदीद तुर्की बनने की दास्तान आपको सुनाना अब भी बाकी है, वो भी आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल इनविजिबल इल्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, अगर अभी सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कब करोगे। सब्सक्राइब करने के साथ ही मुस्लिम इतिहास से जुड़े ये वीडियोस अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक भी जरूर पहुंचाइए और उन्हें इस्लाम की अजीम तारीख से आगाह और वाकिफ कराइए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान में रहे। अस्सलाम वालेकुम।